देखो यहाँ से ना ये जो सब ये जो टॉपिक है यहाँ से आपको दो सब टॉपिक कवर हो जाएंगे। पहला जो हम लोग इंडियन फ्रीडम मूवमेंट में यानी भारत का जो स्वतंत्रता संग्राम होता है मॉडर्न इंडिया में उसमें जो चैप्टर दिया होता है सिविल डिसऑबेडियंस यानी सबने बताया जो चैप्टर दिया होता है उसको, और दूसरा क्या हुआ कि बिहार में इसकी क्या क्या घटित घटनाएं हुई हैं हम लोग आज उसको जानने का प्रयास करते हैं। बात समझ में आया? देखो हमने पहले आपको समझाया था कि आंदोलन में क्रांति में इन सब में क्या क्या अंतर होता है, किसी विद्रोह में क्या अंतर होता है। तो आंदोलन मतलब वही हो गया या समझ, आंदोलन मतलब क्या कि जहां पर लोगों का हुजूम हो। और आंदोलन कब होता है अनीता? कि जब उसमें हिंसात्मक गतिविधि होती है। और सत्याग्रह कब होता है? जब उसमें अहिंसात्मक गतिविधि होती है। अहिंसा का मतलब मारपीट नहीं होता, हिंसा का मतलब क्या खून खराबा होगा। देखिए हो ना कि हम लोग चर्चा जब करते हैं कि सबने अवज्ञा सत्याग्रह, यहाँ ध्यान रखना जो एनसीईआरटी की किताब है 12th क्लास की हिस्ट्री में उसमें आंदोलन का चर्चा किया गया है, लेकिन उससे पहले जब शुरुआत होती है लाहौर के अधिवेशन में तो देखिएगा सबने अवज्ञा सत्याग्रह इसको नाम दिया जाता है सत्याग्रह। लेकिन बाद में जो चोरी चोरा घटनाकांड होता है हमारे उत्तर प्रदेश में उसी के बाद इसको ये किया जाता है, स्थगित कर दिया जाता है सर, उसी के बाद स्थगित करते हैं। नहीं बोला जी, नहीं सर, वो तो असहयोग वाला होगा सर। देखो असहयोग आंदोलन तो फिर जी कहां जी सर, बोला गलती हो गया, गलती हो गया सर, कान पकड़ना चाहिए ना, हम पकड़ लिया सर कान, क्लास में ही रहो, ध्यान रखना जी। तो यहाँ आंदोलन की हम चर्चा कर रहे हैं, यहाँ ध्यान देना आंदोलन का यह मतलब हो गया कि इसमें क्या होगा, हिंसा इंक्लूड होगा। हिंसा का मतलब क्या होता है कि या तो अंग्रेज लोगों ने हमारे भारतवासियों के साथ हिंसा करेगा, या हमारे भारतवासी लोग हैं वो किसके साथ हिंसा करेगा, अंग्रेजों के साथ हिंसा करेगा, इसीलिए इसका नाम क्या डाला गया हुआ है, आंदोलन। यहाँ ध्यान रखिएगा गांधी जी के द्वारा जब सबने अवज्ञा शुरू किया गया था तो वह वास्तव में सत्याग्रह के रूप में शुरू किया गया था, लेकिन कुछ भारत स्तर पे ऐसे कुछ गतिविधियां घटित होने लगी बिहार में, उसके बाद मध्य ये मद्रास में, बम्बई में, उत्तर प्रदेश में, जिसके कारण कि इसको नाम क्या डाल दिया गया, यह आंदोलन में परिवर्तित स्वतः हो गया। इसीलिए जितने भी किताब हम लोग पढ़ते हैं एनसीईआरटी का या स्पेक्ट्रम की अच्छी अच्छी किताबें पढ़ते हैं उन सब में सबने अवज्ञा आंदोलन को क्या किया जाता है, सबने अवज्ञा को आंदोलन के रूप में मेंशन किया जाता है। यहाँ ध्यान दीजिएगा जेल, इसमें जो भी नेता जेल में गए उसके बाद जब वो जेल से बाहर निकल करके आए तो वो अब क्षेत्रीय नेता से निकल करके क्या बन गए, राष्ट्रीय स्तर के नेता बन गए, नेतृत्वकर्ता बन गए, है ना, जिसमें हमारे जब ये राजेंद्र प्रसाद साहब इन ग्रुप थे। आगे हम पढ़ेंगे सब चीजों का कि कैसे कैसे उनका साइकिल चल रहा है। तो देखो सबसे पहले इसका हम ये फर्मा बनाते हैं, इस फर्मे में हम क्या जानने का प्रयास करेंगे सबने अवज्ञा आंदोलन में, है ना। देखो सबसे पहले हम इसका क्या जानेंगे कि पृष्ठभूमि पढ़ेंगे। पृष्ठभूमि का मतलब होता है कि सबने अवज्ञा आंदोलन आखिर क्यों शुरू किया गया, है ना, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं बैकग्राउंड, ठीक। पृष्ठभूमि के बाद हम जब पृष्ठभूमि इसको हम जब देख लेते हैं कि पृष्ठभूमि इसका क्या है, उसके बाद हम लोग इसको क्या देखेंगे, परिचय को पढ़ेंगे। परिचय का मतलब हो गया कि इसका हम लोग इंट्रोडक्शन देखेंगे। बात समझ में आया? इंट्रोडक्शन देखने के बाद में चूंकि देखो हम क्या कर रहे हैं, हमको बिहार स्पेशल पढ़ाई करना है तो हम इंडिया लेवल पर नहीं जाएंगे, हम कहाँ चले जाएंगे, सीधा हम चले जाएंगे अपने बिहार में। बात समझ में आया? यानी अब क्या करेंगे, थोड़ा सा हम पहले देखेंगे क्या राष्ट्रीय परिदृश्य, यहाँ पर संक्षेप में देखेंगे, ध्यान रखिएगा बहुत कम में, फिर आप लोग ये मत सोचना कि सर सबने वाला छोड़ क्यों दिया, हम पहले बोल रहे हैं कि यहाँ जो राष्ट्रीय परिदृश्य जो है यह मेन टॉपिक होता है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का, तो वहां हम चर्चा नहीं करेंगे। हमको क्या देखना है, राष्ट्रीय परिदृश्य यानी नेशनल इंसिडेंट, है ना, इसका समरी देखेंगे, बिल्कुल संक्षेप में देखेंगे, ठीक। और सीधा हम जंप करेंगे कि बिहार में सबने अवज्ञा आंदोलन, बिहार में सबने अवज्ञा आंदोलन या बिहार में घटित घटनाएं, घटनाएं, ठीक। अब देखो यहाँ ध्यान देना, ये सबने अवज्ञा आंदोलन हम डिटेल में पढ़ेंगे, इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि यह टॉपिक जो है यह बीपीएससी मेंस में भी पूछा जाता है, है ना। देखो अब बिहार में घटित घटनाएं होंगी तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको कुछ सेक्शन में हम बांटने का प्रयास करते हैं ना। देखो सबसे पहला देखेंगे बिहार में घटित घटनाएं का, तो बिहार में नेतृत्व, नेतृत्व का मतलब होता है कि जो भी हमारे पास बिहार का रियल मैप है पढ़ेंगे ना, कि इस बिहार में चंपारण से कौन इसका नेतृत्व किया, सबने अवज्ञा आंदोलन का हमारे यहाँ मुजफ्फरपुर से कौन किया था, भागलपुर से कौन किया था, गया से कौन किया था, किशनगंज से कौन किया था, उसके बाद की दरभंगा मधुबनी का एरिया है वहां से कौन किया था, रोहतास से कौन किया था, बांका से कौन किया था, आई बात समझ में। तो नमक सत्याग्रह चला हुआ था, छपरा से कौन किया था, तो जिन सबका इसीलिए टॉपिक को क्या बांटा है कि बिहार में नेतृत्व हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि क्वेश्चन आपको यहाँ से हिट करेगा बहुत ज्यादा, ठीक। अब देखो बिहार में नेतृत्व जब हम पढ़ लेंगे किस किस का घटना कहाँ तक हुआ है, फिर हम क्या करेंगे, नेतृत्व पढ़ने के बाद हम क्या करेंगे कि घटनाओं पर जाएंगे, सीधा घटनाओं का संकलन पढ़ेंगे, है ना।
संकलन का मतलब जहां समझ में नहीं आएगा पूछना है ना, कलेक्शन ऑफ इंसिडेंट्स। थोड़ा सा पेशेंसली पढ़ना, घबराना नहीं है ना, क्योंकि हो सकता है कि हम कोशिश करेंगे कि आज इसको खत्म कर दें, नहीं तो फिर कल ही खत्म होगा। घबरा के मत पढ़ना, आराम से पढ़ना इसको, ठीक है। घटनाओं का संकलन की इसमें क्या पढ़ेंगे कि सवर्ण वैज्ञानिक दशा में हमारे पास कौन कौन सा घटना घटा था। तो ध्यान पढ़े हुईगा कि बिहार में दो प्रकार की घटना घटित होती है। पहला घटित घटना होता है नमक सत्याग्रह से, और दूसरा घटित किससे होता है, माइक बंद कर लो तुम लोग, बात करना होगा तो क्लास के बाद बात कर लेना, चौकीदारी कर। हम देखो अब क्या है कि घटनाओं का संकलन पढ़ने, देखो क्या है कि हम नमक सत्याग्रह का देखेंगे कि बिहार में नमक सत्याग्रह कहाँ कहाँ हुआ, चौकीदारी का कहाँ कहाँ हुआ, आई बात समझ में। अब देखो यहाँ पर देखो अगला हम देखेंगे क्या लिंग अनुसार भूमिका या लिंग आधारित भूमिका, मतलब क्या कि रोल अकॉर्डिंग टू जेंडर है ना। इसमें क्या देखेंगे, इसमें देखो, इसमें हम देखेंगे बच्चों की क्या भूमिका थी, इसमें देखेंगे महिलाओं की क्या भूमिका थी, उसके बाद पुरुषों की क्या भूमिका थी। यहाँ ध्यान देना जो भी फीमेल कैंडिडेट है, दिख रहा बोर्ड पे, जो भी फीमेल कैंडिडेट अभी क्लास कर रही है वही महिला पर ज्यादा फोकस करना है। क्यों फोकस करना, क्योंकि जब आप इंटरव्यू देने जाइएगा तो यह प्रबल संभावना होती है कि आपसे बिहार के दो तीन क्रांतिकारी महिलाओं का नाम पूछेगा। बात समझ में आया, तो आप तो बता दीजिए कि कौन कौन महिला क्रांतिकारी है। लेकिन कई बार कुछ इंटरव्यू लेने वाले कुछ अंदर तक पहुंच के क्वेश्चन पूछते हैं, आपको बोल रहे हैं कि असहयोग आंदोलन में बिहार की कुछ नेतृत्वकर्ता महिला का नाम बताएं, सबने बग्या में बताया, तो इसीलिए बोले कि महिला में आप जरूर पढ़िएगा। दूसरी बात कि आप जिस फील्ड में वर्क करने जाइएगा तो आप जब इनका रोल पढ़िएगा तो आप क्या कीजिएगा, अपने जनता को प्रेषित कीजिए, बताओ कि हमारे प्राचीन समय में 1940 के आसपास में इतना बड़ा घटना बिहार में हुआ था, तो हम लोग तो उससे और सबल हैं, हमको और प्रबलता से काम करना पड़ेगा। तो ये आपके व्यक्तित्व विकास में भी काम देगा। और जो पुरुष कैंडिडेट है वो इन दोनों घटनाओं को पढ़ेंगे, पुरुषों को, महिलाओं को और बच्चों की भूमिका भी पढ़ेंगे। बात समझ में आई, सब कुछ आपको सीख देगा। देखो अब हम इसका चर्चा इसीलिए किए हैं ताकि आपको एक चीज समझ में आ जाए कि हम सवर्ण अवज्ञा आंदोलन का जो चर्चा करेंगे, डिस्कशन करेंगे, उस डिस्कशन में किन किन टॉपिक्स को, किन किन टॉपिक्स को सेक्शन वाइज क्लासिफाई करके हम पढ़ेंगे, ताकि हमको क्या हो ये अच्छे से समझ में आ जाए। यहाँ तक किसी को दिक्कत है, कुछ पूछना हो तो बताओ, इसको मिटाए ना, सब लोगों ने लिख लिया है। अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग क्या जानने का प्रयास करते हैं, सबसे पहला टॉपिक क्या लिया था मनता, हम लोगों ने पृष्ठभूमि लिया था है ना। देखो अब पहले समझते हैं क्या कि इसकी पृष्ठभूमि क्या है, कोई अभी बताएगा कि नमक सत्याग्रह का या फिर सवर्ण अवज्ञा आंदोलन का पृष्ठभूमि क्या है। देखो सब लोग अपने हिसाब से बोलेगा, देखो ध्यान रखना कि सवर्ण अवज्ञा आंदोलन का जो पृष्ठभूमि है, जो बैकग्राउंड होता है, वह जुड़ा होता है नमक कानून से, या इसी को हम लोग कहते हैं नमक सत्याग्रह, ये नमक आंदोलन नहीं नमक कर। ध्यान रखना सवर्ण अवज्ञा आंदोलन की जो पृष्ठभूमि होती है वह साल्ट लॉ या साल्ट टैक्स से जुड़ा हुआ होता है, ठीक। तो अब क्या, माइक बंद कर लो आप लोग सारे बच्चे, हमारे कहने का यह तात्पर्य होगा कि सवर्ण अवज्ञा आंदोलन जो है उसकी पृष्ठभूमि हमारे पास दो घटनाओं से निकल के आता है। पहली घटना हमारे पास में होता है जिसको नमक कानून कहते हैं, और दूसरा हम लोग क्या बोलते हैं, नमक कर बोलते हैं। अब देखो हमने यहाँ पर बीच में या का ऑप्शन दिया है ना, या तो आप इसको पढ़ो या इसको पढ़ो, लेकिन ध्यान रखना नमक कानून अलग चीजें हैं और नमक कर अलग चीज है, इसको तो समझते हैं और एक्सप्लेन करने के बाद में। देखो पहले यह बताओ कि नमक कानून, ये सवर्ण अवज्ञा आंदोलन जो है यह जो घटना है कब का घटना है, यानी कब शुरू किया गया था पूरे भारत में, अप्रैल 1930 में है ना, 6 अप्रैल को था, तो 6 अप्रैल क्यों दिया गया तो उसमें बाद में पढ़ेंगे। पहले यह जानते हैं कि हमारे भारत में सवर्ण अवज्ञा आंदोलन जो शुरू किया गया था उसकी शुरुआत हुई थी अप्रैल के महीने। अब देखो हर किताब में तो लिखा है कि अप्रैल के महीने में शुरू किया गया था, लेकिन जरा सोचो दिमाग में थोड़ा सा जोर डालो कि गांधी जी ने इसका, पहले ये बताओ कि अवज्ञा का कहां से मेंशन किया गया था, लाहौर के अधिवेशन में ना, जहां नेहरू साहब के होंगे, दिसंबर में उसका अधिवेशन होता था, तो गांधी जी चाहते तो जनवरी में भी शुरू कर सकते थे, बात समझी, फरवरी में भी शुरू कर सकते थे, मार्च में भी शुरू कर सकते थे, अप्रैल में कहां शुरू किए, पहला पार्ट आपके दिमाग में यह हिट होना चाहिए।
कि अप्रैल में क्यों चूज किया। देखो इसका कारण क्या था अप्रैल चूज करने का, कि अप्रैल का जो महीना होता है हमारे यहाँ वो महीना कैसा होता है, न तो तुमको ज्यादा गर्मी लगेगा मतलब ज्यादा ठंडा लगेगा, बात समझ में आया, यानी अप्रैल का जो क्लाइमेट होता है वो तुम एक वस्त्र धारण करके तुम कहीं भी घूम सकते हो भारत के किसी भी कोने में, मतलब उत्तरी भारत को छोड़ करके, कश्मीर वगैरह पश्चिम को छोड़ करके, जो हमारा स्थलीय भाग है भारत का उसमें किसी भाग में तुम घूम सकते हो। तो गांधी जी के पास जब यह ऑप्शन दिया गया कि बाबा जी अब हम आपके ऊपर छोड़ते हैं, आगे देखेंगे इसको थोड़ा डिटेल में, कि बाबा जी हम आपके ऊपर छोड़ते हैं कि आप इसको कब शुरू करते हैं, गांधी बाबा बोलते हैं अप्रैल में, तो प्रसाद जी बोलते हैं, नेहरू साहब बोलते हैं सर हम दिसंबर से चार महीना का हाइब्रिड करेंगे, आप पहले शुरू कीजिए जनवरी में शुरू कीजिए, बोले कि नहीं जनवरी होने से जनवरी में ठंडा होता है, और सोचो कि 1930 ईस्वी में अगर यह आंदोलन शुरू करता गांधी जी, बात समझ में आया, तो ठंडा में क्या बताओ उस समय के लोग एक धोती पहनता था ओढ़ता था उसी को ओढ़ करके सोता था, महिलाएं एक ही साड़ी में अपना कमर ढकती थी बदन ढकती थी उसी को ओढ़ करके सोती थी, बच्चों को सुलाती थी उसमें, तो ठंडा में कैसे वो पार्टिसिपेट कर पाती, बात समझ में आया। तो आपसे अगर पूछ देता बीपीएससी इंटरव्यू या कहीं पर भी, तो आप क्या जवाब देते, अप्रैल में क्यों शुरू किया गया था, माता खुजलाते हैं ऐसे ऐसे, है ना, आपको शायद नहीं इतना क्लिक किया होगा ये चीज जो हम बता रहे हैं, सबका एक चर्चा होता है, सबका परिघटना का चर्चा होता है जो हम चर्चा कर रहे हैं, ठीक। तो गांधी जी चीज को समझते थे कि भाई हमारा क्लाइमेट कैसा है, तो अप्रैल में शुरू किया गया। दूसरी बात क्या था कि अप्रैल के महीने में बिहार के पूरा लोग काफी जोश में होता है, जोश में क्यों होता है, देखिएगा कि मार्च और अप्रैल का जो महीना होता है बीच का, अप्रैल मतलब क्या फर्स्ट वीक है, इस महीना में देखिएगा कि एक अजीब सा बिहार में बयार चलता है, बिहार उत्तर पूर्व उत्तर प्रदेश में ना होता है कि उदासीन मौसम सा हो जाना, जिसमें लोग गाना गाते हैं दिन ना रातों को नींद दिन को कार वाली सेना की है, यहाँ पे मन उदास रहेगा, मन उचार रहेगा, हमेशा उदास रहेगा, कोई कोई रहेगा, मतलब अपने यह बसंत का डूबता हुआ महाइसूर बोला जाता है, यानी क्या कि समझो कि एक हमारे पास दिन बहुत ज्यादा लंबा होता चला जाता है, रातें छोटी छोटी चली जाती है, ये भी घटनाएं होती है। तो बिहार में देखिएगा बच्चा महिला और बूढ़ा बने हैं ना, इन सबकी इन सबका पार्टिसिपेशन इसलिए ज्यादा हो गया था क्योंकि मार्च अप्रैल के महीना में क्या होता था, वहाँ जितने भी स्कूल थे कॉलेज सबका परीक्षा हो गया, सब बच्चा फ्री हो गया था, यहाँ से जून जुलाई में चले गए, बच्चा दो तीन महीना फ्री हो गया, क्या करेगा, चलो भाई पार्टिसिपेट करते हैं, इसीलिए भूमिका हम लोग ज्यादा पढ़ते हैं कि बिहार में इसका जो रोल होता है बहुत अधिक था, खास करके महिलाओं का, आगे चर्चा करेंगे उन सब चीजों का, बात समझ में आया। तो ये इसकी पृष्ठभूमि, और देखो 1930 में शुरू किया गया था, लेकिन हमने क्या कहा कि इसकी जो पृष्ठभूमि होती है ये नमक कानून से जुड़ा हुआ होता है, नमक कर से जुड़ा हुआ होता है, इसके पीछे का क्या कारण था, देखो क्या होता है कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट होता है, बीजी साहब होते हैं हमारे ब्रिटिश गवर्नमेंट, वो 1923 ईस्वी में एक कानून पास करते हैं ब्रिटेन की संसद में, क्या कानून पास करते हैं, उन कानून यह पास करते हैं, गांधी जी का पर तो सबका हो गया था, गांधी जी को समझ में आ गया क्या भाई, लोग ये समझ गया कि गांधी जी का रोल बहुत ज्यादा हमारे इसके भारतीय लोगों में बहुत ज्यादा पैठ हो रहा है, कि गांधी जी हमारे पास क्या करेंगे, हमारे सामने एक समस्या पैदा करेंगे, तो अंग्रेज साहब इसको क्या करते थे, धीरे धीरे टालने का प्रयास करना शुरू कर दिया कि गांधी का पार्टिसिपेशन किसी आंदोलन में ना हो या कमतर हो। इसी के लिए क्या किया, ब्रिटेन की संसद में एक कानून लाया गया 1927 ईस्वी में, उस कानून में क्या कहा गया था कि जो साल्ट टैक्स था उस साल्ट टैक्स को क्या कर दिया गया, डबल कर दिया गया, यानी नमक कर जो था वो क्या कर दिया गया, पल्लवी दुगुना कर दिया गया। जरा सोचो हमारे भारत में जहाँ इतना बड़ा समुद्र है, नमक फ्री में लोग सब लेता था उस समय में, तो जो हल्का फुल्का उस समय टैक्स लगता था पाई के, जो भी पाई लगता हो उस पाई का दुगुना कर दिया, बात समझ में आया, नमक टैक्स दुगुना करने का कारण यह हुआ कि जो भी हमारे देखो यहाँ पर मैप देखो भारत का है ना, यहाँ तुम देखो यहाँ से कौन सा देश राज्य हमारा है, गुजरात से लेकर यहाँ तक उड़ीसा तक का देख रही हो ना, गुजरात जो भी यहाँ सब अरब सागर हो गया हमारा, ठीक है यहाँ पर बंगाल की खाड़ी हो गया, ये इतना बड़ा हमारा सीमा क्षेत्र है किसका, स्थलीय जलीय भाग का है, तो इन सब भागों में क्या होता था, नमक का उत्पादन होता था, कौन करता था, तो यहाँ का जो मारवाड़ी समुदाय था या फिर जो व्यापारी समुदाय के लोग हुआ करते थे, वह यहाँ पर क्या करते थे, यहाँ पर अपना नमक बनाते थे। लेकिन जब 1923 ईस्वी में साल्ट टैक्स को दुगुना कर दिया गया, तो अब क्या होगा कि कर दिया गया, ठीक है इसका पार्टिसिपेशन होता चला गया। इसी समय में क्या गया, दो महीने बाद में एक और कानून लाया गया, क्या कानून लाया गया कि भारतीय उपनिवेश में यह कानून लागू होगा कि अब कोई भी व्यक्ति, यहाँ ध्यान रखना कि अब कोई भी व्यक्ति चाहे वह किसी भी सीमा क्षेत्र में रह रहा हो, वह क्या करेगा, वह समुद्र के जल से नमक नहीं बनाएगा। अगर वह व्यक्ति नमक बनाएगा उस पर क्या होगा, कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जरा सोचो तो पल्लवी, अब जिस व्यक्ति का रोजगार चल रहा था किससे,
नमक बना करके बेचता था भाई पाई में ही, कुछ पैसा तो मिलता था ना। अब सरकार ने क्या किया बताओ कि बिना नमक के कोई खाना पीना खाएगा जी? नहीं खाएगा ना, विश्वास करिएगा। ये कानून दोनों कानून ला दिया गया तो समझो कि हमारे पेट पर क्या मार दिया, लात मार दिया। कौन? ब्रिटेन की सरकार। जब हमारे पेट पर ब्रिटेन की सरकार लात मारेगा तो क्या हम कुछ एक्टिविटी नहीं करेंगे, कुछ प्रतिक्रिया नहीं करेंगे? देखो पागलों को मारो की देगा तो वो भी तुमको ईंटा फेंक के मारेगा। सोचो हम लोग तो बुद्धिजीवी थे। तो गांधी जी को यह बात पता चला क्या कि बताओ कि एक खाना जो होता है हर चीज में बिना नमक का कुछ काम नहीं कर सकते हो, तो नमक को क्या किया, टैक्स को दुगुना कर दिया। जब टैक्स दुगुना होगा तो क्या होगा, जो नमक का प्राइस मान लो 1 रुपया है उसका सीधे 8 रुपया हो, यानी ये 4 गुना की रफ्तार में इसका रेट बढ़ता है। देखती हो ना, पेट्रोल का पहले था 85 रुपया लीटर, केवल 1.5% उस पर टैक्स लगा था, सीधे 110 रुपया उसका रेट हो गया। सोचो इसका दुगुना का सीधे टैक्स बढ़ा देगा तो कितना हो जाएगा, सीधे 300-400 लीटर पेट्रोल मिल जाएगा। उससे सोचो कि जो पहले पाई में रुपया ये नमक मिलता था, वो रुपया में नमक मिलने लगा, तो भाई गरीब लोग खा पाएगा, नहीं खा पाएगा। और दूसरा चीज कि जो गरीब थे, जो दलित लोग थे या फिर जो समुद्र के रहते थे, वो समुद्र के पानी से काट के लाते थे, नमक बनाते थे वो लोग। तो उस नमक बनाने पर भी क्या लगा दिया गया, कानून बोला कि नहीं तुम नमक नहीं बना सकते, बनाओगे तुमको क्या करना पड़ेगा, जेल जाना पड़ेगा। और तो और इसी कानून को रक्षा करने के लिए जितना भी तटवर्ती राज्य था हमारा, उन सब राज्यों में क्या किया गया, जहां जहां समुद्र तट था, जहां पर लोग जा सकते थे आसानी से, वहां वहां क्या कर दिया, हाफ पैंट वाले पुलिस को डंडा लेके खड़ा कर दिया। सोचो तो अभी किसी पुलिस को देख के हम कितना डरते हैं, जनरली बिहार के बच्चे लोग डर जाते हैं, भले लोग बोला कि हम ना डरते हैं लेकिन डर होता है खाकी से। तो अभी हमारी स्थिति उस समय कैसी स्थिति होती होगी, तो सोचो कि 1930 में जो घटना हुआ ना, वो एकाएक नहीं हुआ। देख रहे इसका जड़ कहां से है, यह 7 साल का पूरा प्रताड़ना है। कोई भी आंदोलन जो होता है वो एकाएक नहीं उठा होता है, उसके लिए क्या चाहिए, समय चाहिए होता है। समझ में आया ये चीजें, समझ में ये देखो ये जो कारण है ना, यह कारण हमारे बीपीएससी के लिए भी महत्वपूर्ण है और यूपीएससी में भी जो पढ़ते हैं हम लोग उसमें यही दो कारण बताए गए हुए हैं, आप लोगों को पता होगा। इसके अलावा और तीसरा कोई कारण नहीं था कि जिसके लिए गांधी जी क्या करते, नमक सत्याग्रह शुरू करते। बात समझ में आया यहाँ तक, दो कारण क्या था, क्लियर हुआ सारे बच्चों को? आगे चले पढ़ी थी पल्लवी, नहीं पढ़ी होगी बताओ, मामला खराब हो गया नहीं? अरे एक बात बताओ, तुम लोग कैसे जानते हो कि हम सही पढ़ाते हैं कि गलती पढ़ाते हैं जी? कहीं गलती है बोलते चले गए तब आज मम्मी को भरोसा कर लोगे नहीं? चलो एक लफ्ज सर, क्या हो रहा आपका, देख के याद कर लेते गलती हो ना हो जाता है। अच्छा याद कर लेते नहीं, चलिए ठीक है। देखो प्रिंसिपल को भी समझ में सारे बच्चों को आ गया है ना, समझ में? अच्छा सर, सर हां बताएं सर, विनय अवज्ञा आंदोलन का सर पृष्ठभूमि ये भी था ना, डोमिनियन स्टेट जो था जो नहीं मिला है सर, कंधो नहीं नहीं वो जो था ना, हम बता रहे हैं क्या है, हम अभी नमक पर ही बात किए हुए हैं, जब वहां पर अधिवेशन की हम चर्चा करेंगे उसमें डोमिनियन की भी हम चर्चा करेंगे, हम उसमें आते हैं और आगे हम बताएंगे चर्चा करेंगे उसमें, है ना जी। यहां तक नमक का समझ में, देखो मेन हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग तो बेसिक बिहार में है ना, बात समझ रहे हैं? तो बिहार के आदमी को क्या पता कि हम आजाद हो कि चाहे गुलाम, हम गुलाम रहे सबको रोजगार मिले रहे, ढंग से खाना पीना हमको मिलता चला जाए, है ना। तो बेसिक जो था ना नमक कानून था, आगे समझ में, नमक हमको तोड़ना है। वो आगे जब देखें कि डोमिनियन स्टेट का तो चर्चा है क्या, कि जब लगा कि हमको नहीं मिलेगा उससे भी गांधी जी और लोग कुपित होते चले गए। हम एक चीज बता रहे, देखो ऐसा थोड़ी है कि डोमिनियन स्टेट जो हमको नहीं मिल रहा था वही एकमात्र कारण है। ये चर्चा आज से थोड़ी हो रहा है, जो देख रहे हैं कि 1914 से चर्चा हो रहा है, जब प्रथम विश्व शुरू हुआ तब से है ना। अंग्रेज बोलता था कि हमारा सेना में भर्ती हुई हम आपको आजाद कर देंगे, हम तो देखा 30 तक चलाया है ना। लेकिन देखते हैं कि इसके लिए स्ट्रेटली जो भी हम पढ़ते हैं वो नमक कानून के संदर्भ में ही लिया जाता है। और इसमें सब्सिडी के रूप में एक चीज और जोड़ दिया जाता है क्या, कि अंग्रेजी सरकार ने हमको डोमिनियन स्टेट का दर्जा नहीं दिया पहला, और दूसरा क्या कहा कि हमको जो फ्रीडम के लिए वादा किया था वो वादा भी नहीं निभाया। उसके बाद और कारण इसमें क्या हो सकता है कि देखिए हमारे यहाँ विश्व में महंगाई बढ़ रही थी और सरकार जो था सभी गुड्स पर, गुड्स का मतलब होता है वस्तु, गुड मतलब हो गया अच्छा, इस जगह तो वस्तु हो जाता, सभी गुड्स पर क्या हो गया टैक्स हमेशा बढ़ाते चला गया। तो नमक इसका कोई एक कारण नहीं था, इसका बहुत सारे कारण थे, तो सबको तो चर्चा करना संभव नहीं है, कुछ जो महत्वपूर्ण चीज है उसी चर्चा करके निकलने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। देखिए ये क्या हो गया, ये हमारा इंट्रोडक्शन थोड़ा सा हो गया पृष्ठभूमि का। अब देखो अगर आपसे पूछे गया, अब यहाँ पर क्या देखा, पर्चे देखते हैं, इसका इंट्रोडक्शन क्या है वो देखते हैं। पर्चे में देखते हैं क्या कि सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है, यहाँ ध्यान रखिएगा यह भार, ये क्या नाम है, यह जो था ये क्या नाम है सविनय अवज्ञा आंदोलन, वह ब्रिटिश भारत में, ध्यान रखना ब्रिटिश भारत या ब्रिटिश साम्राज्यवाद, दो शब्द हम लोग यूज करते हैं,
सबने अवज्ञा आंदोलन जो था वो ब्रिटिश भारत में या ब्रिटिश साम्राज्यवादी देश भारत के जनताओं द्वारा या जनता के द्वारा शुरू किया गया क्या था, एक राष्ट्रीय आंदोलन था। यहाँ ध्यान दीजिएगा, इसमें जो जनता था वह जनता स्वतः नहीं आया असम में, जैसे असहयोग में था या चंपारण में था, जनता स्वतः नहीं आया, बल्कि इस जनता को लाने वाला एक राजनीतिक पार्टी था, उसका नाम था कांग्रेस, है ना। पर्चे में क्या हम देखेंगे कि जो सबने वाले आंदोलन है वो ब्रिटिश साम्राज्यवाद में या भारतीय परिवेश में भारतीय जनता के द्वारा कांग्रेस के समर्थन से शुरू किया गया या चलाया गया एक क्या था, तीव्र जन आंदोलन था। हो गया, आपको जब मेंस पे लिखना हो तो इसी स्टेटमेंट को लिखिएगा, काम खत्म है, आंदोलन था। और देखिए कि इसका जो राष्ट्रीय स्तर पर शुरुआत होता है वह होता है 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को। यह बहुत बार पूछा गया है बीपीएससी के द्वारा कि भारत में सबने वज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब किया गया था, तो हम लोग क्या देखते हैं 6 अप्रैल, क्यों क्या पहले वो तो देख बता ही दिया कि क्या ईस्वी है। अब देखो यहाँ पर ध्यान देना कि सर, बोलो इसका परिचय थोड़ा फिर से बता देंगे। देखो सबने वज्ञा आंदोलन जो था वो क्या था कि भारतीय उपनिवेश द्वारा, है ना, हमारा भारत सॉरी ब्रिटिश उपनिवेशी देश भारत के द्वारा कांग्रेस के समर्थन से ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध चलाया गया एक तीव्र आंदोलन था या तीव्र जन आंदोलन था। हो गया, ये तो भाषा तुम्हारे ऊपर, भाषा कितना अच्छा तुम लिख सकती हो, बात समझ में आया। अब यहाँ देखो, अब जो अप्रैल 1930 में हुआ था इसका बैकग्राउंड क्या था, इसी समय क्यों चुना गया, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, इससे एक साल मतलब चार पांच महीना पहले दिसंबर 1929 ईस्वी का, देखो यह बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण एरा है, समय काल है कि दिसंबर 1929 में लाहौर में क्या किया गया था, एक अधिवेशन किया गया था। लाहौर में था ना, कहाँ था, लाहौर में क्या किया गया था, कांग्रेस का अधिवेशन किया गया। ध्यान रखना दिसंबर 1929 ईस्वी में लाहौर में क्या किया गया, कांग्रेस का जो वार्षिक अधिवेशन होता था उस वार्षिक अधिवेशन को बुलाया गया। और जरा हमको बताओ तो पहले भी कि कांग्रेस में जो लाहौर का अधिवेशन, लाहौर में जो कांग्रेस का अधिवेशन किया गया, इसके चेयरमैन कौन थे, इसका अध्यक्ष कौन था, बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, जवाहरलाल नेहरू, ये भी काफी महत्वपूर्ण पॉइंट है। देखो तो दिसंबर 1929 ईस्वी में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लाहौर में कांग्रेस का जो अधिवेशन किया गया था, अब ये बताओ कि कांग्रेस का कैवा अधिवेशन था, 15वां था, 20वां था, 28वां था, 13वां था, कैवा था, 15वां। हाँ, 15वां, जो मन में आया सब बोलते चले, देखता है क्या है वो। तो जो अधिवेशन किया गया था, इस अधिवेशन में क्या किया गया, इस अधिवेशन में जो है हमारे 1923 में जो सरकार के द्वारा नमक टैक्स लाया गया था उस पर घनघोर चर्चा की गई, घनघोर चर्चा की गई। ध्यान देना 1924, 25, 26, 27, 28, ठीक है ना, इन 5 सालों में कांग्रेस का कोई अधिवेशन हुआ था, अधिवेशन 25, 26, 27, 28 में याद नहीं, बताइए तो दिल्ली हुआ था 25-26 में, नहीं सर कब तक नहीं हुआ था, ये सर हुआ था 28 तक, मतलब 25-26 हुआ था, 4 साल नहीं हुआ था, नहीं हुआ था, इसका चेयरमैन कौन था, किसा 29 में, अरे नहीं 25 में जो बाद तक नहीं हुआ था, इसका चेयरमैन कोई था ना जो कांग्रेस का सबसे लंबे समय तक चेयरमैन था, अबुल कलाम आजाद। हाँ, ध्यान रखना, ध्यान सारे बच्चे, 1924 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था उसके चेयरमैन हमारे थे अबुल कलाम आजाद। यहाँ ध्यान लीजिएगा सर, हेलो सर, 24 बेलगांव में सर महात्मा गांधी, 25 में था, 25 में था, 25 में जो अधिवेशन किया गया था इनके थे हमारे अबुल कलाम आजाद। ये सर सबसे इनका 5 साल का गैप था इनका। खैर देखो उनको बताते हैं, इन जो 4 सालों में था कांग्रेस का अधिवेशन नहीं हुआ था, हमारा नमक सत्याग्रह जो था ना, सारे बच्चे माइक बंद करो, नमक सत्याग्रह जो था
मतलब 23 में कानून बना था, तो 24 में क्या किया, गांधी के पास में ये घटनाएं आई थी जब बेलगाम में अधिवेशन कर रहे थे, तो गांधी जी उस समय प्रिपेयर नहीं थे, उन्होंने सोचा क्या कि जब अगला साल अधिवेशन करेंगे तो उस समय हम कर लेंगे इसका चर्चा, लेकिन इस बीच में कांग्रेस का कोई अधिवेशन नहीं हुआ तो वह मामला ठंडे बस्ते में चला गया। तो जब 28 में कांग्रेस का, सॉरी 28 बोलते हैं 29 में जब कांग्रेस का अधिवेशन किया गया लाहौर में, तब वह दबी हुई बात फिर निकल करके सामने आई कि बताइए कि 23 में हमारे यहाँ नमक टैक्स लगाया गया था, दुगुना किया गया था, अभी तक आप चुप। सर 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 बताए सर, 25, 26, 27, 28 सब में सर अधिवेशन हुआ है सर, सॉरी हम गलत बता रहे थे सर। एक बताएं अबुल कलाम आजाद साहब कब बने थे चेयरमैन? वो तो सर अब 12 में आया, 40 में आते सर, 40 में आता है सर, गलत नहीं है सर। अभी अभी हुआ था ये दूसरा प्रश्न। अबुल कलाम आजाद सर रामगढ़ के 53वां अधिवेशन में थे, बने थे 1940 से 1944 तक रहे। हाँ वही बोला, 40 तक यहाँ। यहाँ पर सर है ऐसा है, 25 में सरोजिनी नायडू, 26 में सर श्रीनिवास अयंगर, हाँ हो गया होगा, समझ गया आ गया, आप पकड़ लिए होंगे सर। हाँ अब जब इसमें क्या था कि इन, जब इन पांचों सालों में, यहाँ ध्यान रखना 40 के बाद उनका हुआ था सर कलाम साहब, 40 से 45 तक है ना, देखो कि 24 से लेकर के जो 28 तक अधिवेशन कांग्रेस का होता चला गया, उसमें जो राष्ट्रीय स्तर के जो ज्वलंतकारी मुद्दे थे उस पर अधिकांश चर्चा किया गया था, नमक कानून पर या नमक टैक्स पर किसी प्रकार का चर्चा अधिवेशन में नहीं किया गया था। लेकिन जवाहरलाल नेहरू साहब को यह बात बहुत ज्यादा खटक रही थी कि भाई हमारा जो बेसिक चीज है, जो गुड्स का बेसिक चीज है, उस पर किसी अधिवेशन में कोई चर्चा नहीं किया गया था, बात समझ में आया। तो इन सब चीजों को क्या किया गया, समराइज कर दिया, जब लाहौर में अधिवेशन किया गया जवाहरलाल नेहरू के सामने में, तो इसके सारे विषय तो बहुत सारे विषय थे, लेकिन इसमें हमारे पास क्या था कि दो विषय जो था वह दो विषय काफी ज्वलंत विषय था कि जिसका भारतीय इतिहास में काफी महत्व माना जाता है, ठीक है। पहला ये बात क्या माना गया था कि कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में कहा गया था क्या कि हम पूर्ण स्वराज प्राप्त करेंगे, दो विधेयक था ना, क्या कहा गया था इसमें, कहा गया था कि हमको क्या करना है, पूर्ण स्वराज प्राप्त करना है। जैसे अभी दिलीप जी ने कुछ दिन पहले कहा था डोमिनियन स्टेट का, डोमिनियन स्टेट का मतलब हो गया क्या, अंग्रेज कहता था कि तुमको हम आजाद कर देंगे लेकिन तुम क्या रहोगे, हमारे ही गुलाम रहोगे, तुम सरकार अपना चलाओ लेकिन अंतिम कानून जो बनेगा वो हमारे हस्ताक्षर से बनेगा, है ना। जैसे ऑस्ट्रेलिया सर, जैसे हमारा ऑस्ट्रेलिया है, वहाँ पर भी आजाद ऑस्ट्रेलिया तो है, अभी देखते हो वहाँ पर भी ब्रिटेन के महारानी का शासन चलता है, बात समझ में आया। अध्यक्ष ब्रिटेन का राजा या महारानी होगा, हाँ अध्यक्ष, जैसे राष्ट्रपति का पद है ना हमारे यहाँ, राष्ट्रपति का पद नहीं होगा, प्रधानमंत्री होता लेकिन उसका अध्यक्ष कौन होता, हमारा महारानी होती। तो हमारे देश के जो नेता थे चोटी के, जैसे राजेंद्र प्रसाद साहब हो गए, नेहरू साहब हो गए, अब्दुल कलाम आजाद साहब हो गए, गांधी साहब हो गए, लेकिन हम नहीं मानेंगे, हम क्या चाहिए, हमको पूर्ण स्वराज चाहिए, यानी हमको पूरी आजादी चाहिए, तुम यहाँ से भागिए जाओ, ठीक। तो देखो कि इस अधिवेशन में जब दो प्रस्ताव लाया गया कि पूर्ण स्वराज लाया गया, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव लाया गया, इसमें भी यह कहा गया कि क्या कि हम इस सरकार के द्वारा जो 23 में नमक कानून लाया गया था, नमक टैक्स बढ़ाया गया था, उसको क्या करेंगे, उसका हम विरोध करेंगे। अगर हम कानून का विरोध करेंगे तो इसका यह मतलब होगा कि हम सरकार का विरोध कर रहे हैं और सरकार को हम यहाँ से क्या करना चाह रहे हैं, हटाना चाह रहे हैं, बात समझ में आया। पहला क्या किया गया कि पहला पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव प्राप्त करना था हमारे कांग्रेस में, दूसरा क्या कहा गया कि दूसरा प्रस्ताव था कि सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करना, अवज्ञा आंदोलन शुरू करना। देखो सविनय अवज्ञा का मतलब क्या होता है कि एक ऐसा आंदोलन जो हम क्या करेंगे, बिल्कुल आदर पूर्वक आपकी आज्ञा का अवज्ञा करेंगे। जैसे पल्लवी अगर कोई काम बोलेंगे अपने भाई को कि जरा ये काम तुम कर दो, तो उसका भाई हंस के बोलेगा दीदी हमको थोड़ा सा मन गड़बड़ लग रहा है, हम नहीं करेंगे, आप यही काम करेंगे, हंस के मुस्कुरा के। तो पल्लवी को क्या लगा कि हाँ भाई का तबीयत खराब सही नहीं, वास्तव में क्या था, उसका भाई सविनय अवज्ञा कर रहा है, इसके आज्ञा को क्या किया, आदर पूर्वक काट दिया, वही था हमारा सविनय अवज्ञा आंदोलन। यहाँ ध्यान दीजिएगा, इसका यह मतलब होता है कि हम किसी प्रकार का प्रतिरोध नहीं करेंगे, यानी हाथापाई नहीं करेंगे, गाली गलौज नहीं करेंगे। हालांकि गाली गलौज हुआ था, जो हमारे छपरा में पढ़ेंगे, छपरा में नंगा हड़ताल हुआ था ना, वहाँ का जेलरो घर आया था इसको इंडियंस को, इंडिया बिहारी भी इसको घर आया था, खूब बढ़िया बढ़िया गाली दिया था, उसको भाग गया था जेलर दत्त साहब, तो उसमें भाग गया था, वो जेल छोड़ गए वहां से, है ना। दो प्रस्ताव काफी महत्वपूर्ण है, पीटी में भी पूछा जाता है कि दोनों में कौन सा महत्वपूर्ण है, तो उसको आप लोग क्या करेंगे, हम लोग चर्चा करेंगे, देखेंगे इसका आगे, है ना। अब यहाँ देखो ध्यान से, ये दो प्रस्ताव ध्यान रखना, तो हमको पूर्ण स्वराज पर चर्चा नहीं करना है, हमको चर्चा किस पर करना है, सेकेंड वाले प्रस्ताव पर, बात समझ में आया। अब यहाँ पर ध्यान देना कि सेकेंड वाले प्रस्ताव पर जब हमको चर्चा करना है तो इसमें क्या कहा गया, हमको हुआ था कब, दिसंबर में हुआ था अधिवेशन,
अधिवेशन हुआ था दिसंबर में, अब कहा गया कि हमको क्या करना पड़ेगा, हमको अब भव्य आंदोलन शुरू करना होगा। तो इसके लिए यहीं पर क्या होता है, तारीख तय कर दी जाती है। तारीख तय क्या कर दी जाती है कि हम 26 जनवरी 1930 ईस्वी को, ध्यान रखना 26 जनवरी 1930 ईस्वी को पूरे राष्ट्रीय स्तर पर क्या मनाएंगे, क्या मनाएंगे, कौन सा दिवस मनाएंगे, स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। यहाँ पूछा जाता है कि भारत में सबसे पहली बार आजादी कब मनाया गया था, तो लोग क्या मानते हैं 1947, गलत जवाब है। भारत में सबसे पहला आजादी 26 जनवरी 1930 को मनाया गया, स्वतंत्रता दिवस जो होता है ना उस दिन मनाया गया था। तो इसी अधिवेशन में तय किया गया था, ठीक है, जो कि हम जो प्रतिरोध कर रहे हैं किस चीज का, पूर्ण स्वराज लेने का, तो हम दिखाए अंग्रेजों को ना कि भाई हम आजाद है तुमसे, हम तुम्हारा बात नहीं मानेंगे। तो अपने विरोध को आदर पूर्वक क्या करने, दर्शाने के लिए, बताने के लिए 26 जनवरी 1930 ईस्वी को हम क्या करेंगे, पूरे अखिल भारतीय स्तर पर हम सब ये स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। आपसे पूछा जाता है ना कि संविधान लागू होने की तिथि 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी है ना, तो 26 जनवरी को क्यों तय किया गया था, बहुत बार पढ़ा होगा आपने, क्योंकि इसी दिन क्या किया गया था हमारे लाहौर अधिवेशन में 26 जनवरी को ही स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था, वो तिथि तय की, इसीलिए हमारा संविधान 26 जनवरी को लागू किया गया था। बात समझ में आया, संविधान में भी यही चीजें हम लोग पढ़ते हैं, जो प्रीएम्बल पढ़ते हैं हम लोग वो चीजें। अब यहाँ ध्यान देना, जब 26 जनवरी 1930 को तय कर दिया गया, तो यहाँ ध्यान दो, इस लाहौर में जब कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था तो जितने भी उस समय 11 प्रांत थे ना, उस 11 प्रांतों से प्रतिनिधि यहाँ आए थे, तो जब यहाँ से लोग वापस चले गए तो उन्होंने भी क्या किया, अपने अपने जो स्थानीय नेता थे उन स्थानीय नेताओं को बोला कि हम लाहौर में गए थे अधिवेशन में शामिल होने के लिए, वहां पर हमको यहाँ आज्ञा मिल रहा है। बात समझ में आया, तो भारत केवल थे उस समय में क्या थे, वित्त मंत्री ना थे, 30 में 34 में थे, पल भी छोट की है ना, बहुत मेहनत की है वो पल भी, थोड़ा सा दिमाग उसका भी नहीं काम, विभिन्न करके तो याद होगा, वो 34 में गठन किया गया था ना पल भी, 30 में कहा था। देखो तो जो तीन नाम हमने लिखाया, ध्यान देना यह तीन नाम याद करो, तीन ही व्यक्ति जो थे वह राज्य विधायिका के मेंबर थे। बात समझ में आया, क्रांति परिषद का, यहाँ ध्यान देना केवल और केवल तीन ही व्यक्ति ऐसे थे जिन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय में बिहार राज्य विधायिका से क्या किया था, अपना पद त्याग दिया था। सबसे पहला नाम आता है राय महेंद्र प्रसाद, वो बार बार बीपीएससी ने पूछा भी है क्वेश्चन को, इसको देखिएगा। दूसरा नाम हमारा कौन सा है, शाह मोहम्मद जुबेर साहब का, कहाँ के थे, भागलपुर के थे। तीसरा नाम हमारा कौन सा था, मुगल नारायण सिन्हा जो मुजफ्फरपुर के थे। तीन व्यक्ति का नाम याद रखना, बात समझ में आए। ज्यादा नाम आता है प्रांतीय विधायिका विधायक परिषद, इसमें नाम लिख लो कौन कौन से है, प्रांत में 10, 11 उड़ीसा भी था ना, 1936 में उड़ीसा अलग हुआ था पल्ली जी, तब तो 10 ना, तो उस समय बिहार और उड़ीसा साथ ही ना था, बिहार और उड़ीसा साथ में था, ये 10 प्रांत था। प्रांत में मत जाओ, बाद में देखेंगे, पहले इस लिख लो इसको, बहुत समय हमको लग जाएगा इसमें, बहुत लंबा चैप्टर है। प्रांतीय विधायक परिषद में लिख लो नाम, जल्दी जल्दी लिख लो, दीप नारायण सिंह, तो जल्दी से लिखना, दीप नारायण सिंह, बलदेव सहाय, जीमूत बाहन सेन, सबका नाम पहले बोला जा चुका है, जीमूत बाहन सेन, नंदकिशोर दास, कृष्ण बल्लभ सहाय, रामदयालु सिंह, नंदकिशोर शाह के बाद क्या बोले, नंदकिशोर दास बोले हैं, शाह नहीं बोले हैं, इतना तेज बोल रहा है, जल्दी लिखो ना, बहुत नाम है, 150 नाम है, उतना तो नहीं बोल पाएंगे जल्दी जल्दी। नंदकिशोर शाह दास, 28 नाम हम देखे थे, 28 है, उसको डराने के लिए बोल रहे हैं, 28 वो कहते हैं। रामचरित्र सिंह, सबका नाम पहले लिखवाएंगे थे ना, रामचरित्र सिंह, गुरु सहाय लाल, कैलाश लाल, राजेंद्र मिश्रा, सत्यनारायण सिन्हा, रामेश्वर नारायण, रामेश्वर लाल मारवाड़ी, दोनों अलग अलग नाम है, रामेश्वर
लाल मारवाड़ी, शशिभूषण राय, रामेश्वर लाल मारवाड़ी, एक और क्या बोले हैं, रामेश्वर नारायण नारायण सर। शशिभूषण राय, शशिभूषण राय आदि मुझे लगा शो लिखना पड़ेगा। मतलब सांस बता रहा था कि तू एकदम सांप की तरह चुप बैठी हुई थी, है ना, क्योंकि सबका नाम नहीं महत्वपूर्ण है, नाम महत्वपूर्ण तीन को था जो हम बताए चर्चा किए हैं आगे ऊपर में, है ना, उसी का नाम बस पूछा जाता है। चलो अब यहाँ पर समझो चीजों को कि जब इतनी चीजें हो गई हमारे पास में, तो अब इसके पास क्या था कि सबने लगे आंदोलन के समय में नेता लोग को अपना इस्तीफा दे दिया, बात समझ में आया, लेकिन बात अटक गई क्या कि भाई नेता लोग तो ठीक अपना इस्तीफा दे देगा अपने पद से, लेकिन जो गैर नागरिक लोग गैर नेता लोग हैं जो कुछ नहीं काम करते हैं वह क्या करेंगे। यह एक समस्या आ गई किसके सामने, महात्मा गांधी, राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू के सामने, जो तीन प्रमुख नेता माने जाते हैं, उन तीन नेताओं के सामने एक बहुत बड़ा क्या आ गया, मुद्दा आ गया। बात समझ में आया कि भाई अब आगे हम क्या करेंगे। ठीक, तो इसी मुद्दे को हल करने के लिए 15 फरवरी 1930 यह कलम दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ये बताओ, तो फिर ब्लैक से लिखेंगे, ब्लैक में क्या देखिए, बोर्ड मिटता नहीं, डुप्लीकेट बोर्ड खरीदा गया हमसे, है ना, है ठीक है ना। अब देखो इसी मुद्दे को हल करने के लिए 15 फरवरी 1930 को गुजरात में ही, गुजरात में एक अहमदाबाद जगह है, अहमदाबाद, ठीक, यहीं पर क्या किया गया, कांग्रेस कार्य समिति की बैठक बुलाई गई, ध्यान देना, कांग्रेस कार्य समिति की बैठक का यह मतलब होता है कि जो भी भारतीय राष्ट्रीय स्तर पर भारत में जहां जहां कांग्रेस का सरकार है वहां वहां या कांग्रेस का जो पार्टी है वहां जो भी प्रमुख नेता है, प्रोमिनेंट लीडर है, उन लीडर को यहां पर बुलाया गया विचार विमर्श करने के लिए, क्या कि अब हम इसमें क्या करेंगे, अब हम इसमें आगे कौन कौन सी घटनाओं को चर्चा करेंगे। बात समझ में आया, तो अब यहाँ ध्यान दीजिएगा कि 15 फरवरी 1930 को गुजरात के जो गुजरात के अहमदाबाद शहर में जो कांग्रेस कार्य समिति की बैठक बुलाई गई ना, उसमें सारा जिम्मेदारी दे दिया गया हमारे बापू को, यानी गांधी जी को, गांधी जी पर अब यह छोड़ दिया गया कि गांधी बाबा अब हम आप ही पर छोड़ते हैं कि आप जो जो आज्ञा हमको देंगे उन आज्ञाओं का पालन हम और कांग्रेस के जितने भी जुड़े हुए लोग हैं वह करेंगे, और कांग्रेस के लोग क्या करेंगे, आम जनता से अनुरोध करेंगे कि हमारे देश में क्या चल रहा है, समन्वय करना चल रहा है, नमक सत्याग्रह भी चल रहा है, कि आप लोग अपने अपने स्तर से क्या करें इसमें सहयोग दें, पार्टिसिपेट करें। बात समझ में आया, तो गांधी जी पर जब यह बात छोड़ दिया गया तो गांधी जी ने क्या कहा कि ठीक है हम इसको क्या करेंगे, हम समन्वय आंदोलन को देखो गांधी जी ने जब इस पर गांधी जी पर जब इसको छोड़ दिया गया कि आगे क्या करेंगे इस पर, तो गांधी जी ने क्या कहा कि ठीक है हम इसको क्या करेंगे, इसको और मजबूत करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम सबने आंदोलन को शुरू करेंगे। बात समझ में आया, तो ध्यान रखिएगा कि 15 फरवरी 1930 को ही जो सबने अवज्ञा आंदोलन होता है इसको आधिकारिक रूप से मान्यता मिलती है पूरे भारत में क्या करने का, सबने अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का। और यही पर गांधी कहते हैं कि हम क्या करेंगे, हम नमक बनाकर सबसे पहले क्या करेंगे, जो लीडर चुकी हम ही है, हम को हम पर तुमने छोड़ा हुआ है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, नमक बना करके क्या करेंगे, नमक कानून को भंग करेंगे, और नमक कानून जब ही जैसे ही भंग होगा उसके आधार पर स्वतः ही क्या हो जाएगा, सबने अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हो जाएगी। ध्यान से सुनो सारे बच्चे, दिलीप जी ने एक प्रश्न पूछा था हमसे शुरुआत में, सर आपने इसको छोड़ दिया डोमिनियन स्टेट का,
तो डोमिनियन सिस्टम जो था नहीं बोलते औपनिवेशिक स्वराज हम उसको हिंदी में बोलते हैं, तो औपनिवेशिक स्वराज जो होता है वो औपनिवेशिक स्वराज हमारे सविनय अवज्ञा आंदोलन का मेन कारण नहीं होता है। मेन कारण क्या होता है, जो 7 सालों से हमारे जो ऊपर नमक टैक्स बढ़ा दिया जाता है, यहाँ पर होटल का खाना महंगा हो जा रहा है, गरीब लोग खाना नहीं खा पा रहे हैं, तो गांधी ने क्या किया, जनता को जोड़ने का, भीड़ को जोड़ने का काम किया। तो गांधी जी समझ गए कि अगर हम क्या करेंगे औपनिवेशिक स्वराज मांगेंगे तो गरीब को क्या मतलब स्वराज से गुलामी से, उसको तो रोटी चाहिए, कपड़ा चाहिए, मकान चाहिए, अगर हम नमक पर हीट करेंगे तो पूरा जनता हमारा क्या देगा, साथ देगा, और जनता साथ देगा तब ना आंदोलन को आगे बढ़ा पाएंगे। तो गांधी जी ने यही पर कहते हैं हमारा बात में ध्यान रखना। पूछा जाता है आपसे, हालांकि यूपीएससी में पूछा जाता है कि सबने अवज्ञा आंदोलन को आधिकारिक रूप से मान्यता कब मिला, बीपी चुपना घुमा के नहीं पूछेगा तुमसे, वो था अहमदाबाद, समझ में आया। तो गांधी ने कहा क्या कि हम नमक बनाएंगे, नमक बनाकर क्या करेंगे, तो सरकार ने उनसे तो इसमें नमक कानून बनाया था, टैक्स हम बढ़ा देंगे, और नमक अगर कोई बनाएंगे तो उस पर हम पुलिस क्या करेगा, गिरफ्तार करेगा, उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो हम सबसे पहले नमक बनाएंगे और नमक कानून को क्या करेंगे, भंग करेंगे, और नमक कानून को भंग करने के साथ में क्या हो जाएगा, हमारा सबने अवज्ञा आंदोलन शुरू हो जाएगा। समझ में आया। अब देखो अब यहाँ पर क्या होता है कि जब गांधी बाबा बोलते हैं कि नमक आंदोलन शुरू करेंगे तो गांधी साहब क्या करते हैं, यहीं से दांडी मार्च शुरू करते हैं। क्या करते हैं, यहीं से दांडी मार्च का उनको ध्यान आता है कि हमको क्या करना है, दांडी मार्च। मार्च किसी महीना का मतलब नहीं होता है, मार्च का मतलब होता है धावा बोलना, है ना, जैसे होता है मार्च, उसका हिंदी में होता है धावा बोलना। यानी अब सब लोग क्या अगर दांडी पर धावा बोलेंगे, दांडी पर दौड़ने, ताकि पुलिस मार्च करता पैर ऊपर भाजता है, मार्च मार्च उसी को बोलते हैं धावा बोलना। तो गांधी साहब क्या करते हैं, दांडी मार्च को क्या करते हैं, शुरू करते हैं। अब देखो अब यहाँ से कहानी जो होती है अब हमारे आंदोलन में पूरा इंक्लूड करके चली जा रही है। देखो यहाँ पर जब नमक कानून तोड़ना शुरू कर दिया गया तो गांधी जी सोचते हैं क्या कि भाई नमक, हम तो गुजरात में रह रहे हैं और गुजरात में अहमदाबाद में रह रहे हैं, अहमदाबाद में बता दो कि समुद्र तट है कि नहीं है, अहमदाबाद सोच करके हवा में नहीं तीर मारना, मैप सबके पास में पर नजर देखो ध्यान रखना सारे बच्चे की अहमदाबाद में समुद्र नहीं है, बात समझ में। देखो 15 फरवरी 1930 को जब मीटिंग होता है, समझ के कंफ्यूजन आ रहा है डेट पर, देखो 15 फरवरी 1930 को जब मीटिंग होता है तो गांधी बाबा कहते हैं कि हम नमक बनाकर के क्या करें, नमक कानून को तोड़ेंगे, बात समझ में आया। तो क्या करते हैं, यह एक डेढ़ महीने एक महीना वेट करते हैं, तो क्या शुरू करते हैं 12 मार्च 1930 को यह क्या करते हैं, दांडी की ओर मार्च करते हैं। समझ में आया शर्मा जी, यहाँ जी ध्यान, इसी से क्या सीख मिलता है आप लोगों को, अगर आप लोग जो भी शादीशुदा व्यक्ति है, खासकर करण मेरे ख्याल से शादीशुदा है, उसको कोई भी अगर आपकी वाइफ या कोई भी परिवार का सदस्य आपसे स्ट्रेटली डिसीजन पूछे ना, तुरंत बोलेगा तो आपका वैल्यू कम हो जाएगा, थोड़ा सा गंभीर बनेगा, थोड़ा बोलेगा ठीक हम सोचे कि कल हम बात करेंगे, थोड़ा एक नहीं करण के पास दिमाग है थोड़ा सोचेगा। तो आप लोग जब अधिकारी बनिएगा ना तो कोई भी फैसला तुरंत नहीं दीजिए, देखते जज भी तुरंत फैसला नहीं देता, सोचता है। तो गांधी से यही अपन गांधी को क्यों इतना मानते हैं, देख रही हो ना, एक इसको पता है गांधी को पता है कि हमको क्या करना है, लेकिन गांधी जी 15 तारीख को शुरू नहीं किया, एक महीना क्या किया वेट करता, देख रहे हो ना 15 फरवरी को मीटिंग हुआ था, बोल दिया कि हम नमक कानून बनाएंगे नमक तोड़ेंगे, लेकिन 12 मार्च को वो शुरू करता है। इस बीच का जो समय होता है लगभग एक महीने का, वो एक महीना में क्या करते हैं, पूरा भारत में भौकाली मचाते हैं। भौकाली समझ में आता है, पूरा जो भी अखबार होता है, न्यूज पेपर होता है, मीडिया होता है, लोग होते हैं, साइकिल होता है, घोड़ा होता है, घूम घूम करके दांडी बाबा क्या करेंगे 12 मार्च को क्या करेंगे, आएंगे कि तुम लोग दांडी चलो दांडी चलो, सब लोग बोलता है कि तुम गांधी के साथ हो, गांधी के साथ हो। जरा सोचो अगर 15 फरवरी को चले जाते साबरमती वहां पर बनाने के, सॉरी दांडी चले जाते, तो क्या वो उसमें लोग पार्टिसिपेट कर पाता, नहीं कर पाता। इसीलिए देखिएगा इस गांधी के व्यक्तित्व में कुछ सीखने का क्या मिलता है, अगर आपसे कोई भी ओपिनियन पूछा जाता है अपने जीवन के जुड़ा हुआ, करियर जुड़ा हुआ, तो तुरंत मान लीजिए डिसीजन, थोड़ा सोचिए एक दो दिन विचार करके उसके बाद डिसीजन लीजिएगा। तो गांधी ने यही सोच करके क्या किया कि हम आदमी को अधिक से अधिक इकट्ठा कर पाए, इन्होंने क्या किया एक महीने का समय लिया और 12 मार्च 1930 को यह क्या करते हैं, दांडी मार्च करते हैं। दांडी मार्च का मतलब क्या होता है, दांडी की ओर या दांडी की ओर, ठीक है। तो हमको पता है कि गांधी जी कहाँ रहते थे, गांधी जी साबरमती में रहते थे ना, नहीं बोल रहा है, गांधी जी का निवास स्थान कहाँ था, गांधी जी का निवास स्थान साबरमती आश्रम था,
तो गांधी साहब क्या करते थे कि 12 मार्च को साबरमती आश्रम में रहते हैं और 12 मार्च को क्या करते हैं साबरमती से कहां जाते हैं वो गांधी साहब गांधी बाबा क्या करते हैं साबरमती आश्रम से कहां जाते हैं दांडी की ओर चलते हैं। देखो बीपीएससी ने क्वेश्चन पूछा हुआ यहां पर सर ये भी पिछला साल ही पूछा था 65 वाले पीटी में ना कि कितना दिन चला था। यहां देखो ध्यान से कि साबरमती आश्रम से 12 मार्च 1930 ईस्वी को क्या करते हैं 78 आदमी के साथ में दिख रहा है यहाँ ध्यान रखना बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि कितने आदमी के साथ ले गए थे। तो गांधी जी क्या करते हैं आदमी लोग ज्यादा नहीं जुट पाए तो क्या किया कि गांधी जी अपने 78 अनुयायियों उनके जो मानने वाले हैं उनके साथ में क्या करते हैं दांडी की ओर प्रस्थान करते हैं। बात समझ में आया है और कब पहुंचते हैं बताओ तो कितना अप्रैल को गांधी जी दांडी 5 अप्रैल को सर फिर गलत बोल रहे हैं बिल्कुल 5 अप्रैल को सर पहुंचते हैं दांडी गलत कर आप डिस्कस गलत करते हैं दिलीप 4 अप्रैल हो जाएगा भाई सर हम लोग आगे बढ़ते हैं सर 5 अप्रैल को पहुंचते हैं सर 6 अप्रैल को वो कानून को भंग करते हैं जी सर झांसी में भरे हैं 5 अप्रैल बोला था। देखिए ध्यान दीजिएगा कि गांधी जी क्या कहा कि गांधी जी 12 मार्च को वहां पहुंचते हैं जरा सोचो तो पल्लवी बोल रही 6 अप्रैल को समझे ऐसा समझिएगा भाई आदमी पैदल चल रहा है उसमें तो कुछ था नहीं हवाई जहाज ना पल्लवी पैदल चल रहा है बताओ तो पहुंचते वहां नमक बना देगा आदमी पल्लवी जरा सोचो नहीं ना बनाएगा रेस्ट करेगा कि नहीं करेगा 6 अप्रैल होगा 6 अप्रैल देखो गांधी पहुंचने वाला डेट पूछ रहे थे। देखो गांधी जी क्या करते हैं गांधी जी 12 मार्च 1930 को यात्रा शुरू करते हैं और वो पहुंचते हैं हमारे पास यहाँ देखिएगा कि वो 5 अप्रैल के शाम को पहुंचते हैं ठीक है 1930 को शाम में पहुंचते हैं। किसी किसी किताब में इसको क्या दिया गया हुआ 6 दिया गया हुआ यहाँ ध्यान रखना 5 अप्रैल को पहुंचते हैं और शाम को लोग आराम करते हैं सुबह सुबह क्या करते हैं 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को क्या करते हैं भोरे भोरे जब सब लोग सोया रहता है अपने ईश्वरों के साथ में जाते हैं और वहाँ क्या करते हैं एक मुट्ठी उठाते हैं इसी मुट्ठी में पूरा ये नीचे गिर जाता है पानी बोलते हैं कि यह नमक को क्या हम सरकार के कानून को तोड़ देते हैं जाओ। तो वहीं से हमारे यहाँ क्या होता है सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत होती है। यहाँ ध्यान दीजिएगा कि गांधी साबरमती आश्रम से जो दांडी का जो डिस्टेंस है ना वो लगभग 200 मील है 200 माइल का मतलब हो गया कि देखिएगा अगर मल्टीप्लाई कीजिएगा तो लगभग 385 किलोमीटर हो गया यानी समझो कि बहुत लंबा डिस्टेंस हो जाता है दरभंगा से चंपारण का डिस्टेंस पहले चल गया। तो जो साबरमती से यहाँ जाने में इनको लगता है 24 दिन यहाँ रखना। अब यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात एक बात बताओ जो इसको जवाब बताएगा उस प्रश्न का उसको 10 रुपए का कैडबरी चॉकलेट खिलाएंगे जो 78 व्यक्ति चुने गए थे ना 78 व्यक्ति गांधी के साथ में गए थे इसमें बिहार के कई व्यक्ति गया हुआ था एक सर क्या नाम है गिरवर चौधरी थोड़ा और ढाई से सही से बोलो एक ही सर और कोई आदमी बता सकता है। देखो ये सब यहाँ सब जो पहले के आगे चर्चा करते हैं गांधी जी अपने आश्रम में से चले गए 12 को शुरू किया 5 अप्रैल को पहुंचे शाम को 6 अप्रैल को कानून भंग किया किताब में 6 अप्रैल माना जाता है तो 24 दिन यहाँ डालना। तुम देखना कि क्वेश्चन आपको पूछेगा कि गांधी के पहुंचने का तिथि है 5 अप्रैल को और नमक कानून तोड़ने का तिथि कहना है 6 अप्रैल को समझी पल्लवी पहुंचते हैं 5 तारीख को भाई इतना देर पहले रजिस्टर करेगा ना 6 को भंग करते हैं। अब जो 78 लोग उसमें शामिल थे ना 78 में बिहार के कई व्यक्ति शामिल था एक वो दो वो तीन बताओ तो कोई आदमी दिलीप आप बताएं आप तो डिस्कशन करते हैं ना सर एक व्यक्ति थे गिरवर धर चौधरी कहां के थे गिरवर धर बोलते हैं कहां के थे दरभंगा में कहां से। देखो नाम जो है ना यहाँ ध्यान दीजिएगा सारे बच्चे कि जो गांधी के साथ 78 व्यक्ति गए थे उसमें से बिहार में मात्र एक ही व्यक्ति गए हुए थे और नहीं जा पाए और सबको गांधी ने क्या कहा बोला कि तुम आश्रम में रहो कहाँ रहो आश्रम में रहो आदमी तो बहुत गए थे तो लेके नहीं जाते भाई वहां रिस्क भी था ना कि पूरा बॉर्डर ये समुद्र के बॉर्डर पर क्या है पुलिस बैठा हुआ है
जाएगा तो गिरफ्तार करेगा, बोला कि तुम लोग रहो ना, हम लोग गिरफ्तार, तुम हमको छुड़ाना या आंदोलन को तेज करना। तो बिहार से एक ही व्यक्ति को लेकर के गए हैं, उनका नाम है गिरिवर धारी, गिरवर नहीं बोलते हैं, पूरा नाम उनका है गिरवर धारी चौधरी, है ना सर, गिरिवर चौधरी देखना पड़ेगा, गिरवर धारी है कुशेश्वर स्थान दरभंगा। यहाँ क्या थे, अब देखो क्या है, मान लो गिरवर धारी को ना किसी किसी किताब में गिरिवर ही लिखा हुआ है, बात समझ में आया, लेकिन उनका पूरा नाम जो है वो गिरवर धारी चौधरी है। अगर आप घटना चक्र पढ़िएगा, घटना चक्र में देखिएगा, जो सबना बजे आंदोलन का चैप्टर दिया गया हुआ ना, उसमें जो नोट दिया हुआ है उसमें भी यही नाम दिया हुआ है, और जो बिहार सरकार का सरकारी गजट है उस गजट में भी यही नाम दिया गया हुआ है, आई ना समझ में। तो यहाँ ध्यान रखो कि उनका कहाँ कहाँ के थे, वो दरभंगा में जो जगह पाया जाता है कुछ स्थान वहां के हुआ थे, ठीक। अब यहाँ देखो सारे बच्चे, अब 6 अप्रैल को जो हमारे गांधी साहब वहां पर क्या करते हैं, नमक कानून को जब शुरुआत करते हैं, तब क्या होता है हमारे भारत में नमक आंदोलन या नमक सत्याग्रह या सविनय अवज्ञा आंदोलन का समझो कि विधिवत शुरुआत होता है, बने है ना, 6 अप्रैल यहाँ 1930 ईस्वी में, है ना। तो जब 6 अप्रैल को यहाँ जब नमक कानून बनाते हैं तो हमारे क्या करते हैं, भारत में भी क्या होता है, नमक सत्याग्रह शुरू होता है। और अब क्या होता है कि इसी तिथि को, ध्यान रखना, इसी तिथि को हमारे बिहार में भी क्या होता है, बिहार में भी सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो जाता है, ठीक। अब यहाँ ध्यान देना, हम क्या कर रहे थे, हम एक ट्रेन पर सफर कर रहे थे, और ट्रेन पर सफर करते करते एक ऐसा हमारे पास मोर आया, वो मोर कौन सा आया, 6 अप्रैल 1930 ईस्वी का। यहाँ से दो रास्ते जाते हैं, समझो सारे बच्चे, एक रास्ता जाता है सीधा कहाँ पर जाता है, बोले भी एक रास्ता जाता है हमारा भारतीय इतिहास, भारतीय इतिहास की तरफ जो मुख्य भाग है वहां पर जाता है, और एक और यहाँ से लाइन फुटक जाता है, जो लाइन कहाँ जाता है, बिहार राज्य की तरफ, बात समझ में आया। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ तक तो भूमिका सेम है, यानी 6 अप्रैल तक का जो घटना पढ़े है ना, वो आपको इसके लिए भी काम देगा, इसके लिए भी काम देगा, लेकिन 6 अप्रैल के बाद का जो स्टेशन हमारा होगा ना, अब क्या करेंगे, हम अपना गाड़ी को यहाँ घुमा लेते हैं, आगे का चर्चा हम नहीं करते हैं, क्यों, क्योंकि हम किसमें चला जाएगा, ये हमारे आधुनिक भारत के इतिहास में चला जाएगा, अब हम बिहार में चलते हैं, पटरी सही ना बनता है ट्रेन का, समझ में आ भी रहा है कि नहीं, कल गीता आ रहा है सर, तुम इसे कहा बोलती हो शर्मा करके, अभी तक तुमको समझ में आ रहा है, अच्छा सर, हाँ बताएं, अच्छा तो सर ये कुल कितने व्यक्ति यदि पूछेगा 78 प्लस 1 ना गांधी जी को लेकर, गांधी जी को लेकर 78 प्लस 1 है, कि गांधी जी है ना, गांधी जी अपने 78 अनुयायियों के साथ, है ना, यानी इसमें गांधी, अगर तुमसे पूछेगा कभी बीपीएससी या यूपीएससी तुमसे पूछ दे कि सबने अवज्ञा आंदोलन में, है ना, जो नमस्कार शुरू में इसमें प्रारंभ में कितने व्यक्ति शामिल थे, कितने व्यक्ति शामिल, ऑप्शन था कितना, 78 होगा, 79 होगा, 80 होगा, 81 होगा, क्या मारोगे तुम लोग बताओ, 78 महिला हम देखे नहीं, कुछ तो कुछ महिला तो जरूर रही होंगी, हम देखे नहीं, बिहार से महिला नहीं देखिए, हमने उसको देखा ही नहीं है ना, देखो आपको समझ में आ रहा है सुषमा, हाँ सर, कहानी को लिंकअप कर रही है, हाँ हाँ, इनका नाम ऐसा सुषमा का, सर्दी वर्दी कोई हो गया होगा, है ना, आगे बढ़े जी सर, ठीक है। अब यहाँ ध्यान देना, यहाँ पे एक बहुत महत्वपूर्ण घटना होती है 6 अप्रैल 1930 को, अब यहाँ पर दो व्यक्ति के बीच में झगड़ा होता है ना, झगड़ा क्या होता है, हमारे पास एक होते हैं राजेंद्र बाबू और दूसरा साहब होते हैं गांधी जी, देखो क्या है कि जब 6 अप्रैल को गांधी जी वहां जब क्या करते हैं, शुरू करते हैं क्या सबने बज्ञान बोला, तो बिहार में भी बोलते हैं क्या कि तुम भी शुरू करो, बिहार में बोलते ठीक है सर हम शुरू करेंगे, राजेंद्र साहब कहते हैं गांधी जी को, चूंकि उस समय में यहाँ साबरमती आश्रम में ही होते हैं, समझ में, सॉरी ये दांडी में होते हैं, गांधी बोलते हैं साबरमती में इनसे मिल करके आए हुए होते हैं, वो आते हैं बिहार में, ध्यान रखना मैंने गलत बोल दिया,
दर प्रसाद साहब भुसावर पटियाल साहब से मिलकर वापस बिहार आते हैं, तो बिहार आने से पहले ही मीटिंग जब हो जाती है, तो मीटिंग में ही जब सारा पटियाल साहब मीटिंग हो रहा होता है, तो राजेंद्र प्रसाद साहब बोलते हैं गांधी जी को, सर आप हमको एक बात बताइए, आप कह रहे हैं क्या कि हम नमक कानून बना करके नमक के क्या करेंगे, भंग करेंगे कानून को, आंदोलन शुरू करेंगे, तो हमारे बिहार में नमक तो है ही नहीं है, समुद्र तो है, कहां से नमक हम बनाएंगे, पहला केस। और दूसरा केस क्या है कि हमारे यहाँ नमक का कोई टेंशन नहीं है, क्यों टेंशन नहीं है, क्योंकि हमारे लोग सब नमक के लोग व्यवस्था कर रहे हैं, खा पी रहे हैं, कोई समस्या नहीं, जहाँ तटवर्ती देश राज्य था ना, वहीं पर नमक कानून का ज्यादा दिक्कत था, असली बिहार में तो समस्या था नहीं उस समय, क्योंकि वहाँ सोरा होता था, सोरा था नहीं, वहाँ नमकीन मिट्टी से भी लोग नमक बना के गरीब लोग खा लेते थे, जो मुसहर जाति में पढ़ाया था ना कि गांधी जमाना, तो मुसहर लोग क्या करते थे, अपने खाने में मट्टी डाल के ही खाना बनाते थे, ताकि नमकीन मिट्टी जो होता है ना मुजफ्फरपुर वाले क्षेत्र में या फिर जहाँ ये पथीला जगह होगा वहाँ नमकीन मिट्टी पाई जाती है, वहाँ समस्या थी नहीं। पहला समस्या क्या था, बाबू ने उनको बोला गांधी बाबा को कि हमारे यहाँ समुद्र नहीं, इसलिए नमक कानून को नमक नहीं बना सकते हैं, अतएव हो सकता है कि माइक बंद करूँ कि बिहार में नमक सत्याग्रह अच्छे से लागू नहीं हो पाएगा, पहला केस। और दूसरा केस क्या बताया उन्होंने कि बिहार ही एकमात्र उस समय ऐसा राज्य था, बिहार ही एकमात्र ऐसा राज्य था जहां पर चौकीदारी कर बहुत ज्यादा था। चौकीदारी कोई आदमी बता सकता है कि चौकीदारी कर क्या था, बताए तो दिलीप चौकीदारी कर क्या था बिहार में, एक बार तुम बताओ। सर नहीं पढ़े सर, दिलीप बताए, बताओ तो दिलीप। सर चौकीदारी कर उसी को कहेंगे जो गांव में चौकीदार होते हैं उसके बदले में लोगों से लिया जाता था, कहते हैं नहीं उस समय क्या था वो हमको बताएं आप। नहीं सर सॉरी सर, और कोई बालक बता सकता है, करण आप बताइए, आप तो दिया होंगे चुकाई तो आई टैक्स, नहीं देंगे। दिलीप सही बोला है, चौकीदारी कर क्या था देखिएगा कि जैसे कि कोई मोहल्ला होता था, ध्यान दो ना उस समय में क्या था, मोहल्ला होता था कि जो गांव होते थे ना उस गांव में देखिएगा जब रात में सब लोग सोते रहते हैं तो एक हवलदार एक डंडा लेकर के रोड पर मारता है, जागते रहो, देखिएगा अभी हमारे गली में भी जाता है, दिल्ली में भी रात को उसको सटे वाले रखते हैं ताकि चोर जो है वो थोड़ा सा अलर्ट हो जाए, तो वो क्या करता लाठी मार मार के जाता था, उससे कारण कि जो लोग सोए थे उनको परेशानी होती थी, और जो चौकीदार था ना, ऐसी चौकीदारी एक दो चौकीदार होते थे, तो उनको जो था उनका जो रेवेन्यू होता था वो रेवेन्यू वहाँ के गांव वाले ही देते थे। तो अंग्रेजों ने क्या किया था कि इसके टैक्स को बढ़ा दिया था, यानी अगर आप गरीब हैं तो भी पैसा वाला है तो भी आपको क्या करता था टैक्स को इंक्रीज करता था, और बोलता था कि भाई चौकीदार तुम्हारे धन का रक्षा कर, तुम थोड़ा अनाज नहीं दे सकते हो, थोड़ा तुम पैसा नहीं दे सकते हो, तो एक सीमा तक तो सब लोग दे रहे थे। लेकिन जब वो क्या हुआ कि देख रहे हैं कि 1923 के बाद में इसी 23 के बाद में 1929 ईस्वी तक देख रही हूँ ना, इस टैक्स में लगभग 4 गुना की वृद्धि कर दिया गया बिहार में ब्रिटिश सरकार के द्वारा। क्यों ब्रिटिश सरकार ने बढ़ाया, देखो बता सब सारे बच्चे कि 17 में क्रांति सत्याग्रह हुआ था ना जी, 17 साल में क्या हुआ कि पूरा जापान से लोग चले गए नीलहा वाला सब, लेकिन कुछ लोग सरकार को भी टैक्स कहाँ से आएगा, अंग्रेज को सरकार तो टैक्स से चलती है, तो उसी समय से टैक्स बढ़ाना शुरू कर दिया गया, यानी चौकीदारी का कोई आज का काम नहीं था, बल्कि चंपारण के समय से ही चलता आ रहा था, लेकिन जब नील की खेती यहाँ बंद होना शुरू हो गया, व्यापारी को क्या किया गया, व्यापारी से जब पैसा लेना बंद कर दिया गया, तो यह पैसा आम जनता से शोषण शुरू कर दिया गया पैसा, उसी को चौकीदारी का कहा गया। ये एक आग ले लिया तो एक फटा ले लेता है कि भैया तुम समाज का रक्षा कर तुमको पैसा दो। तो राजेंद्र प्रसाद साहब क्या थे कि चूंकि यह कांग्रेस में प्रबल नेता थे, युवा नेता थे, ये लोग हर जगह घूमते थे, हर जगह तो पता था कि हमारे बिहार के हर क्षेत्र में, चाहे हम किशनगंज के एरिया में चले जाए, चंपारण में चले जाए, रोहतास में चले जाए, भागलपुर में चले जाए, हम यानी बिहार के किसी भी एरिया में हम जाएंगे, उस हर एरिया में अंग्रेजों ने क्या किया है, चौकीदारी कर को लगा दिया। तो गांधी जी से कहा गया कि देखिए महात्मा जी, ठीक है कि आप नमक बनाइए अच्छी बात है, लेकिन आप हमारे यहाँ क्या कीजिए, चौकीदारी कर का पहले खत्म करने का प्रयास कीजिए, यानी अब तो राष्ट्रीय स्तर का नेता हो गए होंगे, आप अंग्रेजों को कहिए कि क्या कि बिहार में चौकीदारी कर खत्म हो। तो गांधी बाबा किसी का सुनने वाले हैं नहीं, तो इन्होंने क्या कहा राजेंद्र साहब को कि राजेंद्र उनसे छूटे थे, बोले राजेंद्र ठीक है तुम कह रहे हो अच्छी बात है, लेकिन तुम क्या करो, चौकीदारी कर को हम बाद में देख लेंगे, पहले हम नमक बनाएंगे, पहले क्या करेंगे, जो हम नमक बनाने का प्रोग्राम चला रहे हैं पूरे भारत में, तो तू क्या करो कि तुम नमक बनाने का प्रयास करो, और तुम हमको ऐसा जगह खोज करके बताओ बिहार में जहां पर क्या हो, जहां की मिट्टी नमकीन हो, जहां से नमक बनाया जा सकता है।
तो आपको बिहार का भूगोल अगर पढ़े मिलेगा सारे बच्चे तो देखिएगा कि यह जो एरिया हमारा है ना चंपारण का और सारण का ना, यहाँ जो मिट्टी पाई जाती है यहाँ पर मिट्टी की प्रकृति नमकीन थी, नमकीन मिट्टी है ना, यानी बाकी हिस्सों में नमक मिट्टी जो है वो हर प्रकार का मिट्टी पाया जाता है, परंतु यहाँ पर मिट्टी में ना नमक के कांश ज्यादा है। नमक के कांश क्यों ज्यादा है, क्योंकि देखो यहाँ पर हिमालय के तलछटी का जो पठार रवा सब आता है और मिट्टी कुछ क्लाइमेट ऐसा बना हुआ है कि वहाँ नमकीन मिट्टी पाया जाता है। तो देखिएगा कि जब राजा प्रसाद साहब को बोल दिया गया तो इन्होंने कहा कि ठीक है हम क्या करते हैं जुगाड़ करते हैं नमकीन मिट्टी का कहाँ किया जाता है। तो अब क्या किया कि जो कांग्रेस के जो स्थानीय नेता थे लोग थे हमारे बिहार में, उन्होंने हर जिला का सर्वे किया और पता चला क्या कि हर जगह का मिट्टी तो अलग अलग है, लेकिन हमारे बिहार का दो प्रांत ऐसा था या दो जिला का प्रांत कह लो, पहला था हमारा सारण जो था चंपारण, ध्यान रखना पहला क्या था हमारा चंपारण और दूसरा क्या था हमारा सारण। तो इन दो जिलों में क्या किया गया, पता चला कि यहाँ पर क्या है कि नमकीन मिट्टी पाई जा रही है कि यहाँ से नमक हम बना सकते हैं। देखो नमक कैसे बनाएंगे, यहाँ क्या करता जैसे कि यहाँ पर नीचे में क्या किया, नीचे में चूल्हा लगा दिया है ना, चूल्हा पर क्या किया एक कराही डाल दिया गया, समझ लो कराही में क्या किया अगर यहाँ पर आग लगा दिया, आग जल रहा है ना। अब क्या किया गया इसमें पानी खौला दिया, पानी रख दिया गया, जब पानी गर्म हो गया तब चंपारण और सारण के जो लोग थे क्या किए मट्टी का ढेला इसमें डाल दिया, क्या डाल दिया मट्टी का ढेला डाल दिया। तो जैसे ही पानी चूंकि गर्म था तो इस गर्म मिट्टी का क्या हो गया, पोल्यूशन बहुत बढ़ गया दिल्ली में यहाँ। तो जब मट्टी क्या हुआ कि पानी गर्म था तो जब कोई भी ठोस पदार्थ डालते हैं तो क्या होता है कि इनका इंट्रा मोलिकुलर फोर्स कमजोर होता है, इसको हिंदी में बोलते हैं अंतरात्मिक बल। तो यह क्या हुआ कि मट्टी गल गई, क्या हुआ कि पूरा का पूरा गीला हो गया, तो इसमें क्या हुआ कि इसके गाद में मट्टी बैठ गया, मट्टी नमक वाले बैठ गया और जो जो इसकी अशुद्धियां थी ना, जो इसकी अशुद्धि थी वो ऊपर चला गया, जो शुद्ध था वो नीचे चला गया। तो जब और पानी का क्या किया गया वाष्पीकरण करवा दिया गया, तो अंत में जो रवा बसता था ना इसी रवा को क्या कह दिया गया नमक। वास्तव में देखो वह था तो मिट्टी है, हल्का सा नमकीन होता था वो है ना। तो इसी प्रक्रिया से क्या किया गया हमारे भाग ये सारण में, सबसे पहले ध्यान रखना चंपारण और सारण में बिहार में सबने बागानों की शुरुआत किया गया। तो जब यह प्रोसेस इंप्लीमेंट हो गया इसमें इस वाले हिस्से में, तो यही क्या किया गया भागलपुर गया रोहतास बांका मुजफ्फरपुर तिरहुत दरभंगा है ना, इस हर क्षेत्र में क्या किया गया इस तरह से मिट्टी बनाना शुरू, ये सॉरी नमक बनाना शुरू कर दिया गया। यानी इस प्रकार से क्या हुआ, इस प्रकार से क्या किया गया कि हमारे बिहार में भी नमक कानून ये इंप्लीमेंट हो गया और नमक बनाना शुरू कर दिया गया। अब देखो बिहार में ज्यादा हीट क्यों हुआ बताओ, बिहार में ज्यादा हीट इसलिए किया गया क्योंकि महिलाएं जो क्या करती थी खाना बनाती थी ना, तो खाना बनाने के बाद में क्या किया गया उनको बोला कि तुम बर्तन में पानी गर्म करो और मट्टी डालकर क्या बनाएंगे हम लोग नमक बनाएंगे। तो जो भी हमारा चौक था चौराहा था हाट था बाजार था सबके सामूहिक रूप से चूल्हा बनाया गया ना, कैसे बोले अपने चूल्हा बनाते हैं, चूल्हा बनाया गया बड़ा बड़ा हांडी चढ़ाया गया पानी गर्म करके मट्टी डाल करके उसमें नमक बनाना शुरू कर दिया गया। तो खैर वो अलग की बात है कि किस कैसे प्रोसेस बनाया, मेन ध्यान क्या रखना है कि बिहार में सबसे पहले चंपारण और सारण जिले में क्या किया गया नमक बनाया गया। अब यहाँ ध्यान देना बताओ गजब बात कर रही हो, उस टाइम बटा हुआ था थोड़ी 1930 में थोड़ी बटा हुआ था, दिमाग कहाँ चला गया तुम्हारा गीता, पानी में खड़ा हुई तो भाग गया पूरा, आजादी के बाद ना वो सब चेंज हुआ है पूरी पश्चिम चंपारण में, ये समझ में आया सारे बच्चों को। अब देखो अब हमारे पास ये प्रोसेस जब इंप्लीमेंट होता चला गया, अब हमारे पास क्या आता है कि जब चंपारण में जो हमारे पास मिट्टी का क्या मिट्टी से बनाया गया कौन सा चंपारण से सारण से मिट्टी बनाना शुरू कर दिया गया, हमने क्या कहा कि हर क्षेत्र में ऐसा बनाना शुरू कर दिया गया। अब देखते हैं क्या कि जो नमक नमक जो हमारे बिहार में बनाया गया जो क्या कि यहाँ देखना कि नमक बनाने यहाँ एक हेडिंग डाल दो काफी महत्वपूर्ण हेडिंग है कि नमक बनाने वाले प्रांत एवं संबंधित नेता, थोड़ा हेडिंग डाल दो नमक बनाने वाले प्रांत एवं उसके संबंधित नेता, प्रांत का नाम और नेतृत्व करता। अब देखो तो हमने क्या कहा कि चंपारण में बना था है ना, दूसरा में क्या बताया है नमिता हमने सारण में बना था है ना, लिख लो कुछ नाम लिखवा देते हैं, लिख लो यहाँ पर नाम लिख लेते हैं, चंपारण लिख लिया, दूसरा में सारण लिख लिया, तीसरा में लिखो पटना, चौथा में लिखो दरभंगा, पांचवा में लिखो मुंगेर, छठा में नाम में लिखना शाहबाद, शाहबाद अगला नाम लिखो भागलपुर, भागलपुर अगला नाम लिखना प्रांत का देवघर,
देवघर, ठीक है। अब लिखो चंपारण, अब लिखो, लिख लिया सारे बच्चे। अब यहाँ ध्यान देना कि चंपारण में जो हमारा नमक बना था, उस नमक का नेतृत्व कौन किया था, ठीक है। बड़ा अच्छा नाम आता है, बताइए दो दिलीप, क्या नाम था उनका, तुम बताओ तो नीता, बताओ तो, कि कोई वर्मा साहब थे कि जो चंपारण में खूब मदद किया था गांधी जी का। कोई नहीं बोलेगा, नीता को बोलने दीजिए। जब गांधी जी चंपारण आए थे ना, तो देखिए एक वर्मा साहब थे बेचारे, जो खूब मेलजोल था उनके साथ में, जहाँ जाते थे वहां जाते थे बेचारे वो, है ना। दरभंगा के थे क्या, याद नहीं आ रहा, तुम बताओ तो पल्लवी। सर बिपिन बिहारी वर्मा, वेरी गुड, वेरी गुड। क्या नाम था, बिपिन बिहारी वर्मा। जब नीता मिलेगी ना पल्लवी, तो इसका कान ऐसे स्कूल में हम लोग ऐसे कान बार देखो, तो चंपारण से कौन था हमारे, बिपिन बिहारी वर्मा। कान इतना समझी था, सारण से कम थे बताओ। लिख लो गिरीश तिवारी, गिरीश तिवारी, भरत मिश्रा, चंद्रिका सिंह। गिरीश तिवारी, भरत मिश्रा, सब सारण से थे सर। हाँ सारण से थे तीनों, इस तीनों में से किसी एक का नाम पूछेगा तुमसे, है ना। अब कौन सा नाम लिखवाया है नीचे बताओ इसका, गिरीश तिवारी, भरत मिश्रा और चंद्रिका सिंह। हाँ चंद्रिका सिंह, चंद्रिका सिंह महिला था कि पुरुष था, नहीं था बताओ। चंद्रिका पुरुष, चंद्रिका सिंह, चंद्रिका तो महिला का नाम होता है ना, पहले महिला के नाम पे क्या क्या लगता था, सिंह टाइटल नहीं लगता था ना। बोर्ड दिख रहा है आप लोगों को, पढ़ाता ना चंपारण, सारण, पटना, मुंगेर, दरभंगा, भागलपुर, एक छूट गया है, बात शाहबाद होगा, एक राजा ही थे, वही किए थे ना, वो तो मकसूद है शाहबाद। आवाज आ रही है सबको प्रॉपर? जी सर, हम कान भी अपना खींच लिए ना दिन में, खींचना दिमाग ठीक रहता है उसे। क्या नाम दिखा अगला बता दो, पटना, चंद्रिका से पटना आ गया सर। हाँ पटना, पटना से बता दो, सुषमा कौन 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 था, सुषमा बताएंगे, देखिए कितना अच्छा सुषमा पढ़ी है, बताओ उसे। नहीं पता है, अच्छा हंस के बोलती है नहीं पता है, बिहार के बच्चे नहीं ना। हम लोग जब पढ़ते थे हम लोग हिम्मत नहीं होता था कि हंस के बोले सब नहीं पता है, खजूर का डंडा से मार खाए हैं, राजी सर से बड़ा मारते थे हमको बेचारे, आप दूर है ना इसीलिए आपसे डर नहीं लगता है, इसीलिए सब हंस के बोलते हैं। अब लिख अगला कौन सा नाम लिखा है, कौन सा प्रांत लिखा है बताओ, पटना, लिखो पटना से कौन कौन से थे बताओ। जगत नारायण लाल, जगत नारायण लाल, अगला दरभंगा है जी, सत्य नारायण सिंह, दरभंगा से सत्य नारायण सिंह, मुंगेर से लिखो श्री कृष्ण सिंह, श्री कृष्ण सिंह, नंद कुमार सिंह, नंद किशोर मलिक है, नंद कुमार सिंह, श्री कृष्ण सिंह, नंद कुमार सिंह। अब क्या लिखना है, कौन सा नाम है, शाहबाद, शाहबाद, हाँ शाहबाद लिखो, सरदार हरिहर सिंह, सरदार हरिहर सिंह। देखो उस समय क्या था, शाहबाद जो था ना, शाहबाद जो था वो छोटे छोटे प्रांत में बटा हुआ था,
मतलब जैसे कि इलाहाबाद पूरा क्षेत्र हो गया, तो यहाँ पर एक कोई गांव होता था उस गांव का कुछ नाम दे दिया गया। तो यहाँ जो सरदार होते थे ना, सरदार मतलब क्या उसका मुखिया जिसको बोलते हैं ना, उसी मुखिया एक यहीं पर एक गांव था, उस गांव का नाम था चौगाई, चौगाई गांव। तो शाहबाद के क्षेत्र में एक चौगाई गांव था, उस गांव का मुखिया था, उस मुखिया का नाम है सरदार हरिहर सिंह। मुखिया का नाम है हरिहर सिंह, बात समझ में आया, हरिहर सिंह। लेकिन उस समय में मुखिया को क्या बोला जाता था, सरदार बोला जाता था, इसलिए उसको नाम क्या दे दिया गया, सरदार। देख रहे हो ना, जब 1980-90 का मूवी देखोगे तो वहां ऋषि कपूर या किसी तरह का मूवी था, बंजारा मूवी, तो है ना सरदार 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 है ना, सरदार की बेटी होती है श्रीदेवी, वही सरदार हुआ। अच्छा सर, हाँ बताए, प्रांत बोल रहे हैं, जिला बोले लिए प्रांत बोले गए उस समय, प्रांत हुआ करता था, जिला तो आजादी के बाद मेंशन किया गया ना। हाँ उसी से क्लियर करते हैं, लिख लिए। तो शाहबाद में जो चौगाई गांव था, देखो ध्यान रखना, शाहबाद में क्या कहा कि बहुत सारे गांव थे, जैसे अभी है ना कि अभी तो जिला बन गया रोहतास, कितने सारे गाँव है, उसी प्रकार शाहबाद में बहुत सारे छोटे छोटे गाँव, कुछ छोटे गाँव तो कुछ बड़े गाँव थे। उसी एक गाँव में सबसे पहले गाँव का नाम था, मतलब सबसे पहले जो हुआ जिस गाँव में नगर कानून जोड़ा गया उसका नाम था चौगाई, और चौगाई के गाँव के जो मुखिया था या सरदार था उनका नाम था हरिहर सिंह। बहुत लड़ाकू प्रवृत्ति का था, है ना, इनके नेतृत्व में क्या किया गया हमारे, देख रही हो ना कि हमारे भारत ये बिहार में ना एक आम लोग से लेकर के राजा महाराजा मुखिया तो क्या सब लड़ाई कर रहा है, किसके लिए, नमक कानून की। तो कितना बड़ा आगे आंदोलनकारी बनता जा रहा है हमारा क्रांति का क्षेत्र। अगला कौन सा नाम लिखा है, मुजफ्फरपुर लिखवाए है कि नहीं, लिखा दिया सर, मुजफ्फरपुर के नाम लिखवाए, मुजफ्फरपुर नहीं लिखवाया, भागलपुर। तो भागलपुर में लिख लो श्री कृष्ण सिंह, जा भागलपुर में बोलते हैं, भागलपुर में लिख लीजिए। अब महादेव लाल सराफ, महादेव लाल किसका सर, कौन सा जिला सर, भागलपुर, महादेव लाल सराफ, सराफ मत लिखना, सराफ, हाँ वो सोना चांदी का बिजनेस करता था, ये मतलब काफी पैसा वाला आदमी था, है ना। अब क्या लिखा है उसके बाद, क्या हुआ, देवघर। एक और नाम लिखो, दीप नारायण सिंह, कहाँ सर, भागलपुर में सर, हाँ भागलपुर में ही दो व्यक्ति थे, महादेव लाल सराफ, दीप नारायण सिंह। यहाँ ध्यान दीजिएगा, दीप नारायण सिंह को किसी किसी किताब में दीप नारायण अग्रवाल भी कहा जाता है, कंफ्यूज मत कीजिएगा, है ना। तो दोनों में से जो भी ऑप्शन आए अपने हिसाब से बीपीएससी के अनुसार मार दीजिएगा, समझो सारे बच्चे कि भागलपुर से दो ही व्यक्ति साथ की ये नेतृत्व किया था, किसका, इसका नमक का। पहला नाम था महादेव लाल सराफ, इसके नाम में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दीप नारायण सिंह को ही दीप नारायण अग्रवाल किसी किसी किताब में लिखा गया हुआ है। हालांकि अभी तक दीप नारायण का वास्तविक नाम सिंह है कि अग्रवाल है, इस पर अभी तक किसी मतलब गजट में दीप नारायण सिंह ही चल रहा है, लेकिन अभी तक विवाद है कि दोनों में से कौन सा नाम सही होगा। तो बीपीएससी जो ऑप्शन देगा उसके हिसाब से आपको मान लेना, बात समझ में आया, गलती उसको नहीं होगा। आगे क्या लिखना है, और क्या कौन सा लिखो, पंडित विनोदानंद झा, तो देवघर साथ में ना था जी, देवघर वाले पूछेगा नहीं, पंडित विनोदानंद झा, हम कैसे छोड़ देंगे, लिखवा रहे उसका नाम मारा, लिखवाएंगे उसको। विनोदानंद झा, शशिभूषण राय, शशिभूषण राय लिख लिया, हाँ इसी में सुषमा, शशिभूषण राय इसी में। और कोई राज्य, अब तो प्रांत नहीं छूटा है कोई, एक प्रांत लिख लो मुजफ्फरपुर, एक प्रांत लिख लीजिए कौन सा, मुजफ्फरपुर, मुजफ्फरपुर में कौन था बताओ, रामदयालु सी। देखिए किताब में क्या लिखा है, बीपीएससी थोड़ा सा नहीं था कि मतभेद भी, ये विवाद भी करता है मतभेद भी करता है, बीपीएससी क्वेश्चन पूछा हुआ था कि मुजफ्फरपुर से सबने बगानों का नेतृत्व किसने किया था, उसमें सबसे आगे नाम देता है आचार्य कृपलानी का, तुम बता दो नेता कृपलानी साहब कहाँ के प्रोफेसर थे, कहाँ पढ़ाते थे, मुजफ्फरपुर कॉलेज, मुजफ्फरपुर कॉलेज सर, नहीं कोई बोलेगा, कौन कॉलेज में, ब्राह्मण भूमिहार कॉलेज सर, हाँ ब्राह्मण भूमिहार कॉलेज सर, याद आ गया। और कौन सा विषय पढ़ाते थे, नहीं कोई बोलेगा, रुको, नहीं दो सब्जेक्ट पढ़ाते थे ना, हाँ दो तो पढ़ाते थे, सही पकड़ी हो, एक अंग्रेजी और एक नहीं आ रहा सर, कहाँ नहीं, क्यों नहीं आ रहा जाएगा, कहाँ नहीं, आप बता दीजिए, ये इतिहास और अंग्रेजी पढ़ाते, देखो तो मुजफ्फरपुर से क्या था कि बीपीएससी क्या करते हैं,
आचार्य की कहानी का नाम सबसे पहले लिखा गया था, लेकिन अकेले यह नहीं था, बात समझ में आया। इसके अलावा कौन था, दिलीप जी बोले हैं, राम दयालु सिंह, वो भी नाम लिखो, राम दयालु सिंह है ना। और वहां पर कौन कौन थे, जनकधारी प्रसाद दरभंगा वाले, जनकधारी प्रसाद ठाकुर, हाँ रामनंदन सिंह ठाकुर, रामनंदन सिंह और कोई था, अमिताभ जी की सुंदर इच्छा सभा में शामिल देवी कृपलानी भी थे सर, हाँ उन्होंने नेतृत्व तो नहीं किया था सर। देखो तो यहाँ पर नाम उनका होगा सर, हाँ है यहाँ पर नाम, तो दोनों का नाम दिया गया हुआ है बुक्स में है, वही सर वो सभा में शामिल थे मगर नेतृत्व तो नहीं किया थे, मगर आप बोल रहे हैं कि हम नहीं बोल रहे हैं, हम अपने मन से थोड़ी ना कुछ बताएंगे आपको एक्स्ट्रा, जो चीजें किताबें कह रही हैं किताबों का ही चर्चा करेंगे आपके सामने, अपना कैसे बता दें। नहीं सर अभी आपने बोला था कि बीपीएससी जेबी के रुकवाने में माना था, माना है, आप देखिए फिर से क्वेश्चन पेपर हम बनाए हुए, उनको याद है कहाँ कहाँ पूछा जाता है, देखिएगा। देखो अब यहाँ ध्यान देना कि कृपलानी का नाम अधिक क्यों माना जाता है, कि मुजफ्फरपुर से नमक सत्याग्रह का उन्होंने नेतृत्व किया था। देखो अभी नेतृत्व का यह मतलब नहीं होता है कि आप चूल्हा जलाएं कराए में पानी डालें नमक डालें, बात समझ में, नेतृत्व का मतलब यह भी होता है कि आप लोगों को कितना अपने साथ जोड़ लेते हैं, बात समझ में आया। तो देखो कृपलानी का नाम क्यों लिया जाता है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, अगर आपको कई कोटेशन पढ़ा होगा तो जब दांडी यात्रा शुरू हो रही थी, बात समझ में आया, दांडी यात्रा जब शुरू हो रही थी तो हमने क्या कहा कि बिहार से भी कुछ लोग आए हुए थे, समझ में आया। तो ध्यान रखना कि जब गांधी जी चंपारण यात्रा जाने से पहले, मुझे माइक बंद करो सुनना, जब गांधी जी चंपारण सत्याग्रह के लिए क्या कहेंगे, मुजफ्फरपुर प्रस्थान किया वो कहाँ की तरफ, चंपारण की तरफ ना, तो गांधी जी वहाँ कृपलानी साहब एक प्लेट में चंदन लेके गांधी के माथा पर तिलक करते हैं और उनको बोलते हैं कि हम आपका तिलक अभिनंदन करते हैं कि आप जाइए चंपारण, आप क्या कीजिए अपना जो जिस उद्देश्य से आप उसको फतह कीजिए, ध्यान रखना। तो जब दांडी की मार्च होती है, जब बिहार से लोग जाते हैं दांडी के, गांधी जी के पीछे पीछे कि हम भी आपके साथ चलेंगे, तो बहुत लोग आश्रम ही छोड़कर जाते हैं, तो क्या करते हैं उसी समय में, क्या नाम है कीटाने साहब एक थाली में ना चंदन चावल दिया हुआ सब लेकर के आते हैं, सब लोग आरती उतारते हैं सारा नव युवक को और माथे पर तिलक लगाते हैं और बोलते हैं कि यह वही तिहात है जो चंपारण जाने से, जो चंपारण गांधी के जाने से पहले चंपारण का अभिनंदन किया था और चंपारण सत्याग्रह क्या हुआ था, सफल हुआ था, तो मैं उसी हाथ से उसी थाली में तुम्हारा क्या करता हूँ, मस्तक से अभिनंदन करता हूँ कि तुम भी गांधी जाओ, तुम भी क्या करो नमक कानून को ये सफल बनाओ, आई बात समझ रहे हैं मंदू। तो यह जो इतना इंसिडेंट हुआ, जो कहानी बोलते हैं ना कृपलानी साहब तिलक लगाते हैं बच्चों को मोटिवेट, प्रोफेसर होते हैं ना, उस टाइम प्रोफेसर का बात कोई बच्चा छोड़ेगा नहीं, तो वो बहुत अच्छे ज्यादा संख्या में बच्चों को अपनी ओर खींच लेते हैं, किसके लिए, नमक कानून के लिए। इसीलिए किताब में ना भाग मुजफ्फरपुर से कृपलानी का नाम बहुत आगे लिया जाता है, ठीक। अगर मेरो सिंह जो भी देखिएगा मुजफ्फरपुर से पटना जाओगे ना, तो यहाँ रामदयालु एक नगर है, तो वहां पर जितना वर्ग का जमीन था, जो भी सन्नी का जमींदारी था, तो यह पूरे अपने क्षेत्र में सब महिलाओं को, पुरुषों को बोल दिया था कि तुम खाना बनाने के पहले और खाना बनाने के बाद जो तुम नमक का यूज करोगे, वह नमक किसे बनाओगे, मट्टी उबाल करके बनाओगे। तो जहां जहां लोग थे अपना उस हिसाब से क्या करता क्या। फिर देखो उस समय दरभंगा थोड़ी ना था, दरभंगा तो अभी 75 क्षेत्र के बाद अलग हुआ है ना, मुजफ्फरपुर अलग हुआ, दरभंगा तो सब साथ में था मुजफ्फरपुर दरभंगा, इसीलिए जनकधारी प्रसाद का नाम भी मुजफ्फरपुर नहीं लिया जाता, दरभंगा का मेंशन नहीं किया जाता, वो सब तिरुपति क्षेत्र में आता था, समझ में आया मन्यू। तो शामिल जो नहीं कि हम जो युद्ध करते हैं, देखते हो ना सेना लड़ता है तो नाम किसका होता है, उसका जो मेजर होता है उसका नाम होता है, कोई किसी सैनिक का नाम होता है, नहीं होता है, लड़ता कौन है सैनिक लड़ता है, मरता कौन है सैनिक मरता है, इसीलिए उनका नाम लिया था। यहाँ तो सारे बच्चों को समझ में आ गया। अब यहाँ ध्यान देना कि अब सोचो कि इतना जो हम राज्य प्रांत का नाम पढ़े हैं, इन प्रांतों में जब नमक कानून शुरू हो गया तो इसको देखते ही देखते बिहार के जो भी अन्य छोटे प्रांत थे, अन्य छोटा जगह था, वहां पर भी क्या हो गया, नमक कानून बनाना शुरू हो गया और साथ साथ में यह धीरे धीरे क्या हो गया, क्रांति का रूप ले लिया। जरा बताओ तो सोचो कि अगर हम नमक में मट्टी का ही यूज करेंगे तो नमक तो सरकार का नहीं खरीद पाएंगे, तो अंग्रेज बनाकर बेचता था, तो जब नमक गोदाम में पड़ा रहेगा तो नमक क्या वसीलन में तो गल जाता है, सरकार का रेवेन्यू कम होता चला गया, नमक बर्बाद होता चला गया, तो अंग्रेज क्या हो गया, गुस्सा गया, तो अंग्रेज ने गुस्सा गया तो क्या किया, लोगों पर जैसे जैसे यहाँ ध्यान देना, यहाँ दो ग्राफ हम लोग पढ़ते हैं, दो ग्राफ क्या पढ़ते हैं, जैसे जैसे नमक सत्याग्रह या नमक सबने पर आंदोलन ऊपर चढ़ता गया यानी बढ़ता चला गया, वैसे वैसे ही सरकार का
सरकार का जो दमन चक्र होता है वह और तेजी से बढ़ता चला गया। मतलब क्या, सरकार बोला कि तुम बेटा बनाओ नमक, तुमको लाठी से मारेंगे, डंडा से मारेंगे। यानी जितना हम लोग आंदोलन को आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं, अंग्रेज उससे और आगे बढ़कर हमको क्या करता है, लाठी मारता है, है ना। बाद में गोली भी चलाता है बहुत, मरते भी है इसमें। हालांकि उसको किताब में मेंशन नहीं किया गया हुआ है, लेकिन मृत्यु होती है। लेकिन जहां जहां नमक बना वहां वहां पुलिस क्या किया, लाठी मारा। जहां जहां भीड़ था वहां क्या किया, घोड़ा दौड़ा दिया। भीड़ में खड़ा हुआ सीधे घोड़ा होटल से दौड़ा देता था। बताओ, ऐसी मोटरसाइकिल में जाता भीड़ में, कितना ऐसे रहता है, कहीं भीड़ है, लोग जमा इकट्ठा है, घोड़ा दौड़ा, लोग तीते हो गया, वहां से लोग मरते थे। तो अगर क्लेम कोई करता था कि आपने तो हमारे लोग को मार दिया, तो बोला कि हम तो ही ना मारे हैं, मेरा घोड़ा था, घोड़ा मतलब पागल हो गया, विदा किया, भाग गया घोड़ा। भीड़ भगदड़ में लोग मारा, तो भगदड़ में क्यों कुछ हम देख सकते हैं। सरकार भी दिमाग लगाया अपना, देख रही हो ना। कभी भी अगर किसी से दुश्मनी नहीं, इस्तेमाल के चलो कि पल्लवी को नीता से दुश्मनी होगा, तो अगर पल्लवी को ये नीता को मारना होगा पल्लवी को, तो पल्लवी क्या करेगी, दिमाग लगेगी भाई इसको ऐसे मारेगा हमको मर्डर केस हो जाएगा। अगर नीता कभी भीड़ में फंस गई तो उसमें क्या करे, चकवा भोंक के मार के निकल जाएगी। ये ना होता है भीड़ भाड़ में, ऐसे दिल पे मत लेना दोनों व्यक्ति। बस एग्जाम्पल के लिए बताया कि भीड़ में कभी भी अगर किसी की मृत्यु होती है वह उस पर हत्या का मुकदमा दर्ज नहीं होता है। अभी भी यहाँ कानून अंग्रेज का बनाया हुआ है और अभी तक चल रहा है। उसी कानून के कारण क्या हुआ था, किसी प्रकार का केस नहीं दर्ज किया गया हमारे कोर्ट में बिहार के, उस समय जो घटना हुआ था, है ना। तो जैसे जैसे क्या नमक कानून बढ़ा उत्तर होता चला गया, ध्यान रखिएगा। तो सरकार दमन चक्र में क्या क्या शामिल था, लाठी डंडों से प्रहार करना, जहां जहां सामुदायिक चूल्हा बन रहा था चूल्हा को क्या करता था, फोड़ देता था। झोला क्या करता था, पानी लेके जाता था, चूल्हे में पानी झोंक देता था कि नमक बनना, पानी में लेकर नमक बनेगा। और जो स्थानीय नेता था उसको भी क्या करता था, गिरफ्तार करता था। बात समझ में आया। यहाँ ध्यान दीजिएगा, जब सरकारी दमन चक्र आगे बढ़ता चला गया तो सरकार जो है बहुत अधिक संख्या में गिरफ्तारी किया। बिहार सरकार का जो आप गजट पढ़िएगा या कुछ अच्छी किताबें पढ़िएगा, उसमें कहा गया हुआ है 6 अप्रैल से लेकर के, है ना, 6 अप्रैल को शुरू हुआ सारा चीजें, 6 अप्रैल से लेकर के 17 अप्रैल तक, देख लो कितना, उसी से 11 दिन होता है। इस 11 दिन में 6 से 17 अप्रैल 1930 ईस्वी तक सरकारी डाटा के अनुसार लगभग 13,000 लोगों को क्या कर दिया गया, पल्लवी गिरफ्तार कर दिया गया। समझ सकते हो, उसमें पॉपुलेशन कम था। यानी मात्र 11 दिनों में सरकार का ऐसा डाटा है, बिहार सरकार का ऐसा डाटा है कि 13,000 लोगों को क्या किया गया, गिरफ्तार किया गया। बिहार सरकार तो उसमें जिंदा था नहीं, वो डाटा के किसका डाटा मानेगा, अंग्रेज का जो रिपोर्ट होता है उसके रिपोर्ट का डाटा मानेगा। सोचो कि अंग्रेज जब इतना दिखा रहा है तो वास्तव में कितना संख्या होगा। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जाता है कि बिहार में 1930 ईस्वी में जितना भी जेल था वो सब जेल क्या हो गया, खचाखच भर गया। खचाखच एक शब्द होता है, इसका मतलब क्या होता है कि जितना उसका सीमा है या जितना उसकी क्षमता उससे अधिक क्या हो गया, उसे जेलों में कैदियों को ठूस दिया गया। बात समझ में आया। फिर भी सरकार का गिरफ्तारी वहां कम नहीं हुआ। बात समझ में आया। तो जब कम नहीं हुआ गिरफ्तारी, तो सरकार को क्या बनाना पड़ा, एक कैंप बनाना पड़ा। कैंप का मतलब होता है एक अस्थायी जेल बनाना पड़ा बिहार में, है ना। और इस सवर्ण वैज्ञानिक के समय में ही बिहार में सबसे पहले अस्थायी जेल का कंसेप्ट आता है, जो ब्रिटिश सरकार के द्वारा दिया गया हुआ है। तो कोई आदमी बता सकता है कि बिहार के किस क्षेत्र में अस्थायी जेल खोला गया था, अच्छा हम ऑप्शन देते हैं, ऑप्शन से गेस कर लोगे, ऑप्शन देंगे तो गेस कर लेंगे आप लोग। बताइए तो इसमें से आपके पास 5 ऑप्शन है, साथे कहीं पड़े थे सर। ठीक है, देखो ये 5 ऑप्शन देते हैं। हमने आपसे यह पूछा है कि सवर्ण अवज्ञा, प्रश्न आपका सुन लो ध्यान से, कि सवर्ण अवज्ञा आंदोलन के दौरान जब पूरा जेल भर गया तो अंग्रेजी सरकार ने सबसे वो कि बिहार के निम्नलिखित में से किस प्रांत में या किस क्षेत्र में किस शहर में अस्थायी जेल यानी अस्थायी कैंप का स्थापना किया था। आपके ऑप्शन है मुजफ्फरपुर, हाजीपुर, दरभंगा, शाहबाद, उपरयुक्त से कोई नहीं। अब जितने पर ध्यान दो, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, बीपीसी नहीं पूछा हुआ है, पूछेगा। अस्थायी जेल का इसमें से कोई नहीं था, इसका ऑप्शन होगा फुलवारी, सही जवाब फुलवारी शरीफ।
मुझे लग रहा था कि इसमें से कोई नहीं होगा। बोलना चाहिए ना। कैसे बोलते थे आपको? लेते सवाल करती हूँ भाई, देखो समझ लो। क्या कुछ बोलना है? क्या कुछ बोलना है पल्लवी? देखो तो अब ये काफी महत्वपूर्ण पॉइंट, इसलिए हमको ऐसा खेलना था कि दिमाग थोड़ा सा आपका यहाँ पर तक जाए, भूलोगे नहीं कभी। सर ये कहाँ पे है? फुलवारी शरीफ? नहीं पता सर। बिहार में ही तो होगा ना, कहाँ होगा दूसरा? वो तो पता है सर, पटना के तो बगल में ही तो है फुलवारी शरीफ, जहाँ नीतीश कुमार रहते हैं। कहाँ घर है तुम्हारा? नकटिया घर? जी सर। यहाँ का मैपो कम से पढ़ लिया करो। देखो काफी महत्वपूर्ण नाम है, ध्यान रखिएगा सुषमा। हे मनुष्य बच्चे, की सबने के आंदोलन के दौरान बिहार में अस्थाई जेल को, देखो 13,000 व्यक्ति तो खैर सरकार ने बोला कि हम मान के चलते हैं, 225,000 से ज्यादा व्यक्ति, महिला पुरुष बच्चे सबको बुढ़वा बोलिए सबको बांध दिया, रख दिया था जेल में, जगह नहीं था, यानी वहाँ के लोगों को दो दो तीन तीन दिन भूखे रखना पड़ा था, खाना कहाँ से खिला था आदमी को उतना। तो जब जेल में जगह कम पड़ा तो बिहार के फुलवारी, पटना के पास फुलवारी शरीफ है, वहां पर क्या किया गया, एक अस्थायी जेल बनाया गया, और इस अस्थायी जेल में बाकी के जो भी क्या थे कैदी थे, उन सब कैदियों को डाल दिया गया। कैदी में कौन कौन थे ध्यान देना, इतना का तो नाम नहीं पढ़ सकते हैं, आई बात समझे, कॉमन सेंस की बात है। तो इसमें से क्या था, जो भी यहाँ प्रांत लिखा है ना, प्रांत के साथ साथ में क्या लिखा है, जो नेतवा का नाम लिखा है, सब नेतवा को गिरफ्तार कर लिया था। क्या किया था? सारे नेतवा को गिरफ्तार कर लिया था। और उसमें क्या था, स्वामी सहजानंद सरस्वती जो थे उनको भी क्या किया गया था, उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया था। बात समझ में आया? और इनको क्या किया गया था, इनको गिरफ्तार करके सबको क्या कर, जहां जहां जगह मिला वहां वहां क्या कर दिया गया, बैठा दिया गया। यहां तक समझ में आया सारे बच्चों को? यहां तक कोई दिक्कत किसी चीज को? अब ये मत पूछना कि फुलवारी शरीफ के जेल में कौन बंद किया गया था, इसमें कौन किया गया था, इसमें इसका कोई डाटा अलग से नहीं होता है, बात समझ में। इसमें क्या था, जो भी नेता सब बच्चे हुए थे उन सब नेतवा को क्या किया गया था, जिसे जगह मिला गया वैसे उसको जेल में क्या किया गया, बंद करता चला गया। तो सर ये पूरे बिहार से जो गिरफ्तारी हुई एक ही जेल में सर रखा गया सर, वही फुलवारी शरीफ पर? और नहीं तो रहने के बाद वो बच्चा कर रहे हैं ये बताएं सर, आवाज कट रही है, क्या बोल रहे हैं सर? आप किस विषय से पीएचडी कर रहे हैं सर? मेरा हिस्ट्री है सर। हिस्ट्री है तो आप इतना कंफ्यूज क्यों होते हैं? सोचने वाली बात है ना, बिहार में एक ही जेल होगा, एक जेल का कैपेसिटी होगा 3,000 आदमी बैठाने का? तो हाजीपुर और कहां बना सर? अरे भाई अस्थाई जेल एक बात फुलवारी शरीफ में बना था, अगर और कहीं बनता तो हम आपको जरूर मेंशन कर दें। बिहार में इतना सारा जेल कम थोड़ी है, बिहार में बहुत जेल है। किसी लोगों को घर, जैसे कि हमारे जो मौलवी साहब थे पटना के, उनको घर में ही नजरबंद कर दिया गया था, जगह क्या किया फील्ड में बैठा करके, चारों बगल पुलिस था, बीच में तंबू गाड़ के लगा दिया गया, लेकिन अस्थायी जेल निर्माण केवल और केवल फुलवारी शरीफ में ही रखा गया था। उसके बाद देखे अब घटना बढ़ती चली गई, कुछ लोगों को छोड़, जिस महिलाओं को छोड़ता चला गया ना, तो क्यों बंद करेगा महिला वगैरह सबको, यही बात समझ में। यहाँ ध्यान दीजिएगा कि जब यहाँ पर क्या किया गया, जब गिरफ्तारी जब होता शुरू कर किया गया, इससे लोगों में क्या हुआ, लोगों में आक्रोश हुआ, भाई जब तुम्हें नेता को गिरफ्तार करेगा तो नेता वहां की जो जनता होगा वो जनता तो चुप नहीं रहेगा, बात समझ में आया? तो जनता को क्या, जनता क्या करेगा, जनता को तुमको परेशान करना शुरू कर देगा। जनता किसको परेशान करेगा? अंग्रेजों को, बात समझ में आया? तो जब इतने लोग नेता गिरफ्तार कर लिया गया तो जो बाहर लोग थे उन लोगों ने क्या किया, विद्रोह कर दिया, उन लोगों ने क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया। तो विद्रोह जब सबसे ज्यादा इसका विद्रोह का प्रभाव लगभग हर प्रांत में हुआ, लेकिन पटना चूंकि फुलवारी शरीफ में अस्थायी जेल था, बात समझ में आया? तो इस अस्थायी जेल में, यानी पटना में पड़ता है, तो इस अस्थायी जेल में बिहार के प्रत्येक कोना के व्यक्ति को ठूस दिया गया था प्रवर्तन के। तो पटना में क्या किया, पटना में पूरे प्रांत से लोग इकट्ठा होना शुरू कर दिया, तो पटना में क्या हो गया, भीड़ बहुत ज्यादा भर गया, बात समझ में आया? कि अपने लोगों से लोग मिलने आते थे, भाई तुम जेल में कैसे हो, किसी के लिए खाना लेकर के आया, किसी के लिए कपड़ा लेकर के आया था, किसी के लिए कुछ लेकर के आया था। तो जब पटना में इसकी भीड़ बहुत अधिक बढ़ गई, उस समय में क्या हुआ, उस समय में इनको लग गया, किनको, पटना के जो ये क्या नाम अधिकारीगण थे, उस अधिकारीगण को लगा कि भाई अब मामला हमारे कंट्रोल से बाहर होगा, यदि अगर हम यहाँ के किसी व्यक्ति को नहीं पकड़ के लाते हैं जो इनके अभी बाहर है, और जो नेता अभी क्या कर रहा है, नेता को गिरफ्तार नहीं किया गया है, तो उन नेता को अगर हम बुलाते हैं और उनको बोलते हैं कि भाई तुम अपने भीड़ को समझाओ, और उनको बोलो कि भाई तुम वापस चले जाओ, नहीं तो हम क्या करेंगे, तुम पर भी दंडात्मक कार्रवाई करेंगे, बात समझ में आया? तो जो पटना में जब ऐसा घटना हुआ, उस समय में पटना के जो जिलाधीश थे, उस जिलाधीश ने क्या किया, राजेंद्र प्रसाद साहब को बुलाया, ध्यान देना, उस समय में जो पटना के जिलाधीश महोदय थे, उस जिलाधीश महोदय ने हमको किसको बुलाया, राजेंद्र प्रसाद को बुलाया,
और उनको कहा कि राजेंद्र बाबू आप क्या कीजिए, आप अपने भीड़ को कंट्रोल करने का प्रयास कीजिए, आप अपने क्या कीजिए भीड़ को कंट्रोल करने का प्रयास कीजिए। उस समय बताया तो कि उसमें जिलाधीश कौन था, पटना का, शमशाद अली खान, शमशाद पुत्र बात पूछते हैं जिलाधीश का नाम बताइए, है ना। उस समय जो पटना के जिलाधीश थे शमशाद अली खान साहब, है ना, इन्होंने बिहार के सब बोला है देखिए राजेंद्र बाबू कि हमारे ऊपर प्रेशर है, अगर लोग इतना भीड़ कर रहे हैं तो इसको आप क्या कीजिए इसको चुप करवाई, नहीं तो हम क्या करेंगे मजबूरी में हम क्या करेंगे दंडात्मक कार्रवाई इसको शुरू करेंगे। समझ में आया। तो राजेंद्र प्रसाद साहब ने कहा कि नहीं हम इस पर क्या कर सकते हैं, हम आपकी मदद नहीं करेंगे कि आपने गैर कानूनी तरीके से और नाजायज तरीके से क्या किया है, हमको लोगों को पकड़ करके जेल में बंद कर दिया है, आप उसको क्या कीजिए रिलीज कीजिए हम लोग चले जाएंगे। भाई ने उसको कुछ बड़े का वारंट है ना, कोई अपराधी है ना एफ आई आर हो, आप गिरफ्तार कैसे कर सकते हैं मन के संतुष्टि के लिए। राजेंद्र साहब क्या करते हैं, जिलाधीश का बात ये शमशाद साहब जो जिलाधीश होते हैं जो जज होते हैं उनकी बात वह नहीं मानते हैं, बात समझ में आया। तो इनका जब बात नहीं मानते हैं तो वहीं पर क्या होता है फुलवारी शरीफ का एक जेलर होता है, जेलर का मतलब क्या होता है उसको हिंदी में क्या बोलते हैं, जेलर को हिंदी में सर बोलते हैं जेल अधीक्षक बोलते हैं नहीं जी सर। अब यहाँ ध्यान देना, अब एक वर्मा जी होते हैं, यहाँ ध्यान देना कि सब बिहारी सब होता है, सोचो कि कैसे कैसे लोग होते हैं हमारे प्रांत में। तो जिलाधीश साहब का बात राजेंद्र प्रसाद नहीं मानते हैं तो फुलवारी शरीफ का जेल का जो जेलर होता है उस जेलर का नाम होता है बटुदेव प्रसाद वर्मा, है ना। ये बोलता है शमशाद साहब को, शमशाद साहब यू डोंट वरी गिव मी ऑर्डर टू फायर, बोलते हैं कि काहे आप मुर्गी साहब परेशान, मतलब जज साहब परेशान हो रहे हैं कि हमको क्या कीजिए जो लोग इकट्ठा हो रखे उस पर गोली चलाने का क्या दीजिए आदेश दीजिए। ये जो था ना बटुकदेव प्रसाद वर्मा ये काफी महत्वाकांक्षी व्यक्ति था, देखिएगा ना बिहार में जिसका वर्मा टाइटल होगा ना वो काफी महत्वाकांक्षी प्रवृत्ति का होता है, जनरली बढ़िया होता है और काफी महत्वाकांक्षी अभी भी है वो लोग चाहते हैं कि शीघ्रता से नाम हो। तो वर्मा साहब जो था वो जनरल डायर के कॉन्सेप्ट से बहुत ज्यादा प्रभावित था, इन्होंने सोचा कि जनरल डायर ने वहां क्या किया था जलियांवाला बाग में गोली चला तो उसको क्या किया, वहां इनाम मिला था प्रमोशन कर दिया गया सैलरी बढ़ा दिया गया, ये सोचा क्या कि सामने वाले आंदोलन में हम भी क्या करेंगे गोली चलवाएंगे लोग बढ़ेगा तो हमको भी सरकार क्या करेगा अभी जेल में तुमको सत्ता भर का अधिकारी बना दे पैसा दे हमको यहाँ लोगों को बाधे दे दे, बात समझ में आया। तो वर्मा जी ने कहा बटुदेव प्रसाद वर्मा साहब शमशाद साहब हमको क्या दीजिए कि आप गोली चलाने का आदेश दीजिए। तो देखो यो बिहारी था जरा सोचो हम लोग क्या करते हैं मुस्लिम का हिनाई करते हैं ना जन सामान्य बातें, अगर यह चाहते शमशाद खान साहब चाहते तो यह इसको ऑर्डर दे देते और इस पर किसी प्रकार का कानूनी कार्रवाई नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि इनके जो इनका जज का मामूली पावर थोड़े होता है, जज पर उस समय किसी प्रकार का हस्तक्षेप आप नहीं कर सकते हैं। आगे जब कानून हम लोग पढ़ते हैं ना 1935 का भारत अधिनियम जब पढ़ते हैं तब उसमें आगे प्रावधान किया गया कि जज के भी ये प्रश्न कर सकते हैं, पहले नहीं कर सकते थे। अगर ये आदेश दे देता ना तो क्या करता बटुदेव प्रसाद जितना जेल में जो कैदी था जो लोग मिले आए थे सब प्रधान हटा गोली चलवा सकते थे। लेकिन सोचो इन्होंने क्या किया, राष्ट्रभक्ति दिखाते हुए शमशाद अली खान साहब ने बटुदेव प्रसाद को गोली चलाने का आदेश नहीं दिया, चलाने का आदेश नहीं दिया, है ना। तो यहीं से दोनों के बीच का तनाव शुरू होता है। तो आगे देखेंगे जब नंदा हड़ताल होता है छपरा में कुछ और घटना होता है, गोली चलाने का आदेश नहीं दिया। लेकिन खान साहब जानते थे वर्मा साहब की थोड़ा सा दिमाग का एक आदमी है महत्वाकांक्षी है, उसने साफ एक लेटर जारी कर दिया गया यदि भीड़ को कंट्रोल करने में किसी प्रकार का हिंसात्मक गतिविधि होता है और कोई भी व्यक्ति अगर मरता है तो हम क्या करेंगे उसका जवाबदेही कौन होगा, वहां का जेल का जेलर होगा। यानी अगर कोई कैदी की मृत्यु होती है भूख से प्यास से प्रताड़ना से तो हम क्या करेंगे तुम पर हत्या का मुकदमा दर्ज करवाएंगे, लेटर निकाल देते। डर के मारे क्या करता है जितना भी मतलब अपना काम बचाने के लिए जो भी खाना पीना कपड़ा सब होता है सब उनको देता है कैदियों को, नहीं तो अगर देता वो फैसला तो आज हम जो इतिहास देखते हैं ना बिहार का वो इतिहास हो सकता था कि जलियांवाला बाग हत्याकांड डाउन में चला जाता फिर बिहार का नया जलियांवाला बाग हत्याकांड हो जाता है ना। देखिए आज क्या है कि हम लोगों ने कल सपने बगे आनंद को जाना था कि सपने बगे आनंद की पृष्ठभूमि क्या थी, जो मौलिक पृष्ठभूमि होती है उसकी चर्चा हम कर रहे हैं ना, उसके बाद की भारतीय राष्ट्रीय स्तर पर उसकी कैसी कैसी घटनाएं घटित हुई उनका हमने चर्चा कर लिया था, उसके बाद की बिहार में भी हमने जंप किया था कि बिहार में सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय में किन किन घटनाओं का क्या हुआ समावेश हुआ और सविनय अवज्ञा आंदोलन से कौन कौन से व्यक्ति बिहार के किस क्षेत्र से किस रीजन से जुड़े हुए थे।
साथ में हमने यह भी जाना कि बिहार में क्या था कि एक तरफ गांधी जी नमक कानून तोड़ने के लिए आते थे कि हम नमक से समुद्र से क्या पानी से क्या नमक बनाएंगे, लेकिन प्रसाद साहब ने बोला कि चौकीदारी कर हमारे बिहार में बहुत ज्यादा है कि पहले आप इसको समाप्त करें। तो दोनों के बीच में जो द्वंद्व हुआ था वो भी हमने जाना था। हमने यह भी जाना था कि जब सविनय अवज्ञा आंदोलन का बिहार में बहुत चरम परिणति था तो वहाँ की अंग्रेजी सरकार ने क्या किया, वहाँ लोगों को कंट्रोल करने के लिए लाठियाँ चलाया, अंधाधुंध घोड़ा दौड़ा दिया, उसके बाद के विभिन्न प्रकार के कानूनी धाराएं लगा दी और सबको कहाँ डाल दिया गया, जेल में ठूस दिया। जब जेल में जगह कम पड़ा तो उनको क्या किया गया, पटना के पास फुलवारी शरीफ में एक अस्थायी जेल का निर्माण किया गया जिसको कि जेल कैंप कहा गया। उसमें कुछ लोगों को क्या किया गया, उसके बाद क्या हुआ था, जो हमारे जब फुलवारी शरीफ में जब अस्थायी जेल का निर्माण कर दिया गया तो वहाँ के जो जेलर साहब थे उन्होंने क्या किया, शमशाद साहब से जो वहाँ के जिलाधीश साहब थे बोले कि वो गोली चलाने का तो हम सबको तुरंत ठीक कर देते, तो न्यायाधीश ने क्या किया उनको गोली चलाने का आदेश नहीं दिया। इस प्रकार से हमारा जो बिहार प्रांत है, बिहार क्षेत्र है, दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड होने से बच गया, उस अभिशाप से बच गया। यहाँ तक सबको समझ में आ गया था। अब हम देखेंगे क्या कि उस आंदोलन के समय में विभिन्न प्रकार के जो भी क्षेत्रीय नेता थे, जैसे कि मुजफ्फरपुर से कौन नेता थे, पटना से कौन नेता थे, सहावा से कौन नेता थे, भागलपुर से कौन नेता थे, दरभंगा से कौन थे, देवघर से कौन थे, जहाँ जहाँ हमने चर्चा किया था उन सब नेताओं को क्या हो जाती है, गिरफ्तारी हो जाती है, बसते हैं कौन, हमारे नरेंद्र साहब अभी तक बचे हुए रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो साबरमती से वापस आए हुए होते हैं पानी की समुद्री जल यातायात के माध्यम से, कहाँ, पटना के घाट पर, और उनकी मुलाकात होती है किन से, पटना के जो जज साहब हैं उनसे, और बोलते हैं क्या कि भाई भीड़ अनकंट्रोल हो रहा है, क्या भीड़ को समझाइए। प्रसाद साहब बोलते हैं कि भीड़ हमारे कहने पर नहीं मानेगा, भीड़ की मांग पूरी कर दो, भीड़ अपने आप क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। अब बात समझ में आया। लेकिन क्या होता है कि ना तो जज साहब कुछ मानते हैं ना तो राणा साहब अपने पर रहते हैं, दोनों दूसरे के पैदल खड़े होते हैं। इसी बीच में क्या होता है, इसी बीच में एक बहुत महत्वपूर्ण घटना घटती है, क्या कि 4 मई 1930 को, ध्यान रखिएगा 4 मई 1930 को जो सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने वाले नेता होते हैं, अग्रणी नेता होते हैं, ये ब्लू पेन दिख रहा है सारे बच्चों को, 4 मई 1930 ईस्वी को जो सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रमुख नेता होते हैं गांधी जी, उन गांधी जी की क्या हो जाती है, गिरफ्तारी हो जाती है। आपसे पूछा जाता है, यहाँ ध्यान देना, कि 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को क्या हुआ था, हमारा सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था और गांधी की गिरफ्तारी कब हुई, 4 मई को हुई। और देखो यहाँ कैसे बीपीसी क्वेश्चन पूछेगा, है ना, बीपीसी ने पूछा था ना कि भाई साबरमती से गांधी जी चले थे, क्या हुआ, दांडी पहुंचे, बात समझ में आया, कितना दिन लगा था, तो जोड़ लो यहाँ से जितना मार्च होता है जयपुर को पहुंचता वहां तक। अब क्या है कि यह डेट सबको पता है सामान्यतः, बात समझ में आया, तो बीपीएससी हो सकता है आपसे पूछ दे कि गांधी जी को सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू होने के कितने दिन बाद गिरफ्तार किया गया, तो 6 अप्रैल से तुम 4 मई, सॉरी हाँ 6 अप्रैल से तुम 4 मई का क्या जोड़ो, समय जोड़ लो, है ना, तो जितना समय आपके पास में होगा, मान लो कि एक समय आता है तो उस समय को याद रखना, क्योंकि हो सकता है, क्योंकि देख रहे बीपीएससी अब समय पर ज्यादा मेंशन कर रहा है कितना दिन लग रहा है, कितना घंटा लग रहा है, तो आपकी अब ये जिम्मेदारी बनती है कि जो भी यहाँ पर समय होता है उस समय को क्या करें, आप काउंट कर लेगा। ध्यान रखिएगा यहाँ 6 तारीख को आप गिनेंगे, जैसे 6 और 7 है ना, ये हो जाएगा 1 2 ऐसे बढ़ते चले जाओ, अप्रैल 30 का महीना होता है, यहाँ तक चले जाओ कितना दिन होता है, फिर 1 2 3 4 है ना, चौथा दिन उसको गिरफ्तार कर लिया गया, तो 6 से लेकर के क्या किया, यहाँ पर 2 प्रश्न बनते हैं, कितने दिनों बाद गिरफ्तार किया गया, कितने दिनों बाद, तो तीसरा दिन अप्रैल जो मई का हमारा 3 महीना होगा ना, 3 तारीख होगा, उसके बाद ही गिरफ्तार किया गया, तब अगर कितने दिनों बाद गिरफ्तार किया गया तब हम क्या लेंगे, 3 तारीख लेंगे, और सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू होने के कितने दिनों में उनको गिरफ्तारी हुई, तो फिर 4 तारीख हम लेंगे,
तो आप ध्यान दीजिएगा कि बीपीएससी आपसे किस प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है, उस प्रश्न को पढ़िएगा, उसके आधार पर क्या करना है यहाँ पर आप डेज को मेंशन करना। ठीक, देखो तो 4 मई को क्या होता है, 4 मई को हमारे गांधी जी गिरफ्तार कर लिए जाते हैं। अब यहाँ समझने वाली बात क्या है कि गांधी जी बहुत बड़े नेता होते हैं, किसके, सबने अवज्ञा आंदोलन के। तो जब गांधी जी की गिरफ्तारी होती है तो पूरे भारत में, बिहार का तो छोड़िए, तो पूरे भारत में क्या होता है, पूरे भारत में लोग हो जाते हैं परेशान और लोग तरह तरह के उत्पात मचाना शुरू कर देते हैं। उत्पात मचाने का मतलब यह हुआ, कोई दुकानदार है उसका जबरदस्ती दुकान बंद करवाना, कोई ठेला है उसका जबरदस्ती ठेला उड़ ले लेना, अभी कोई चीज होती है ना, इन सब चीज, ये सब घटनाएं बढ़ने लगी कहाँ, पूरे भारत में भी और बिहार में भी। तो इन घटनाओं को कंट्रोल करने के लिए, चूंकि देखो सरकार को पता था कि गांधी जैसी प्रोमिनेंट नेता को गिरफ्तार किया गया है तो वहां विरोध तो होगा ही होगा, तो सरकार ने इसको दबाने के लिए अपने अत्याचार को और ज्यादा क्या किया, बढ़ाया। यानी अब हुआ क्या कि गांधी की गिरफ्तारी के विरोध में लोगों ने क्या किया, खास करके हमारे बिहार के लोगों ने क्या किया, ध्यान देना, पूछा जाता है कि बिहार लोगों ने क्या किया, तो सबसे पहला बात है कि जुलूस निकाला। ध्यान देना, गांधी की गिरफ्तारी के बाद में हमारे बिहार के लोगों ने क्या किया, जुलूस निकाला। उसके बाद क्या हुआ कि जगह जगह प्रदर्शन किया। दोनों में अंतर होता है, देखो जुलूस का मतलब क्या होता है, जैसे कोई एक आदमी होगा वह नेतृत्व करेगा और उसके पीछे क्या होगी, बहुत सारे आदमी चलते रहेंगे, इनके यह क्या उसका लीडिंग लीड करेगा, इसको इस क्रिया को बोलते हैं जुलूस। प्रदर्शन का मतलब क्या होता है कि हम व्यक्तिगत रूप से या 4-5 लोगों के झुंड मिला करके क्या करते हैं, सामूहिक रूप से किसी दुकान को बंद करवा देते हैं, कोई ठेला को उड़ेल देते हैं, किसी को मार देते हैं, दुकान का पैसा तोड़ देते हैं। वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, उस लोगों की मानसिकता क्या है उसके ऊपर डिपेंड करता है। बात समझ में आया, क्या हुआ कि जुलूस निकाला गया, जगह जगह प्रदर्शन किए गए, ठीक है। और दूसरी बात क्या किया गया, अदालतों का बहिष्कार किया गया। ये काफी महत्वपूर्ण है, देखो ये पॉइंट हम इसलिए बता रहे हैं कि बीपीएससी मेंस में अगर आपको पूछने के लिए लिखा कि सबने वगैरह लोगों को बीपीएससी पूछा भी है मेंस में, तो इन सारे पॉइंट्स को आपको लिखना है, बात समझना है, इसलिए हम आपको इतना बता रहे हैं। समझ में आया तीन चीजें, क्या निकाला, जुलूस निकाला, उसके बाद क्या हुआ, जगह जगह प्रदर्शन किया, उसके बाद क्या किया, अदालत का बहिष्कार किया, और क्या किया बताओ, सभाएं आयोजित की गई, स्कूल कॉलेज छोड़ दिया सर, जितना चीज तुमको आता है ना सब लिख दो, वो देखो जो नहीं कि सरकारी कर्मचारी ऑफिस छोड़ दिए सर। हाँ, यानी आपके मस्तिष्क में जो नहीं कि जो किताब में दिया वही होगा। अब घटना है ना, घटना के साथ तो कुछ भी हो सकता है, आपके मन में आप सोचो, आप देखो अच्छा राइटिंग वही लिखता है कि कल्पना करो कि आप 1930 में अगर होते उस समय में तो आप क्या क्या कर सकते थे, तो मानसिकता वही होती ना। जैसे मनु ने कहा क्या कि स्कूल छोड़ दिया, सही बात है। उसके बाद क्या हुआ कि जितना भी वकील साहब थे, वकील लोग क्या किया, अदालत का बहिष्कार जो लोग किया ना, वकील बहिष्कार अदालत को छोड़ देता है, जज साहब कितना जज होते हैं कि जज के पद से इस्तीफा दे देता है। बात समझ गए, यानी यूं कहें कि ये सम्मिलित रूप से क्या कहलाता है, अगर आपसे पूछे कि इन सम्मिलित रूप को क्या कहेंगे ये सब में, तो क्या बोलिएगा, बहिष्कार। बहुत बढ़िया, इसको क्या बोलेंगे, बहिष्कार। यानी गांधी की गिरफ्तारी के बाद में अखिल भारतीय स्तर के साथ साथ में बिहार में भी क्या किया, बिहार के लोगों ने या बिहार की जनता ने अंग्रेजी हुकूमत का या अंग्रेजी शासन का क्या किया, बहिष्कार किया। बहुत अच्छा कंटेंट आपके पास में उपलब्ध हो गया, अगर इतना सजा करके आप लिखेंगे ना इसमें तो बहुत नंबर आपको मिलेगा, डायग्राम पर दो नंबर एक्स्ट्रा मिलता है, देखते हैं ना, एक एक नंबर से लोग डीएसपी छोड़ करके नीचे चला जाता है पैदान में, है ना, तो कोशिश करना कि हर चीज को पकड़ लें, इसलिए इतना हम तोड़ के पढ़ाते हैं। बात समझ में आया, तो इतना प्रदर्शन जब होने लगा तो अब हम देखते हैं क्या कि देखो अब समझते हैं क्या कि जुलूस में क्या निकाला, जगह जगह प्रदर्शन किया, बहिष्कार क्या किया, उसको समझने का प्रयास करते हैं। देखो सबसे पहले क्या होगी, जो स्कूल छोड़ दिया, कॉलेज छोड़ दिया, मास्टर भी छोड़ा और बच्चा भी छोड़ा, तो ये लोग क्या हो गया, जब स्कूल छोड़ता है और जब ये क्रांति में भाग लेता है क्या होता है, तो अब इनकी पढ़ाई तो हर जगह होता ही है, लेकिन अब इनमें क्या होता है कि देश प्रेम होता है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, अभी के समय में कोई भी व्यक्ति नौकरी छोड़ के सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेगा, नहीं कर सकते क्योंकि नौकरी मिल नहीं रहा है। उस समय सोचो कि जो लोग वकील साहब जितना अच्छा पैसा कमाते क्वेश्चन पूछा हुआ है कि सबने अवज्ञा आंदोलन के समय में निम्नलिखित में से किस वकील ने अपना सर्वाधिक कमाई होने के बावजूद भी उसके पद से इस्तीफा दे दिया, उनका नाम था राजेंद्र प्रसाद, वो भी वकील थे, बहुत अच्छा पट्टा पट्टी करते, बहुत पैसा कमाते थे, लेकिन गांधी जी के कहने पर बोले कि ना हम सब त्याग देते हैं, त्याग दिया था। ये बीपीएससी ने पूछा हुआ प्रश्न है, बस समझ में आया। तो अब कुछ मेंशन नाम को करेंगे, आगे जब डिस्कस करेंगे तो हम कुछ नामों को पढ़ने का प्रयास करते रहेंगे, बात समझ में। अब देखो इतनी घटनाएं जब होंगी तो सरकार चुप रहेंगी, नहीं चुप रहेंगी। अब यहाँ तुम एक चीज और जोड़ लेना आप लोग, कि जो भी चीजें उसमें होती है इसमें मेल का भी पार्टिसिपेशन होता है,
फीमेल का भी पार्टिसिपेशन होता है ना, ओल्ड का भी पार्टिसिपेशन होता है, चाइल्ड का भी पार्टिसिपेशन होता है। बात समझ में आया? अब यहाँ ध्यान देना, जितनी सारी किताबें हैं उन सब किताबों में महिला पुरुष बूढ़े बच्चे तो मिलेंगे, लेकिन उसने क्या किया है, ट्रांसजेंडर जो उभयलिंगी क्या उसको बोलते हैं, उभयलिंगी प्राणी होते हैं, उभयलिंगी मानव होते हैं, उनको किताब में मेंशन नहीं किया गया हुआ। उसका कारण यह है क्योंकि इस ट्रांसजेंडर को अभी ने सुप्रीम कोर्ट ने उसको दिया है आदमी का दर्जा, भाई जरूरी उसके पास मौलिक अधिकार है। तो आप लोग मेंशन करना, जरूर मेंशन करना कि सबने वगैरह जो भी क्रांतिकारी आंदोलन, भाई एको को तो होगा, ऐसा थोड़ी कि सब लोग मेले फीमेल होगा, कोई ना कोई ट्रांसजेंडर होगा कि जो भाई अपने देश के लिए राज्य के लिए लगा होगा। इतिहास लिखने वालों ने हो सकता है उनका नाम सामाजिक घृणा के कारण ही मेंशन किया हो, या समाज देखो समाज तो अभी नहीं अपना पा रहा ट्रांसजेंडर, उस समय क्या अपना रहा होगा, लेकिन ये चीजें थी जो कि अभी ट्रांसजेंडर तो उस समय भी रहे होंगे, उनका भी पार्टिसिपेशन हुआ होगा। तो आपको मेंस में जब आंसर लिखना या अगर आपके इंटरव्यू में पूछ देखोगे तो जरूर बताना इन चीजों को कि सर इतिहासकार ने उस समय सामाजिक विनेश के कारण इन लोगों का नाम दर्ज नहीं किया, बिल्कुल कुछ होगा इंटरव्यू वाले आपको। तो देखो यह जो आंदोलन चल रहा था हमारे यहाँ, तो देख लीजिए ना, महिला पुरुष बूढ़े बच्चे ट्रांसजेंडर सब लोगों ने अपने स्तर पर क्या किया, पार्टिसिपेशन किया। बात समझ में आया? तो जैसे जैसे इसका बहिष्कार बढ़ता गया वैसे उससे क्या होता चला गया, सरकार का जो दमन चक्र उसको दबाने की जो प्रक्रिया है वह भी क्या होती चली गई, बढ़ती चली गई। यहाँ तक किसी को समझ में आया, कोई दिक्कत? आगे चले, आगे बढ़े। देखो जी सर, नेता हिस्ट्री का क्लास करती है, सर को निचोड़ के रख देती है, नहीं नेता अभी देख रहे थे तुम्हारा ये हिस्ट्री वाले वो बताते नहीं रहते, उनको पूछते रहते हैं, पूछते रहते हैं। तो हमसे कहा नहीं होता, मैं पूछती हूँ, पूछना आप सब बता देते हैं। देखो अब यहाँ समझो, अब थोड़ा सा हम और आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण चीजें क्या होती है, थोड़ी महिला का हम चर्चा कर लेते हैं, जो कि यह काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है, और सारे बच्चे इस चीज को ध्यान से समझना कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय में कौन कौन सी महिला कहाँ से पार्टिसिपेट किया था और कौन कौन सी महिलाओं पर क्या अभियोग लगा है, कितना प्रताड़ना झेली है, कितना तकलीफ झेली है उस समय की महिलाएं, तब आपको अनुभव होगा। अभी की महिलाएं घर से बाहर नहीं निकलती कि लड़की बा कैसे घर से बाहर निकली, उसमें सोचो कि क्रांतिकारी के साथ कदम से कदम मिला करके, कंधा से कंधा मिला करके लड़ी थी उस समय, ऐसे नहीं उसको मर्दानी बोलते हैं किसी भी फीमेल को कि जो युद्ध करती है लड़ती। तो अब जो भी फीमेल कैंडिडेट है उसको देखना कि कितना अच्छी चीजें हैं। देखो अब क्या होता है कि जब 4 मई को 1930 ईस्वी को गांधी की गिरफ्तारी होती है, इससे 3 दिन पहले एक बहुत बड़ा घटना होता है 1 मई 1930 ईस्वी को बिहार में, है ना। देखो बिहार में गया, चंपारण, सारण, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, शाहाबाद, ठीक है, इन सब क्षेत्रों में क्या होता है, यहाँ ध्यान देना, हम उन जिलों का नाम लिखे हैं जिन जिलों में, देखो दरभंगा हो, गया हो, चंपारण हो, सारण, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, शाहाबाद हो, अभी भी ना ये जो 6-7 जिले हैं बिहार के ना, इन जिलों में क्या होता है, तारीख की सर्वाधिक तारीख, तारीख समझते हो, तारी का बहुत बढ़िया उत्पादन होता है, क्योंकि यहाँ का क्लाइमेट ऐसा होता है। बात समझ में आया? अब क्या हुआ कि जो दरभंगा, गया, चंपारण, सारण, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, शाहाबाद में, इन जो कितना 6 जिला हो गया, 7 जिला हो गया, 2, 4, 2, इन 7 जिलों में सोचो, अब उस समय क्या था, यहाँ ध्यान देना सारे बच्चे कि शाहाबाद में उस समय भोजपुर, कैमूर सब इंक्लूड था, अलग अलग नहीं पढ़ना उसको, बक्सर तक सब इसमें इंक्लूड किया हुआ था। तो इतना बड़ा एरिया में क्या था कि तारीख, यानी सुनो कि बिहार के प्रत्येक क्षेत्र में किशनगंज को छोड़ करके, किशनगंज या फिर जो भी पहाड़ी इलाका है उसको छोड़ करके, प्रत्येक क्षेत्र में तारीख का बहुत अच्छा उत्पादन होता है। तो अब क्या हुआ कि 1 मई 1930 ईस्वी को इन क्षेत्र की महिला इतना त्रस्त हो गई, देखो त्रस्त तो पहले से थी, 4-5 साल से त्रस्त थी, 10 साल पुराने से त्रस्त थी, लेकिन नहीं था कि एक पीक पॉइंट आता है जब तुम बर्दाश्त नहीं कर सकती हो, सकते हो किसी भी चीज को, तो पहले से परेशान थी। तो एक मतलब 3 दिन पहले 1 मई 1930, यानी 1 मई किसको बोलते हैं, ये मजदूर दिवस बोलते हैं ना, मजदूर दिवस को, तो 1 मई 1930 ईस्वी को क्या हुआ कि इन सभी जिलों में या सभी क्षेत्रों में जहां जहां तारी का दुकान था वहां वहां क्या होता था, वहां वहां महिलाएं बिल्कुल सुबह उठती थी, 4-5 बजे खाना पीना बना दी और कहाँ चली जाती थी, दुकान पर पलथी मार के बैठ जाती थी, अपनी बैठती थी, जो बिल्कुल छोटे बच्चे होते थे उनको भी लेकर के जाती थी। यानी महिलाओं का इतना बड़ा यहाँ योगदान था, ध्यान देना, ऐसा एग्जाम्पल तुमको आज तक भारतीय इतिहास में किसी भी क्षेत्र में नहीं देखने को मिलता है। इवन की तारी का उत्पादन तो दक्षिण भारतीय राज्यों में भी होता है, जैसे कि केरला हो गया, मद्रास हो गया, लेकिन उस वहाँ भी एग्जाम्पल नहीं इतिहास में तुमको मिलेगा, बिहार में तुमको एग्जाम्पल मिलता है।
सोचो कि महिलाएं सुबह सवेरे देखो गर्मी के महीने में सुबह उठी खाना पीना बनाई और सुबह से यानी सूर्योदय होने से पहले तारी के दुकान पर चली जाती थी और रात को जब सूर्यास्त हो जाता था तब वो क्या होती थी वापस आती थी अपने घर। और यहाँ ध्यान देना उस समय में महिलाओं को घर से तो बाहर नहीं निकलती थी। तो अब आपके दिमाग में एक बात आएगा कि भाई जो महिलाएं घर से कभी बाहर नहीं निकली उनको क्या पता होगा कि तारी का दुकान कहाँ है, विदेशी वस्त्र का दुकान कहाँ है, बात समझ में, या सरकारी हुकूमत का जो भी सरकारी खाना होता है नहीं तो कि गोदाम हो गया उसका दुकान कहाँ है। इसमें क्या होता था, इन महिलाओं को कुछ सज्जन पुरुष जो होते थे, सज्जन पुरुष यानी ये सज्जन मेल जो होते थे वो क्या करते थे, साइकिल पर बैठा करके टमटम पे जिनको जो साधन मिला उनको नजदीकी दुकान पर बैठा देते थे कि तुम रहो। किस लिए कि भाई जैसे ही कोई तारी का दुकान अगर खोलता तो उसका जो मटका होता था वो मटका फोड़ देती थी, दुकान नहीं खोलने देती थी, क्योंकि भाई सब पुरुष तो परेशान नहीं होगा, सब पुरुष नहीं पिया करेगा, कुछ तो कुछ सीधा आदमी होगा जो आंदोलन को मदद करेगा। तो बताओ कि इस महिलाओं को बैठा करके सुबह से लेकर के शाम तक सोचो उसमें रहती थी। तो गांधी जी जब इसको समाप्त करते हैं ना तो वो हाथ जोड़ करके अभिनंदन करते हैं बिहार की महिलाओं को कि इतना वीर महिला हमने आज तक अपने जीवन काल में नहीं देखा है कि जो परिवार को भी संभाले, उसके बाद बच्चों को भी संभाले और राष्ट्र को भी संभाले। भाई राष्ट्र को संभाल रहा है, सोचो मेल कमाता था पूरा पैसा कहाँ तारी के दुकान में बर्बाद कर देता था, तो पैसा तो बचत हो गया उन लोगों का। और दूसरी बात कि तारी के से जो बिक्री होता था तो इसके टैक्स से सरकार को काफी बेनिफिट मिलता, टैक्स भी उसको रुक गया, सरकार और बौखला गया। तो अब क्या किया सरकार ने, सोचो कि महिला बैठी हुई है लेकिन महिला को तो महिला पुलिस पकड़ेगा ना, लेकिन महिला नहीं थी, जो मेल पुरुष होते थे वो उनके ऊपर लाठी से प्रहार करते थे, बीच में बैठा हुआ पानी फेंक दिया, भाई तो जबरदस्ती तो नहीं कर सकता था ना महिला के साथ में, बैठा हुआ लाठी से पीट दिया या उसके बाद की कोई घोड़ा दौड़ा दिया, मतलब खाली घोड़ा पैदल पानी फेंक दिया, जमीन गीला कर दिया, यानी तरह तरह की प्रताड़नाएं महिलाओं को दी जाती, फिर भी महिलाएं सुबह से लेकर सूर्य से सूर्यास्त तक क्या करती थी, यहाँ पर बैठी रहती थी। गांधी जी ने कहा है कि बिहार में छठ तो बाद में मनाएंगे, पहले जो वहां की महिलाएं थी वह पूरे सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान तारी के दुकान पर छठ मनाती थी। देखिए सूर्योदय होता था, सूर्यास्त के बाद में हम लोग मनाते हैं ना, सूर्योदय होता तो फिर भी छठ मना प्रणाम करते हैं, डूबता है फिर भी प्रणाम करते हैं। तो गांधी का कोटेशन है कि बिहार की महिलाएं तारी के दुकान पर बैठ करके सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय में सुबह से शाम तक छठ का आयोजन करती थी। छठ पूजा नहीं बल्कि जो एक्टिविटी होती थी तो उसके विषय में ये कहा गया। ये कोट जो है ना आप लोग मेंशन करना, मैं इसमें तुमको मौका मिले लिखने का ये चीजें, या अगर तुमको कहीं इससे लिखना हो कुछ बोलना हो तो बताना कि बिहार की महिलाएं कितनी उन्नत थी, कितना जुझारू थी, कितना संकल्पशील थी अपने ये भविष्य को लेकर के, परिवार का भविष्य हो या देश का भविष्य हो। हाँ जी जी सर, कौन से बुक में बोला है गांधी जी ने सर, क्या हुआ कौन से बुक में गांधी जी ने मेंशन किया है सर? ठीक है रुक जाइए, किताब दिखाते हैं आपको। ये किताब दिख रहा है आपको शर्मा जी, देखो इसके दो वॉल्यूम है, भाग एक भाग दो, बिहार में स्वतंत्रता आंदोलन का इतिहास, वहां जाएंगे ना हिंदी ग्रंथ अकादमी की किताब है, सरकारी किताब है ना, इसके इससे दोगुना मोटा इसका सेकेंड पार्ट है, इसका जब सेकेंड पार्ट पढ़ेगा सेकेंड पार्ट वाले में यह मेंशन किया गया है ना। तो विशेष अगर पढ़ना हो इसको किताब तो पटना जाइए, वहां से ये किताब आप परचेज कीजिए, आपको उसमें मिल जाएगा। आगे चले, सुने शर्मा जी की और बताए? नहीं नहीं सर, बस नाम पूछ रहा था। ये सब मत पढ़िए, देखिए नाम क्या था उससे क्या मतलब आपको, आपको पढ़ना है कि रिसर्च का नाम कोई बताइए ना। नहीं नहीं सर, अगर आप मेंस पे लिखने के बोल रहे हैं, अगर बुक का नेम मेंशन करके लिखे तो और अच्छा रहेगा ना। गजब करते हैं, बुक का मेंशन जरूरी थोड़ी कि जो किताब पर भी किया होगा हमने जो किताब, देखिए यहाँ पे जैसे कि आप लोग क्या पढ़ते हैं, सबने बाकी पढ़ते हैं, दो पेज में खत्म हो जाता है, देखो दिखाते हैं 200 पेज में कहानी दिया हुआ सबने बाकी आंदोलन का, आपको क्या लगता है कहानियां वैसा ही बोलते जा रहे हैं? देखो यहाँ पे 114 से 291 पेज नंबर तक दिया हुआ है, लगभग 125 पेज है सबने बाकी आंदोलन का, उतना कहानी बताएंगे तो एक महीना कहानी सुनाने में लगेगा हमको, है ना। तो ऐसा नहीं है, हम जैसे कि कुछ है ना आधार से ही कुछ आपको बताते रहते हैं। चलो देखो, तो इन सब चीजों को क्या करना है कि आप अगर कोर्ट में भी कोर्ट बोलते हैं मतलब मेंशन करना किसी कोटेशन में तो काफी अच्छा नंबर मिलेगा। खैर चलिए, तो महिलाएं जब यहाँ पर क्या करती थी, तारी के दुकान पर धरना देती थी,
महिलाएं क्या करती थी, यह महिला जो होता था, महिला होती थी सॉरी, ये क्या करती थी, जो भी वहाँ आस पास में विदेशी वस्त्र का दुकान होता था, क्या होता था, विदेशी वस्त्र का दुकान हुआ करता था, इस विदेशी वस्त्र के दुकान पर भी वो धरना देती थी। अब यहाँ ध्यान देना, यहाँ तारी के दुकान पर मटका फोड़ तो देती थी महिला, चूंकि मट्टी का होता था, फिर से बना लेगा, लेकिन जो विदेशी वस्त्र का दुकान होता था ना, उसको बंद नहीं करवाती थी, यहाँ ध्यान रखिएगा, बल्कि जो ये भारतीय या बिहारी ग्राहक इसके पास खरीदने जाते थे उसको समझाती थी, रोकती थी उसको, दुकानदार से उसको कोई बहस नहीं होता था, बल्कि वह जो ग्राहक होते थे उन ग्राहक को क्या करता था, उसको कटिंग करती थी, रोकती थी, समझाती भाई तुम मत जाओ। तो बहुत ग्राहक जो थे वो मना नहीं लेते थे, लेकिन कुछ थुथु ग्राहक होते थे वो चले जाते थे लेने के लिए, बात समझ में आया। तो महिलाओं ने एक ही काम नहीं किया, बल्कि महिलाओं ने क्या किया, ताली के दुकान पर भी धरना दिया, विदेशी वस्त्र का भी ये बहिष्कार किया। आगे हम पढ़ेंगे हमारे बिहार में इसी समय में क्या होता है, एक स्वदेशी लीग या स्वदेशी संघ का स्थापना किया जाता है। आगे पढ़ेंगे अली हसन अली इमाम साहब इसके चेयरमैन होते हैं, उपाध्यक्ष होते हैं सिन्हा साहब। तो इस स्वदेशी लीग में भी या स्वदेशी संघ में भी हमारे बिहार की महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान होता है, और कौन कौन सा महिलाओं का आगे योगदान होता है, कौन कौन से गिरफ्तार होती है, कहाँ कहाँ, हम आगे चर्चा करते हैं। यहाँ ध्यान देना चीज और कि महिलाएं जब तारी की दुकान पर या कपड़े की दुकान पर जब धरना दे रही होती हैं, तो भाई बैठ के ये लोग बोर हो जाएंगी, करेंगी क्या ये लोग, तो कुछ वहाँ जो नवयुवतियाँ होती थी, महिलाएं होती थी या जो हल्की पढ़ी लिखी होती थी, अपने आस पास आपस में क्या करते थे, कुछ कुछ कहानियाँ सुना करके, कुछ घटनाओं का जिक्र करके, अपने आप को अपने आप अपना और सब लोग का समय काटने का प्रयास करती थी। उसी में यह कहा जाता था कि कौन सी महिलाएं आगे चल कल का रणनीति क्या होगा, वहाँ भी डिस्कस किया जाता था, सभा जो होती थी उस सभा में मीटिंग हुआ करता था कि महिलाएं आगे चल करके क्या काम करेंगी, ना समझ में आया। तो आगे की जो रणनीति देखते हैं कि देवघर से कौन सी महिला आई थी, पटना से कौन सी महिला आई थी, उन सब महिलाओं का जो प्लेटफॉर्म होता है, वो प्लेटफॉर्म यानी जो आधारभूत प्लेटफॉर्म होता है, वो हमारा यही दुकान वाला जब जिक्र करता है। जब सोचो कि तारी के दुकान पर कौन लोग जाएगा, पैसा वाला की पत्नी तो नहीं जाएगी, जो गरीब होते हैं, जो दलित होते हैं, जो पिछड़ा जाति के लोग होते हैं, तारी पीते हैं, जिसके पास पैसा होगा तो वो शराब पिएगा, तारी क्यों पिएगा। तो जो ये दलित महिलाएं होती थी या फिर जो पिछड़ी जाति की महिलाएं होती थी, इन्होंने भी क्या किया है, सविनय अवज्ञा आंदोलन में पार्टिसिपेशन किया है, लेकिन भारतीय इतिहास यह शब्द नहीं लिखता है कि वह दलित महिला थी या फिर वो सवर्ण महिला थी, क्योंकि किताब महिला की जाति का चर्चा नहीं करता, महिला का एक ही जाति होता है कि वो महिला है, पुरुष में तो पता होता है कि भाई दलित है, फिर महिला के लिए इतिहास जो हुआ या जो जो भी ग्रंथ होते हैं वो बस एक ही जाति की, महिला का जाति अलग होता है, धर्म अलग होता है, ये लिंग ही अलग होता है महिला, उसमें कोई जाति धर्म कोई ये गोत वोत कुछ उसमें नहीं होता है। इसीलिए भारतीय इतिहासकारों ने खाली महिलाओं शब्द का यूज किया है, बाकी दलित थोड़ी कोई यूज नहीं किया। तो आप भी क्या करना, आप भी महिला शब्द का यूज करिए, सभी से निकाल ध्यान रखना, कुछ अमीर कुछ सवर्ण लोग भी तो गरीब होते हैं जो तारी नहीं पीते हैं, इसीलिए लिखा गया कि सभी धर्म की महिलाएं और सभी जाति सभी मूल सभी वंश की महिलाओं ने क्या किया, सवर्ण वर्ग आंदोलन के समय में बिहार में तारी के दुकान के विदेशी वस्त्रों के दुकान पे क्या किया, धरना दिया। कुछ जो सम्राट घर की महिला, जैसे कि अली इमाम साहब की पत्नी उनकी बेटी, तो इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने जिस कॉलेज में वो पढ़ती थी, उनकी बेटी का नाम था सम्मी, जिन कॉलेज में वो पढ़ती थी उस कॉलेज के बच्चों को स्टैंड करके खड़े होकर वो रीडिंग करते थे कि तुम लोग मत पढ़ो, तुम लोग सरकार के इस कॉलेज का बहिष्कार करो, हम लोग खुद से कॉलेज खोलेंगे, हमारे नेता है वो कॉलेज खोलेंगे, आश्रम खुला हुआ था, सदाकत आश्रम था, विद्यापीठ था, वहाँ जाके हम पढ़ाई करेंगे, सरकारी सरकार के फर्ज जो चलता है वहाँ पढ़ाई बिल्कुल नहीं करेंगे। भाई स्वदेशी का मतलब यही ना होता है, उनको स्वदेशी अपनाना है, बात समझ में आया। आगे चले, दिमाग में सब चीज को कोशिश करना कि स्टोर हो जाए, ताकि दिक्कत नहीं होगा आपको आगे। अब यहाँ ध्यान देना कि अब इन महिलाओं में सॉरी इन जब धरना होता है तो जो अग्रणी महिलाएं होती हैं, क्या होता है, जो अग्रणी महिलाएं होती हैं, उन अग्रणी महिलाओं की क्या देखते हैं हम, अग्रणी महिलाओं की थोड़ी भूमिका देखने का हम प्रयास करते हैं, भूमिका क्या होता है। देखो हमने क्या कहा कि महिलाएं जो होती थी, जो भी विदेशी वस्त्र का दुकान होता था या फिर जो भी तारी का दुकान होता था, वहां पर के प्रतिरोध करती थी। इसी में कुछ महिलाएं क्या करती थी कि क्रांतिकारी गतिविधियों में भी भाग ली हुई हैं, क्रांतिकारी गतिविधि में भी भाग ली हुई हैं। उसमें सबसे पहला नाम आता है हमारे हसन इमाम की पत्नी, है ना, यहाँ ध्यान दीजिएगा, श्रीमती हसन इमाम, हसन इमाम। अब इनका कुछ नाम रहा होगा, लेकिन इनका नाम किताब में दर्ज नहीं कि क्या नाम, इसलिए नाम डाल दिया गया है श्रीमती हसन, मतलब हसन इमाम की पत्नी श्रीमती हो गई, ठीक। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, श्रीमती हसन इमाम और इनकी बेटी क्या था कि समी, यानी हसन इमाम की पत्नी और हसन इमाम की ये पुत्र थी। ये पूछा जाता है बीपीएससी में,
अगर आप ये बनाएंगे ना, क्या नाम है उनका, इम्तियाज की किताब बना के ऑब्जेक्टिव वाला, उसे पूछा गया, प्रैक्टिस दिया हुआ है कि हसन इमाम के पुत्री का क्या नाम था, बात समझ में, तो उनका नाम क्या था, शमी। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, कुछ महिलाओं का हम जिक्र करते हैं, उन महिलाओं ने क्या क्या काम किया था, उन महिलाओं को हम क्या करेंगे आगे पढ़ने का प्रयास करेंगे। देखो सबसे पहला नाम आता है, लिख लो लिखवाते हसन, श्रीमती हसन इमाम, मोहम्मद शमी, विंध्यवासिनी देवी, विंध्यवासिनी देवी, सीसी दास, कौमा सीसी दास की पुत्री गौरी दास, इसी को गौरी देवी कहते हैं, दोनों एक ही नाम है, गौरी दास या गौरी देवी, श्रीमती नंद किशोर लाल, श्रीमती नंद किशोर लाल, कमल कामिनी, कमल कामिनी, ठीक है। देखो इन महिलाओं ने क्या किया था, इन महिलाओं ने जो हम नाम लिखवाए हैं, इनका सबसे महत्वपूर्ण योगदान क्या था, कि यह क्या किया था कि सड़कों पर जुलूस निकाली थी, कौन से सड़कों पर, तो पटना की सड़कों पर, ये जितने भी महिलाएं थी वो सब महिलाओं का संबंध कहाँ था, तो पटना से रखती थी। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा कि यह महिला कुछ महिला दुकान पर बैठी हुई थी, अब क्या था कि ये जो भी महिला नाम लिखवाए हैं, हसन इमाम, समी, विंध्यवासिनी देवी, कमल कमल कामनी, ये सब महिलाएं ग्रुप में झंडा लेकर के कंधे पर ऐसे रख करके, देखिएगा बहुत अच्छा, गूगल पर शायद नहीं मिलेगा आपको, लेकिन बताते कि कंधे पर झंडा, सारी महिला क्या करती थी, सफेद साड़ी पहन करके कंधे पर झंडा रख करके वो जुलूस निकालती थी, भारत माता की जय, भारत जय बोलती थी, और जहां जहां महिला बैठी हुई होती थी उनको बताती थी, जो गरीब महिलाओं को, कि भाई सबने अवज्ञा का मतलब क्या है और हम इस आंदोलन को क्यों कर रहे हैं, बात समझ में आया। तो सड़कों पर जुलूस निकाल करके इन्होंने क्या किया, इन महिलाओं ने दो महत्वपूर्ण काम किए, पहला महत्वपूर्ण काम किया कि तारी दुकानों को नष्ट करने का काम किया, और दूसरा काम क्या किया, जो विदेशी वस्त्र था उसको बहिष्कार करने का काम किया। यहाँ ध्यान देना कि जो महिलाएं बैठी थी वो तो परेशान नहीं किया लोगों को, लेकिन ये जो महिलाएं थी, चूंकि देखो ये जो भी नाम लिखवाए हैं सब समझो कि पैसा वाला नवाब के परिवार से ताल्लुक रखती थी, सब लोग पैसे वाले थे सब लोग, है ना, तो इनसे पुलिस भी इनको जल्दी हाथ नहीं लगाता था, अभी भी देख रहे हो कि नहीं लगाते हैं लोग, तो ये लोग क्या करते थे, ढेला लाठी से ताली का दुकान पर ताइयों को फोड़ते थे, बेचने वाले को भी फोड़ते थे, कपड़ा का दुकान पर शटर बंद करवाना, दुकान बंद करवाना, उसको हरकाना, भाई व्यापारी तो अपने ही लोग होंगे ना, बाहर के लोग तो आएंगे नहीं, जो समझा तो ठीक है, नहीं तो क्या करता था उसको, उस पर अपना बल प्रयोग भी करती थी। तो इन सब को समझाने के लिए सरकार ने क्या किया, पटना सरकार ने क्या किया, पटना में ही एक नहीं होता कि माइक से अनाउंस करना, सबका नाम ले लेकर के बोला कि कृपया आप लोग अपने घर में रहें, जनता को न उकसाए, जनता को न उकसाए। तो यह जब अनाउंसमेंट होना शुरू हो गया, फिर भी इन सारी महिलाओं पर कोई असर नहीं पड़ा। इसी बीच में क्या हुआ, समी जी जो थी वह निकल करके कहाँ जाती है, पटना कॉलेज में पढ़ाई करती थी, तो पटना कॉलेज में जाकर के वहाँ के बच्चों को यह समझाती है, छात्र को, छात्राओं को, कि भाई व्हाट इज सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट एंड हम इसको क्यों कर रहे हैं, और आप लोग हमको क्या करें, मदद करें। बात समझ में आया, तो आपसे पूछा जाता है कि इन निम्नलिखित में कुछ महिला का नाम नहीं देगा, पूछेगा किस महिला में विद्यार्थियों का नेतृत्व किसने किया था, उस देगा आपसे, तो विद्यार्थियों का नेतृत्व किसने किया था, तो ये समी साहब ने, है ना, ये बेटी थी उनकी, है ना, मोहम्मद समी ने। अब यहाँ ध्यान देना, अब क्या होता है कि जब इन लोगों पर अनाउंसमेंट कर दिया जाता है, फिर भी यह लोग क्या करते हैं, फिर भी यह लोग अपना काम को पूरा करते हैं। अंत में सरकार क्या करती है, अंत में सरकार के पास कुछ ऑप्शन नहीं बचता है, तो इन पर क्या लगाया जाता है, आर्थिक जुर्माना लगाया जाता है, आर्थिक क्या लगाया जाता है, जुर्माना, कि अगर आप नहीं मानिएगा तो हम आप पर क्या करेंगे, आर्थिक जुर्माना लगाएंगे आप पर, हम काम ये करेंगे, आप पैसा फाइन देना पड़ेगा। तो इसमें ये इमाम साहब की जो पत्नी होती थी वो बोलती है कि जो तुम कुछ भी कर लो, ना तो हमारा जुलूस रुकेगा और ना ही हम आर्थिक जुर्माना देंगे, हम दंड किसी प्रकार का नहीं देंगे, तुमको जो करना है कर लो, हम खड़े हैं यहाँ सब। अंत में क्या होता है, अंत में इन्हीं की जीत होती है, ना तो जुर्माना देती है, ना जुलूस रुकता है, जुलूस क्या होता है, आगे बढ़ता चला जाता है। भाई इतना बड़ा गांधी को गिरफ्तार कर लिया, इसके साथ में और नेता से गिरफ्तार किया गया हुआ है, तो नेतृत्व नेता तो कोई है नहीं, तो कोई ना कोई नेतृत्व करेगा, नेतृत्व करेगा जिसके पास बुद्धि होगा, विवेक होगा, जो समझेगा वही ना नेतृत्व करेगा। बात समझ में आया, महिला को समझ में आया आप लोगों को। अब यहाँ पर ध्यान देना कि यह केवल पटना की बात नहीं है कि महिलाओं ने चर्चा किया या हल्ला किया था, बल्कि पटना से बाहर भी बहुत सारी महिलाएं ऐसी थी जिन्होंने अपने अपने स्तर से क्या किया है, सबने अवज्ञा आंदोलन में रोल प्ले किया है, ठीक है। उसी में से कुछ और महिला हम देखिएगा, तो एक बहुत अच्छा नाम आता है,
हजारीबाग का नाम सुने हैं आप लोग? देखिएगा, अभी सब अभी तो झारखंड में चला गया, तो हजारीबाग क्या कि एक आदिवासी क्षेत्र है, अभी भी वहां पर आदिवासी लोग रहते हैं। तो आदिवासी में इस क्षेत्र में दो महिलाएं थी, वो दो महिलाओं का नाम बहुत ही सम्मान से लिया जाता है। मान समझ में आया? देखो पहला नाम है सरस्वती देवी, सरस्वती देवी, और दूसरा नाम है साधना देवी। देखो यह दो नाम क्यों महत्वपूर्ण है, एक चीज जान लीजिए कि यह संभवतः पूरे भारतवर्ष में पहली दो महिलाएं थी। ध्यान रखो रखना कि सरस्वती देवी और साधना देवी क्या थी, पूरे अखिल भारतीय स्तर पर यानी राज्य जो भी क्या था, तो मतलब पहली दो महिलाएं हुई जिन पर कैसा केस लगा था, इन पर राजनीतिक अभियोग का केस लगा था। अभियोग का क्या लगा था, केस चला था। यह दो नाम काफी महत्वपूर्ण है, याद रखना। राजनीतिक अभियोग का यह मतलब होता है बालक बालिका लोग जैसे हम लोग करते हैं ना देशद्रोह, कितना बड़ा केस होता है ना, उसी उस समय में क्या होता था, उस समय में इसी देशद्रोह को कहा जाता था राजनीतिक अभियोग। आज तक सुने हो आजादी के बाद से कि किसी भी महिला पर राजद्रोह का या देशद्रोह का केस लगा नहीं सुने होगा? सोचो कि मतलब इतना क्या काम की होगी। अब कल्पना कर सकते हो कि अंग्रेजी सरकार ने जब इन दो महिलाओं पर राजनीतिक अभियोग का केस लगा दिया, आप समझ लो कि यह कितना बड़ा काम किया है, कल्पना नहीं कर सकते हैं। यानी सरकार के नाक में दम, एक मुहावरा होता है ना, नाक में दम करके रखी हुई थी ये महिलाएं, इसीलिए इन दो महिलाओं को बहुत अच्छा से नाम लिया जाता है। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि आजाद होने के 75 साल बाद भी न तो हमारे केंद्र सरकार, न तो झारखंड का सरकार, न तो बिहार का सरकार, इनके नाम से हजारीबाग में ना तो कोई अस्पताल है, ना तो सड़क है, ना तो कोई स्मारक बनाया हुआ है। यानी घटना हो गई, इनको भी सरकार ने क्या किया, भुला दिया। ऐसे ही चलता है, इसी को बोलते हैं राजनीति, है ना। जब तक आप जिंदा है तभी तक आपका नाम है, मरने के बाद कोई नहीं देखने वाला है। ठीक, आगे चले। ये काफी महत्वपूर्ण है, पूछा जाता है कि किसी को कुछ पूछना है, माइक की हड़बड़ाहट हो रही है, किसी को पूछना है तो पूछे तो नहीं सर, नहीं पूछना। हेलो, हाँ बताएं। जी सर, दरभंगा गया चंपारण लिखवाए, वहां से महिलाओं का नाम बता दीजिए सर। सबका नाम जानिएगा नहीं, जहाँ जरूरत हो सर आपके अनुसार। हाँ, हमके अनुसार तो कोई जरूरत नहीं, तो बेकार नाम बता रहे हैं इतना नहीं। अभी कौन जो रहा है ये बताएं, 7 बजे सुषमा जुड़ी हो? लोग अनुशासन हिंता से पढ़ाई करती हो, है ना, बाप लगेगा जो बच्चा लेट से जुड़ता है उसको, है ना। बोला सर आप भी तो लेट से पढ़ाते हैं, कभी आपको भी बाप लगेगा तो लगबे करता है ना बाप। देखो नहीं सर, कौन है साथ में जुड़े, सुषमा बोल रही है सर। आपकी बात नहीं, अभी कुछ कोई बोला है ना, आवाज आया है, हम सुनाई देता है नहीं ना? सर यही 5-10 मिनट लेट जुड़ी है। गर्व होता है ना बोलने में, ये बात कितना गर्व की अनुभूति होती है, तो समय पे जुड़ जाया कीजिए। देखो ये तो हमारे हजारीबाग का नाम हो गया। देखो ये सब नाम याद रखना, खासकर जो फीमेल कैंडिडेट है उस नाम को याद रखो, बहुत बढ़िया चीज है ये सब लिखने में, आंसर राइटिंग में, बोलने में, समझाने में। तो अपना कम से कम बोलोगे ना, जो हाँ आप जिस घर में आपकी शादी ब्याह होगा तो बोलिएगा ना देवरानी को, जेठानी को, देखिए तुम महिला इतना काम करती है, आप भी किचन का काम कीजिए, है ना। कुछ ना कुछ तो एग्जाम्पल होना चाहिए आपके पास में। अब यहाँ पर देखो, अब हम सीधे आते हैं एक और हमारे पास में जब भी जिला हो गया हुआ है, गिरिडीह। देखो यहाँ समझना सारी बातें कि यह दोनों जो इलाका होता है, जो भी नाम है, सब कौन सा इलाका है, ट्राइबल इलाका है। तो जब आप लोग, अगर आप लोग बीपीएससी का मेंस कभी दिए होइएगा, या आपने बीपीएससी मेंस का एक टॉपिक पढ़ा होगा बिरसा मुंडा, है ना, तो पता नहीं आपके पास कौन सी किताब है मेंस का, हमने जो किताब लिखा उसमें मेंशन किया हुआ है कि यहाँ की आदिवासी महिलाएं इतना खतरनाक होती थी, खतरनाक इस मायने में होती थी सुषमा, कि अगर इनको कोई दूसरा पुरुष देख लेता था तो इनके कमर में ना हसिया, देखती हो हसिया, ऐसे होता है, ऐसे होता है, ऐसे नहीं हसिया, इसी को हसिया बोलते हैं, ऐसे हसिया रखती थी, और हसिया से क्या करता था, सबको गर्दने देते देती थी। इसका एक घटना था कि जब बिरसा मुंडा आंदोलन, नहीं बिरसा में नहीं, सॉरी संथाल विद्रोह में, जब संथाल संथाली लोग भागलपुर के क्षेत्र में हल्ला कर रहे थे, आंदोलन कर रहे थे, तो संथाल की कुछ महिलाएं जो थी वह देवघर में, वहां जो अंग्रेज अधिकारी थे वह पार्टी कर रहे थे, नहीं होता कि पुल पार्टी या बियर जो भी पार्टी कर रहे होंगे, महिला भी थी पुरुष भी थी। सोचो कि इनको नहीं होता कि तनको दया नहीं आया कि महिला है कि पुरुष है कि बच्चा है, वहां की महिलाओं ने सब अंग्रेज को गला रेत के खत्म कर दिया, सीधे गला पचाक से, ऐसे गन्ना को काटता था, गन्ना को काट के मार देता था। तो यही सब घटना के कारण ना
इन दोनों पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज किया गया है ना। यानी आदिवासी महिलाओं में क्या होता है कि अपने स्वाभिमान के साथ वो कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकती, और होना भी चाहिए कि जहां बात इज्जत की आ जाए, जहां स्वाभिमान की बात आ जाए, तो देश के मतलब देश तो छोड़ो, परिवार को लोग छोड़ देता है ना। चलो देखो आगे बढ़ते हैं। अब देखो अब हम गृह में आते हैं, हम बस इसलिए आपको बता रहे हैं ताकि आपको ना वहां पहुंच, अब सोचो कि दिमाग को वहां लेके जाओ 1913 में कि वहां कैसे लड़ाई की होगी महिला लोग। जब हम बोल रहे हैं कि सीता गर्दन मारता है, पेट में तो छोड़ो, पेट में पेट में उसे भाला घूमता था संथाली सब, जो मेल था वो महिला थी, गर्दन खत्म करती थी, है ना। तो अब देखो कि ये दो महिला का नाम हो गया। अब जो गिरिडीह में था, गिरिडीह में सबसे लड़ाकू जो महिला थी, उस महिला का नाम था मीरा देवी, है ना। नाम तो बड़ा प्यारा है मीरा देवी, लेकिन बहुत खतरनाक महिला ये भी थी, है ना। इन्होंने भी क्या किया था, सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय में गिरिडीह में जितने भी आदिवासी महिलाएं होती थी वहां पर क्या किया था, विदेशी वस्त्र का बहिष्कार किया था। उनके पास जब पहनने को वस्त्र नहीं हुआ था तो वो लोग केला का, देखिएगा केला के पेड़ को ना जब छुड़ाइएगा तो गोल गोल छाल निकलेगा, तो केला के छाल को सुखा करके सूत बना के कुछ कपड़ा बदन में लपेटती थी, पत्ता से बदन को ढकती थी। यानी विदेशी वस्त्र का कोई भी जो उसका ये कोई भी उसका सामान था ना वो यूज नहीं करती थी वो महिलाएं। सोचो कि कितना स्वाभिमानी थी ये लोग। तो इसलिए इनका क्या किया जाता है, इतिहास में लोगों का थोड़ा बहुत नाम चर्चा किया जाता है ना। फिर देखिए गया, गया में पता तो मनु गया में कौन महिला थी, मनु के घर की है ये, इनको तो पता होगा, जान रहे हो? नहीं पता सर। देखो इनका नाम है चंद्रावती देवी सर, विद्यापति देवी। चंद्रावती ये जो दो महिलाएं थी, विद्यापति और चंद्रावती, है ना, इन दोनों महिलाओं ने क्या किया था, बहुत ही ज्यादा विद्रोह किया था अंग्रेजों के खिलाफ। किस आंदोलन में? सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय में। ना समझ में आया? फिर देखिए अब आते हैं लखीसराय। लखीसराय के कोई बालक बालिका है क्लास में? देखो लखीसराय में क्या था, एक और महिला थी, उनका भी नाम था विद्यावती देवी। अब कंफ्यूज मत होना कि दोनों एक ही है, एक ही नाम का दो दो होता है ना, तो दोनों अलग अलग थे। तो लखीसराय में जो थी विद्यावती देवी थी। अब यहाँ ध्यान देना, यह जो विद्यावती चंद्रावती देवी थी यह दलित समुदाय की थी, है ना, और यह जो विद्यावती देवी थी लखीसराय देवी जाएगी तो वहाँ भूमिहार जाति बहुत मिलता, भूमिहार को शायद आपको जानते होइएगा। विद्यावती है या विद्यापति? क्या होगा, विद्यावती है या विद्यापति? विद्यावती, हमने पति लिख दिया है, विद्यावती लिखिए। तो ये जो विद्यावती देवी थी यह सवर्ण थी, भूमिहार जाति की थी, है ना, दोनों से नाम सेम ही है, बाकी इनका ही अलग है। तो इन लोगों ने क्या किया था, इन लोगों ने देखो लखीसराय में क्या था, लखीसराय में गया में देखो ये लोग क्या था कि सब लोग समझो क्या कि बहिष्कार तो करवे किया। इन लोगों ने क्या किया, खास करके लखीसराय में और गया में दो जिलों में, इन दोनों जिलों में चौकीदारी कर बिल्कुल नहीं दिया, बोला कि जाओ तुमको जो करना है हमको कर लो, देख संभाल लेंगे। यानी गया में चंद्रावती विद्यावती देवी जहाँ जहाँ मेला लगता था, या वहाँ देखिएगा हर शहर में या गांव में ना एक स्पेसिफिक डे में बाजार लगता है, हाट लगता है, वहाँ वहाँ महिलाएं जाती थी और बोलती थी कि चौकीदार का हमको टैक्स नहीं देना है, चौकीदारी टैक्स को क्या करना है, खत्म करना है, सरकार का नमक नहीं खाना है, खुद से नमक बनाना है, चाहे जो भी चीजें जो भी इनके नेता लोग इनको बोलते थे आगे या क्या करती थी, प्रेषित करती थी लोगों को, है ना। सेम काम वही लखीसराय की महिलाएं करती थी। हमारा बात समझ में आया, आगे चले। देखो यहाँ पर एक और महिला का नाम आता है, वो भी इनकी सखी थी, उनका नाम है सेवा देवी। अब देखो तो अब क्या होता कि जब मेला में जाती थी तो एक हाट में विद्यावती देवी चली जाती थी, दूसरे हाट में सेवा देवी जाती थी। यहाँ ध्यान रखना साथ ही साथ नहीं जाता था दोनों, क्योंकि साथ साथ अगर जाता तो आंदोलन का प्रसार सीमित होता, उसका एक्सपेंशन नहीं हो पाता, इसीलिए बोलती सखी कि तुम उस रास्ते जाओ और सखी हम इस रास्ते जाएंगे। यानी इससे क्या होगा, हम और अधिक लोगों को जोड़ लेंगे और हमारा आंदोलन क्या होता चला जाएगा, धीरे 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 फैलता चला जाएगा। समझ में आया? सोचो कि कितना रणनीति से इन्होंने काम किया था। आगे चले, मुंगेर से कोई है इसमें? मनु इसका नाम याद रखना है, तुमको इंटरव्यू में उतरता है पूछते है ना, पूछता रहता है। अब देखो अब हम आते हैं कौन सा जिला में, मुंगेर में। अब यहाँ ध्यान दीजिए कि मुंगेर, अब हर महिला, अब हर जिला का तो नाम नहीं बता सकते हैं, ना किताब में लिखा हुआ उतना और ना ही
हर महिला का नाम पढ़ना उतना महत्वपूर्ण है, लेकिन जो महत्वपूर्ण चीजें हैं उन महत्वपूर्ण चीजों को हम लोग जानने का प्रयास करते हैं, ठीक है। अब देखो मुंगेर में क्या है, मुंगेर की जो महिला थी इनका नाम किताब में दर्ज नहीं, का कुछ नाम तो होगा लेकिन किताब में दर्ज नहीं है। सीधे लिखा गया क्या है कि मुंगेर में जो शाह मोहम्मद जुबैर साहब थे, मुंगेर के जो शाह मोहम्मद जुबैर साहब थे इनकी जो धर्म पत्नी थी है ना, उनका नाम नहीं पता कि हुआती जी उनका नाम, चूंकि किताब में भी नहीं मेंशन किया गया हुआ है, अब हमको भी नहीं पता कि उनका क्या नाम, गए नहीं उनके यहाँ, जाते तो शायद पता हो जाता। तो शाह मोहम्मद जुबैर की जो धर्म पत्नी थी इनको किताब में लिखता है सीधे मोहम्मद जुबैर की पत्नी, हो गया। अब क्या कि चूंकि भागलपुर में देखिएगा मुस्लिम की संख्या ठीक ठाक संख्या में, और सम्राट जो नवाब परिवार के लोग हैं ना, भागलपुर मुंगेर का इलाका है ना, देख रही हो मीर कासिम का जमाना था वो सब है ना, तो वहाँ अच्छे से पैसे वाले लोग सब मुस्लिम हैं अभी भी। तो अब क्या हुआ कि मुंगेर की जो यह महिला ये थी, इनकी पत्नी, सोचो कि अपना घर छोड़, ये घर में बोलते हैं हाँ, घर का जो पर्दा होता है उसको छोड़ दिया, यानी बुरका को खोल करके खुले बाजार में या खुले मार्केट में जा करके भाषण दी, अपनी महिला जो भी महिलाएं होती थी मुस्लिम महिलाएं होती थी उनको घर घर नॉक करती थी कि इस्लाम वालेकुम, इस्लाम वालेकुम, जो भी इनको आगे बोलना होता था कि आप हमसे जुड़िए। सोचो कि उस जमाने में एक महिला अपना जब बुरका उतार करके अगर जा रही है बताने के लिए, ये कोई आम बात नहीं था, यानी सैल्यूट करना चाहिए इस महिला के सब, ये क्या नाम है, महिला के जज्बात को, जज्बे को। यहाँ ध्यान देना, पटना में मोहम्मद शमी या शमी मोहम्मद की साहब जो पत्नी थी ना, वो हमेशा बुरके में ही गई पार्टिसिपेशन करने के लिए। किताब में मेंशन किया गया हुआ है कि एकमात्र महिला शाह मोहम्मद जुबैर थी जो सबसे पहले बुरका को, बुरका समझ में आता ना जो काला लिबास पहनती है, वो बुरका को उतार करके वह जाती है महिला को क्या करने के लिए, आह्वान करने के लिए कि आए आप हमारे आंदोलन में शरीक हो, ना समझ में आया। हालांकि जब देश, ये देश में आजाद हुआ और क्या नाम है ये बिहार के कुछ मुख्यमंत्री जब हुए हमारे, तो लोगों को पता चला, तो मेरे ख्याल से कृष्ण सिंह साहब के जमाने में ना मोहम्मद जुबैर के नाम से भारत में कुछ पार्क भी बना हुआ है, कुछ रोड भी बना हुआ है ना। आगे चलें, तो इन सब महिला को क्या करना, तुम सब नाम याद रखना। अब यहाँ ध्यान देना कि जब से इनकी पत्नी घर से बाहर निकली तो जो मोहम्मद जुबैर साहब का, चूंकि तो इनका नाम तो पहले भी पड़े है ना, पॉलिटिक्स में काफी इन्वॉल्व थे, तो इनके घर वाले चूंकि ये काफी मतलब परंपरागत परिवार से ताल्लुक रखते थे, तो इनके घर वाले इनको बहुत बोला कि भाई तुम्हारी पत्नी है उसको कंट्रोल करो, क्यों ऐसे जा रहा है। तो इन्होंने कहा कि हम क्रांतिकारी हैं तो हमारी पत्नी भी क्या होगी, वो भी क्रांतिकारी है। तो एक क्रांतिकारी का धर्म होता है, क्रांतिकारी का फर्ज होता है कि उस नाकाम को हटा करके जनता को जोड़े, किसमें, क्रांति में, देश की आजादी में, देश की क्रांतिकारी गतिविधियां में। तो जब हम कर सकते हैं तो महिला क्यों नहीं कर सकती, उसके पास भी तो फीलिंग्स, वो भी तो जुड़ना चाहती है, वो भी तो देश के लिए कुछ करना चाहती है, तो हम क्यों उनको रोके। सोचो कि कितना बड़ा थॉट था उनका उस जमाने में, बात समझ में आए। तो इन कुछ महिलाओं का नाम क्या करना आप याद रखना, और इन महिलाओं का जब भी जहां तुमको मौका मिले महिला का नाम डाल दो, काफी अच्छा नंबर मिलेगा, प्रभाव भी आपका काफी अच्छा होगा, है ना। आगे चलें, यहां तक किसी को कोई दिक्कत, समझ में सब आ गया है। पढ़ाई का मतलब खाली ज्ञान नहीं बटोरना होता है, बल्कि अंदर का डर खत्म करो बोलने का, ठीक है। चलो देखो, अब यहाँ ध्यान देना सारे बच्चे, माइक बंद कर लिए, थोड़ा आगे हम बढ़ते हैं। जब क्या हुआ कि जब शाह मोहम्मद जुबैर साहब का, शाह मोहम्मद जुबैर साहब की पत्नी जो थी वह बुरके से बाहर निकल कर सब लोग को आवेदन करने चली गई, तो देखिएगा अगर आपका बिहार का नक्शा होगा ना, तो देखिएगा भागलपुर और मुंगेर बिल्कुल पास पास में, नक्शा है ना आपके पास में, तो देखिएगा पहले आपका मुंगेर पड़ता है फिर बाद में भागलपुर पड़ता है। तो जब शाह मोहम्मद जुबैर साहब की पत्नी बाहर में आंदोलन कर रही थी, यानी मुंगेर के सड़कों पर लोगों को एकत्रित कर रही थी, उस समय में हमारे जो राजेंद्र प्रसाद साहब थे, वह राजेंद्र प्रसाद भागलपुर में एक मीटिंग कर रहे थे, बात समझ में आया। तो जब उनको यह बात पता चला कि भाई मोहम्मद जुबैर से बहुत बड़ा नाम था मोहम्मद जुबैर साहब का, बल्कि ये पता था ना कि किस इंसान के सरकार में भी थी, उनका मदद भी किया था, तो इनकी जब इनको पता चला तो वो मीटिंग छोड़ करके, मतलब मीटिंग कम्प्लीट करने से पहले ही वो आना चाह रहे थे किन से, मोहम्मद जुबैर से, उनकी पत्नी से मिलने के लिए। तो बीच में क्या हुआ, अंग्रेज वाला सब उनको पकड़ लिया और उनको लाठी से मारा। हालांकि उनको थोड़ा कम चोट लगा, लेकिन उनके साथ जो उनके अनुयायी आ रहे थे उनको बहुत ज्यादा गंभीर चोट लगा था, बात समझ में आया। और यहाँ ध्यान दीजिएगा, आपसे पूछा जा सकता है कि राजेंद्र प्रसाद भागलपुर में उस समय क्या कर रहे थे, तो बताओ, तो दिमाग लगाइए, तो दिलीप राजेंद्र साहब का किससे ज्यादा प्रेम था इस आंदोलन के समय में, दिमाग लगाओ किससे प्रेम था, तो क्या बोले, दीप नारायण सर, दीप नारायण सिंह। आप लव में क्यों चले गए हैं भाई, चौकीदारी, चौकीदारी कर, चौकीदारी कर, ठीक है ठीक है।
तो इंद्र प्रसाद साहब क्या कर रहे थे, भागलपुर में चौकीदारी कर का बहिष्कार करने के लिए क्या कर रहे थे, एक सभा का आयोजन कर रहे थे, उसी को छोड़कर यहाँ पर आना चाहते। देखो क्वेश्चन कहीं से बनता नहीं, क्वेश्चन इसी कहानी से निकलेगा, बस आप लोग कहानी समझो अच्छे से, क्वेश्चन नहीं छूटेगा आप लोगों का। तो जब इनको हल्की फुल्की चोटें आई, हालांकि इनको पूरा सब लोगों ने घेर लिया इनके अनुवाई ने, बाकी सब लोग अपना पीठ पर मार खाया, उनका जो अनुवाई लोग सब थे उन लोगों को काफी घना चोट आया। तो बाद में क्या होता है कि बाद में इनसे मुलाकात होती है, इनका शुक्रगुजार करते हैं कौन, राजेंद्र प्रसाद साहब की, इतिहास आपके नाम को याद रखेगा, है ना। तो वास्तव में जब राष्ट्रपति बनते हैं राजेंद्र प्रसाद साहब ना, तो भागलपुर जाते हैं तो इनके नाम पर वहाँ सड़क बताए सड़क पार्क सब बनता है, बनाते हैं, है ना। लेकिन यही दिक्कत हुआ इनको क्या ना, कि राजेंद्र प्रसाद साहब ने बिहार की वैसी असंख्य महिलाओं का नाम भुला दिया, ये क्या भुलाएंगे भाई, इतिहास भुला दिया है ना। अभी देखती हो ना, थाना में अगर केस होता है तो पूरा महिला का नाम लिखा जाता है, जो जुड़ी है वो भी, जो नहीं जुड़ी है वो भी। तो वही हिसाब किताब उस समय में भी था, यानी जब हमारे तारी के दुकान पर यहाँ की महिलाएं इकट्ठा होती थी तो अंग्रेज के पास क्या था, रजिस्टर हुआ करता था, एक एक महिला का नाम, उसका जन्म तिथि, उसका स्थान, पति का नाम, सब उस केस में दर्ज है। लेकिन हमारे इतिहास लिखने वाले ने थोड़ा बेईमानी कर दिया, सबको क्या हमने बोला है ना कि इतिहास में सब महिला को नाम या सम्मान नहीं दिया गया। और वास्तव में इसके दो कारण थे, एक तो क्या कि इतिहासकर्ताओं ने उतना अनुसंधान नहीं किया, और अगर सबका नाम मेंशन करता तो इतिहास की किताब, इतिहास हमारा क्या हो जाता, बहुत मोटा हो जाता। तो हो सकता है कि आने वाले समय में उस इतिहास का कोई अस्तित्व न रहता, भाई मोटा इतिहास कौन पढ़ना चाहेगा। तो इसीलिए इतिहासकर्ताओं ने उन्हीं महिलाओं का नाम क्या किया, आगे किया या आगे के पन्नों पर लिखा कि जो महिलाएं समाज में प्रतिष्ठित थी, समाज में ऊंचे वर्ग से ताल्लुक रखती थी, और समाज में उनका थोड़ा बहुत राजनीतिक एक्टिविटी था, यह ध्यान रखना हमेशा। अभी भी देखोगे ना, अभी भी कितना दलित, कितना पिछड़ा जाति के लोग सब राजनीति में है, और कितना सवर्ण महिला राजनीति में, सब उनके पास पॉलिटिकल बैकग्राउंड है, वही ना पॉलिटिक्स में है, वही स्थिति आज से 50 साल 100 साल पहले हुआ करती थी, बात समझ में आया। तो देखो ये सारा का सारा जितना भी घटना हो रहा है, इस घटना का जड़ क्या है, गांधी बाबा का, है ना। अब देखो मोटा मोटी इतना ही हम लोगों से पूछा जाता है सवर्ण महिला आंदोलन में, कि अब उसमें क्या होता है, मामला खत्म हो जाता है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, इसी बीच में क्या होता है कि जब चौकीदारी कर का वहाँ हल्ला गुल्ला होता है, और इधर क्या होता है हमारे पटना में, बताया ना कि वहाँ की जो स्थानीय महिलाएं थी वह क्या करती हैं, विदेशी वस्त्र के बहिष्कार में लग जाती हैं। बात समझ में आया कि हमको दुकान पर धरना देना है और विदेशी वस्त्र का क्या करना है, बहिष्कार करना है, ठीक है। तो मई महीने में ही, मई 1930 ईस्वी में हमारे बिहार में क्या होता है, एक लीग का गठन किया जाता है, है ना। उस लीग का नाम क्या होता है, स्वदेशी लीग, या इसी को कहते हैं स्वदेशी संघ, दोनों एक ही नाम है, यह काफी महत्वपूर्ण। देखो अब स्वदेशी संघ क्या होता है, तो स्वदेशी संघ क्या होता है कि एक प्रकार का समूह होता है जिसमें सभी प्रकार की महिलाओं को, पुरुषों को बुलाया जाता है, और उनको कताई का, बुनाई का, कताई बुनाई समझते हो, जैसे सूत काटना हो गया, उसके बाद सूत से बुनाई करना, कपड़ा बनाना हो गया, यानी आपको किस पर काम करना है, जो भी वस्तु होती है सब पर को स्वदेशी बनाना है, है ना। तो अब क्या होता है, स्वदेशी संघ की जो स्थापना होती है, इस स्वदेशी संघ के जो अध्यक्ष होते हैं, यहाँ ध्यान रखना, इसके जो अध्यक्ष होते हैं क्या होते हैं, उपाध्यक्ष कौन कौन होते हैं, किसी को है पता, सर? सर अली इमाम अध्यक्ष, अली इमाम अध्यक्ष सर। इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो होते हैं सर अली इमाम, है ना। उपाध्यक्ष कौन होते हैं, सचिदानंद सिंह या सिन्हा, जो भी उनको नाम कह लो आप, उनको दोनों में से एक ही नाम होता है। अच्छा अब ये बताएं, इसके उप सचिव कौन होते हैं, हसन इमाम। देखो यह बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण संघ है, हमसे पूछा जाता है, ठीक है। और मुख्य सचिव बंदेश है, तनका सा गड़बड़ हो रहे हैं आप, गड़बड़ा गया नहीं। देखो यानी इस तीन का नाम तो तुमको लगभग हर किताब में मोटा मोटी मिल जाता है, मुख्य सचिव का नाम अगर पूछ देगा तो आदमी गड़बड़ा जाएगा, है ना। देखो इसके मुख्य सचिव कौन होते हैं, के बी दत्त। अब देखो यह जो किताब हमने अभी शर्मा जी पूछे हैं ना, देखो ये डॉक्टर के दत्त का लिखा गया किताब है, इसी के पिताजी होते हैं के बी दत्त, आई बात समझ में, काफी विद्वान हैं ये लोग, बहुत पढ़े लिखे लोग होते हैं। अब देखो तो स्वदेशी लीग का जो स्थापना किया जाता है, इसका यहाँ याद कर लेना सारे बच्चे, है ना।
अध्यक्ष जो होते हैं सर अली इमाम, उपाध्यक्ष होते हैं सचिदानंद सिंह या सिन्हा, जो भी कह लो, दोनों किसी किसी किताब में सिंह है, किसी किसी में सिन्हा लिखा गया हुआ है। मुख्य सचिव कौन है? हसन इमाम। मुख्य सचिव कौन है? केवी दत्त। यानी यह हमारे बिहार का पहला ऐसा संघ होता है जिसमें क्या होता है कि दो बड़े पदों पर मुस्लिम और दो बड़े पदों पर क्या होता है हिंदू, बिल्कुल समानांतर, समझ रहे हो ना? यानी क्या कि यहाँ पर हिंदू और मुस्लिम का जो अध्यक्षीय अनुपात होता है या प्रशासनिक अनुपात होता है वो बिल्कुल क्या होता है, बराबर होता है। सर बलदेव साहब क्या थे सर इसमें? तो हम गड़बड़ा गए सर। बलदेव साहब क्या थे? आगे चलते हैं, है ना? बलदेव साहब इसमें नहीं, यहाँ भूल जाए, यहाँ भूल जाइए, आगे हम जो चर्चा करते हैं कि क्या थे, है ना? आगे चलें। देखिए जैसे इनका थोड़ा सा बेचैनी हो रहा है, किनका? दिलीप साहब का, कि मतलब क्या करें। देखिए बताएं कि बलदेव साहब नाम था इसमें, तो आपको किसमें से लग रहा है बताएं दिलीप? आप हल्का जान रहे हैं, किसमें मेंशन करते हैं बताएं, आप ही बताएं, उसी में हम डाल देते हैं। सचिव थे, मुख्य सचिव थे, कौन सचिव थे सर नहीं समझ पा रहे, लेकिन थे सचिव साहब। हाँ सर। देखिए उप सचिव ना हसन इमाम भी थे और बलदेव सहाय थे। हाँ। हो गया दूर, है ना? जी जी सर। आगे बढ़े। हाँ। ये सब लिखना, ये सब काफी महत्वपूर्ण है। ठीक, अब देखो अब हमारा क्या होता है, सारे बच्चे समझ लो कि जो हमारे यहाँ स्वदेशी, क्या नाम है, स्वदेशी लीग होने के स्थापना होने के बाद में इसकी शाखाएं जो होती हैं बिहार के प्रत्येक जिले में, सॉरी प्रत्येक प्रांत में खोली जाती हैं, ताकि लोग क्या हो, इनसे जुड़े और लोग अपना स्वदेशी का भाग ले। अब यहाँ ध्यान देना, अब यहाँ पर अभी तक जो घटना हमने घटी घटित हुआ ना स्वदेशी लीग का, यहाँ स्थापना होने के पहले जो भी घटनाएं थी ना, वहाँ जुड़ा हुआ था किससे? नमक कानून से जुड़ा हुआ था, नमक बनाने का, बस समझ में आया, नमक बनाने का, वस्तुओं का बहिष्कार करने का, उसके बाद की अंग्रेजी सरकार का बहिष्कार करने का, त्याग पत्र देने का, जो भी चीजें हुआ करती थी, वो पढ़े पिछले क्लास में, वो भी पढ़े हैं, उस समय घटना खत्म हो गया। अब महत्वपूर्ण एक और चीज आता है क्या, कि सबने अवज्ञा आंदोलन में चौकीदारी कर, चौकीदारी कर की घटनाएं, है ना? चौकीदारी करके क्या होती है घटना, ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक और पूछा भी जाता है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, बिहार के लगभग प्रत्येक प्रांत, प्रत्येक क्षेत्र या प्रत्येक जिले में ऐसा कोई भी प्रांत नहीं था जहाँ पर इस प्रकार का बेहुदा टैक्स सरकार के द्वारा नहीं लगाया गया हुआ। और टैक्स लगाया, ठीक है, लोग दे रहा था, लेकिन जब से नील की खेती बंद हुई थी चंपारण में, तब से इस टैक्स में क्या हुआ, 4:8:16 इस अनुपात में क्या होता चला गया, टैक्स को सरकार बढ़ाता चला गया। किस लिए? कि नील की खेती से जो उसको प्रॉफिट हो रहा था, बंद होने के बाद में नील बंद होने के बाद उसका प्रॉफिट लॉस होने लगा, उस लॉस की भरपाई करने के लिए सारा का सारा पैसा किससे उछलना चाहा, यह आम जनता से। बात समझ में आया? तो आम जनता जो था वो हो गया त्रस्त। आम जनता क्या हो गया? आम जनता हो गया त्रस्त। तो इस त्रस्त होने के बाद में क्या हुआ, हमारे बिहार के पूर्णिया, बिहार के सारण, चंपारण, शाहबाद, जो भी तुमको जिला नाम याद आता है, चंपारण, हर जगह तुम याद कर लो, वहां के लोगों ने एक साथ चौकीदारी कर देने का क्या किया, बंद कर दिया, देवे नहीं किया। क्यों नहीं दिया? क्योंकि इसमें सबसे बड़ा काम कौन किया था चौकीदारी कर को समाप्त करने में, उनका नाम था राजेंद्र प्रसाद। देख रही थी ना कि सब लोग लड़ाई कर रहा था एक जगह पर, राजा साहब नहीं थे, कभी यहाँ रहते थे, कभी वहां भाग गए, कभी यानी बिहार में घूमते रहते थे, किस लिए कि हमको चौकीदारी करना ही देना है। तो राजेंद्र प्रसाद साहब 3-4 महीना हर प्रांत में घूमे हुए हैं, तो उन्होंने क्या किया, हर लोगों को यह जागरूकता फैला दिया था कि हमको इस आंदोलन के समय में क्या करना है, चौकीदारी को, टैक्स को नहीं देना है, है ना? चाहे सरकार जितना भी ज्यादा कर ले, जितना भी कुछ कर ले, हमको उसमें किसी भी प्रकार के दबाव में नहीं आकर के हमको कोई भी टैक्स नहीं देना है। बात समझ में? अब इसी में एक नाम आता है जामुन प्रसाद, जामुन सिंह का नाम सुने, जामुन सिंह का, देखो इसमें बहुत महत्वपूर्ण नाम आता है जामुन सिंह, और किसी किसी किताब में इसको लिखा है जमुना सिंह, दोनों एक ही नाम है। देखो जामुन सिंह और जमुना सिंह क्या होता है, यह काफी महत्वपूर्ण है। यह उस समय में, सोचो कि उस समय में क्या होते हैं, यह दरोगा होते हैं, तो बहुत बड़े पद पर होते हैं, दरोगा बहुत बड़ा पद उस समय माना जाता था। यह क्या होते हैं, सारण जिला बोर्ड, कौन निकलता है कौन जाता है, समझ रही है सुषमा? देखो ये क्या होते हैं, जामुन सिंह सारण जिला बोर्ड के क्या होते हैं, अध्यक्ष होते हैं। जो लोग सारण के हैं उसको कंप्लीट करना, इसको पूछा जाता है ना। इन्होंने क्या किया,
सारण जिला बोर्ड से, मतलब क्या है उस समय में सारण से जितने, देखो जैसे कि क्या हो गया हमारा क्षेत्र हो गया सारण, उस समय क्या चंपारण को छोड़ के सब सारण गोपालगंज छपरा बेतिया सब इसी में इंक्लूड था। तो जैसे कि हमारा सारण का क्षेत्र हो गया ना, तो सारण में बहुत सारे गाँव होते हैं, गाँव होते हैं ना, तो इन गाँव में प्रत्येक गाँव में क्या होता था एक चौकीदार का स्थापना ये बनाया गया था कि भाई तुम रखवाली करो। तो सब चौकीदारी का क्या था इसका नाम, और इसको क्या किया, सब चौकीदारी जो होता था एक संघ के अंदर एक बोर्ड के अंदर काम करता था, उस बोर्ड का क्या नाम था सारण जिला बोर्ड, यानी सारण जिला की रक्षा करने का दायित्व किस पर था, इसी सारण जिला बोर्ड पर था, जिसका कि चेयरमैन कौन था हमारा जमुना बाबू या जामू सिंह था। तो क्या हुआ कि जब हमारे बिहार में चौकीदारी कर बहुत ज्यादा एक्सपेंड हुआ प्रसारित हुआ, तो सारण जिला बोर्ड के जो अध्यक्ष थे हमारे जमुना सिंह, ये जामुन सिंह या जमुना सिंह जो भी नाम कह लो, यह यानी यह और इनके साथ 21 और अन्य चौकीदारों ने क्या किया, चौकीदारों ने क्या किया इस्तीफा दे दिया। बताओ यह सबसे बड़ा धक्का था, बताओ कि एक गाँव से सॉरी एक जिला से ही पूरा ये इस्तीफा दे देना मामूली बात नहीं था उस समय में। यानी सोचो कि वहाँ की जो जनता थी, पुलिस में तो भाई बिहारी भरा होगा ना, वहाँ की जो बिहारी जनता थी जो वर्दी पहना था किसका, अंग्रेजी सरकार का, वो भी सरकार के इस चौकीदारी टैक्स के खिलाफ हो गया। यानी सोचो कि जब किसी राजनीति में उसको फॉलो करने वाला रोगी जब प्रतिरोध करता है तो वहाँ सत्ता पलट जरूर होता है, जैसे कि म्यांमार में भी हुआ था, इतिहास ही रहा है, बात समझ में आया। तो अब सरकार को क्या हुआ कि जब इतना जब ये इस्तीफा दे दिए तो इनको देखा देखी बिहार के जिस जिस जिले में चौकीदारी कर लगाया जाता था और जहां जहां चौकीदार होता था लोगों ने चौकीदारी टैक्स देना बंद कर दिया और वहां के चौकीदारों ने इस्तीफा भी दे दिया, और जो चौकीदार इस्तीफा नहीं देता था उसको गांव वाला दौड़ा दौड़ा करके मारता था, मतलब मारना को देखिए पूरा मृत्यु कर देता था, लाठी से खड़ा था कि तुम आओ हम रक्षा करें, हम रक्षा गाँव को खुद करेंगे, हमको तुम्हारा निधि नहीं है, है ना। ये सब जोश वाली बातें थी कि मतलब कि पूरा गाँव का लोग जागरूक हो जाए, मन पर लोग सब अपने अधिकार के लिए, ना समझ में आया, बहुत बड़ी बात होती है, इस बोर्ड का नाम बस याद रख लेना। समझ में आ रहा है आप लोगों को कि नहीं मुसर्रत, तुम्हारी शादी हुई है क्या मुसर्रत, भाग गई पल्लवी, समझ में आवा था कि ना, थोड़ा कि ज्यादा, ज्यादा ना ज्यादा नहीं है ना, अति हो जाएगा दिक्कत हो जाएगा, बैलेंस में ही समझने का प्रयास कीजिएगा। ये सब इसलिए बता रहे हैं, मेरा भी स्वार्थ है कि तुम लोग अभी हाथ मजबूत हो जाए आंसर दिखने में, है ना, ताकि जब पीटी देकर के आओ तो मेंस देने में दिक्कत ना हो किसी चीज में, इतना कंटेंट रहेगा तो पहले जरूर इसमें डाल दोगी, करंट अफेयर्स में हो किसी चीज में हो यूज हो जाएगा। जून में ही होगा संभव, तो हो भाई बीपीएससी हो कुछ नहीं करा जा सकता है, हो सकता है 45 डेज में भी वो ले ले, जैसे 600 में कैसे हुआ था, 60 मार्क्स में कैसे हुआ था, समझ में नहीं है ना, अपना बीपीएससी का कोई माय बाप नहीं है उनके इनका कार्य प्रणाली का। देखिए छसवी बोला कि सितंबर में हम मेंस लेंगे, सारा बच्चा बिल्कुल खुश था कि जो सितंबर होगा, ले लिया जून में, जून या जुलाई में लिया था, है ना, उसका भी माना गया हुआ है। तुमको समझ में आ रहा है ये क्या नाम है नीता जी सर, पढ़ना है ना जी, सब नाम याद रखना है, तो जहाँ शादी भी होगा वहाँ दबना नहीं, समझी, बताना कि देखिए हम लोग इतना मजबूत ये है इस क्षेत्र से है, यहाँ की महिलाओं ने ये किया था। देखो अब यहाँ समझो कि जब महिलाओं ने चंपा ये क्या नाम है चंपा बोलते हैं, जब महिलाओं ने और पुरुषों ने मिलकर के पूरे बिहार से चौकीदारी का देना बंद कर दिया, गांधी जी गिरफ्तार कर लिए गए और प्रमुख नेता भी गिरफ्तार कर लिए गए, तब उनको क्या किया गया, तब अंग्रेजों को लगा भाई साहब मामला आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है, तब अंग्रेजों ने क्या किया, अंग्रेज और मतलब पूरा गुस्सा में हो गया, तो गुस्सा में क्या करेगा पल्लवी बताओ, अगर तुमको क्रोध आता रहा हो तो तुम क्या करोगी, और शक्ति अपना ना किसको कंट्रोल करने में, तो अंग्रेजों ने क्या किया, अंग्रेज ने किसी को ना परेशान तो करवे किया, अब अंग्रेजों ने क्या किया, अंग्रेजों ने देखो कि जो किसानों का भाई गांव में कौन रहेगा, किसान ना रहेगा, तो किसानों का जो खेत में देखो कि अभी से खेती होता है ना, तो पुआल का घर बनाता है बड़ा बढ़िया, पुआल का चाहे भूसा वूसा का घर बनाता है, कुछ कोठी बना देता है, किसने कोठी में अनाज रखने के लिए, तो अंग्रेज के सिपाही लोग रात में जाता घोड़ा पर चढ़ करके और कोठी को तोड़ देता, जहाँ खेत खलिहान में अनाज ये पुआल रखा हुआ है, अनाज रखा हुआ है, उस अनाज को क्या करता, आग लगा देता, है ना, यानी उनके सरकार उनके क्या लोगों को सताना शुरू कर दिया गया।
और इसी बीच में क्या किया गया, अंग्रेजों ने बिहार में कांग्रेस के जो प्रमुख नेता थे, जो बच गए थे, जो जेल में नहीं गए हुए थे, तो कांग्रेस के लगभग सभी नेताओं को क्या किया, पकड़ के जेल में ठूस दिया। ठूस दिया मत लिखना पेपर में, तो नंबर काट लेगा, यानी जेल में उसको क्या कर दिया, डाल दिया गया। अब बात समझ में आया? जैसे अभी अभी कुछ देर पहले दिलीप जी पूछे थे कि सर कुछ कुछ नाम बता दीजिए कि कौन से जिले में कौन लोगों ने चौकीदारी करके क्या किया था, विद्रोह किया था, तो उसका हम थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं, है ना। देखो तो अब ये क्या हुआ कि जब चौकीदारी का जब एक्सपेंशन होने लगा, सरकार के भी जाति बढ़ते चला गया, लेकिन जनता फिर भी नहीं रुका। जनता क्या किया, और अधिक उग्र हो गया कि नहीं अब तो हम और बढ़ाएंगे चीजों को। इसी में कुछ नाम आता है। देखो तो इसी में क्या होता है कि जब प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार करके जेल में रख दिया जाता है, आई बात समझ में? तो देखो कि बेगूसराय से रामचरित्र सिंह, एक नाम सुने हैं आप लोग, लिख लीजिए, आप लोग लिखवा देते हैं यहाँ पर, देखो कि चौकीदारी कर में गिरफ्तार हुए बिहार के नेता, है ना। यहाँ लिखना पहला में स्थान, यहाँ लिखना कौन सा नेता, लिख लो स्थान में, लिखो बेगूसराय, उसमें लिखो रामचरित्र सिंह, जल्दी लिखो, थोड़ा सा खत्म कर इसको, राम चरित्र सिंह लिखो, गया गौरी शरण सिंह, रांची पूर्णचंद्र मिश्रा, रांची से लिखना पूर्णचंद्र मिश्रा, रांची से क्या होगा पूर्णचंद्र मिश्रा। मोतिहारी से लिखो देवीलाल साहू, देवीलाल साहू, मोतिहारी में एक साहू का मोहल्ला है, देखिएगा साहू टोला बहुत बड़ा टोला है, वहाँ पोखरी से बहुत ज्यादा है और सब पैसे वाले लोग हैं, सब बर्तन का व्यापार करते हैं, साहू लोग बनिया होते हैं। देवीलाल साहू मोतिहारी से। नवादा से लिखो जयनाथ पति, किसके पति, तो जयनाथ पति, पति ठीक है, चलो हो गया, बस यही चार पांच ये याद रखो, सबका नहीं कर सकते हैं उतना, और यहाँ ध्यान देना। अब क्या हुआ कि इसी क्रम में बिहार सरकार बोलते हैं, अंग्रेजी सरकार ने क्या किया, इसको तो गिरफ्तार कर लिया, तो अंग्रेजी हुकूमत ने, ब्रिटेन की संसद ने क्या किया, अब देखा कि मामला फिर भी नहीं कंट्रोल हो रहा है, यानी जितना लोग को गिरफ्तार किया है ना, मैक्सिमम लोग क्या था, एक ही पार्टी से था, उस पार्टी का क्या नाम था, कांग्रेस, है ना। तो अब क्या हुआ कि जो लोग नहीं भी जुड़े थे कांग्रेस से, वो भी कांग्रेस से क्या हुए, जुड़ना चाह रहे थे, यानी हम जुड़ करके आंदोलन में क्या करेंगे, भाग लेंगे। तो अंग्रेज का दिमाग ठनका ब्रिटेन की संसद को हराने का, भाई साहब अगर हम इसको, अब इसको नहीं शिकंजा कसते हैं कांग्रेस पर, इसका सम्मेलन होता रहेगा हमेशा, इसका संख्या बढ़ता रहेगा, और चूंकि ये तो उग्रवादी संगठन हो गया है कांग्रेस हमारा, अब क्या करेंगे, इसको अवैध घोषित करवाएंगे, अगर इसको कंट्रोल नहीं करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, लोग बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। देखो कि ब्रिटेन की सरकार ने क्या चाल करता है, ब्रिटेन की सरकार ने 3 जून 1930 ईस्वी को, जब हमारा मई में गिरफ्तार किया जाता है, देखो 4 मई में गिरफ्तार कर लिया, 4 मई के बाद जून आता है, यानी लगभग उसके 29वें दिन या 28वें दिन में, 3 जून 1930 ईस्वी को क्या करता है, ब्रिटेन की सरकार क्या करती है, हमारे कांग्रेस को अवैध घोषित कर देती है। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, अवैध घोषित कर देती है। अवैध घोषित का मतलब यह हुआ कि अब तुम्हारे द्वारा जो भी गतिविधियां की जाएंगी, वह गतिविधियां एक देशद्रोही गतिविधि के संदर्भ में लिया जाएगा। भाई तुम्हारे संगठन को तो मान्यता दी ही नहीं है, तुमने तो इलीगल संगठन बनाया हुआ, तो तुम हो सकता है तुम राष्ट्र को तोड़ने का बात कर रहे हो। तो इसी उद्देश्य से क्या किया, 3 जून, यहाँ ध्यान रखना काफी महत्वपूर्ण है, 3 जून 1930 ईस्वी को कांग्रेस को अवैध, कांग्रेस को अवैध घोषित कर दिया गया। अवैध घोषित करने के साथ में ही इसके जितना बड़ा नेता सब था, उन सब नेता को क्या किया, पकड़ करके जेल में डाल दिया गया। इसी में, इसी समय में क्या हुआ, 3 जून को जवाहरलाल नेहरू जी को, जवाहरलाल नेहरू जी को भी क्या कर लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया, और गिरफ्तार करके इसको डाल दिया गया नैनी जेल में। नैनी जेल कहाँ है, प्रयागराज। प्रयागराज कहाँ है, उत्तर प्रदेश में, उसके ऊपर नाम क्या है, इलाहाबाद। इलाहाबाद जेल भी कई बार लिखा जाता है, इलाहाबाद में एक नैनी जेल है, वही नैनी जेल में इनको क्या कर दिया गया, बंद कर दिया गया जवाहरलाल नेहरू का। अब भाई गांधी बाबा भी गिरफ्तार हो गए, नेहरू चाचा भी गिरफ्तार हो गए, यानी देश के दो टॉप क्लास के नेता सब गिरफ्तार कर लिए गए। तो आंदोलन क्या हुआ, धीरे धीरे क्या कम होता चला गया। सोच रहे, समझ रहे चीजों को, कि जो नेतवा होगा वही पकड़ा जाएगा, तो उसका नेतृत्व कौन करेगा, नेतृत्व तो एक एक नहीं कोई आएगा भी सोचकर कि भाई हम नेतृत्व करते हैं। तो अब क्या हुआ कि जब लोगों को पता होने चला गया कि भाई इतना अंग्रेज सब क्या कर रहा है, हमारे नेता को गिरफ्तार कर रहा है, तो अब हमारे पास क्या, कोई लीडर नहीं है कि जो हमको क्या करे, आंदोलन में आगे लेकर के चले। मैं समझ, धीरे धीरे लोगों का बीच मन बढ़ता चला गया, और धीरे धीरे क्या होता कि इसका
जो दबाना चला था ना अंग्रेज, वो दबता चला गया हमारा कौन, सबने भगी आंदोलन। बात समझ में आया। और यह 3 जून के बाद से पूरा 4, 5, 6 जून, 7 जुलाई तक जितना भी महीना था ना, उन सब महीनों में भारत के उन क्षेत्रों में जहाँ जहाँ कांग्रेस की सरकार थी, वहाँ वहाँ क्या किया इन्होंने, भारत की अंग्रेज की सरकार ने उन लोगों को क्या कर दिया गया, वहाँ के स्थानीय नेताओं को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया। बात समझ में आया। इसमें हम लोग को महत्वपूर्ण क्या है, इसी संदर्भ में 5 जुलाई 1930 ईस्वी को ध्यान रखना, 5 जुलाई 1930 ईस्वी को हमारे राजेंद्र बाबू को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। कहाँ, बिहार से। राजेंद्र प्रसाद तो बाबू तो बाद में बने हैं ना। राजेंद्र प्रसाद को क्या कर लिया जाता है, गिरफ्तार कर लिया जाता है। और इसको कहाँ रखा जाता है, हजारीबाग जेल में। यहाँ ध्यान देना, जेल का नाम इसलिए लिख रहे हैं कि बीपीसी ने पूछा हुआ है कि सबने अवज्ञा आंदोलन के समय राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में रखा गया था, है ना। और बीपीसी ने यह भी पूछा है कि जवाहर नेहरू को कहाँ रखा गया, इसलिए जेल का नाम हमने डिस्कस कर दिया है। आपको ध्यान रखना, नामे बचे 3 चीज हमको मिला फैक्ट, राजेंद्र प्रसाद, हजारीबाग जेल, कब तक पकड़ाया गया था, तो 5 जुलाई को। बात समझ में आया। तो अब क्या हुआ कि अब जब 5 जुलाई 1930 ईस्वी राजेंद्र प्रसाद को हजारीबाग जेल में बांध दिया जाता है, तो इनकी जो सजा होती है ना, वह सजा होती है 6 मास का या 6 महीने का। ये भी पूछा जाता है कि भाई राजेंद्र प्रसाद को कितना दिन तक या कितना महीने तक जेल में डाला गया था, तो कितना लिखेंगे, 6 माह पर। अब यहाँ ध्यान देना कि हजारीबाग वही जेल है, ध्यान दो सारे बच्चे, हजारीबाग वही जेल है जहाँ पर कल पढ़े थे ना कि पूरा जेल में लोग पकड़ के ठूस ठूस दिया था, जगह नहीं बना बचा था, तो कहाँ बाईस में लोग नया सरकार ने जेल बनाया था। तो हजारीबाग में क्या होता है कि इनकी मुलाकात हमारे भारत के, सॉरी बिहार के बहुत ही प्रोमिनेंट व्यक्तियों से होता है, जिनकी पृष्ठभूमि जो होती है ना, आगे हम पढ़ेंगे भारत छोड़ो आंदोलन का ना, उसकी उसकी पृष्ठभूमि तैयार होती है। तो कहीं आप पढ़ते हुएगा कि भारत छोड़ो आंदोलन की जो पृष्ठभूमि थी, वह वास्तव में सबने अवज्ञा आंदोलन से निकला हुआ था। किसके संदर्भ में, बिहार के कॉन्टेक्स्ट में। देखिए हुईगा कि हम लोग आगे अभी इसको आगे करते हैं कि कैसे कॉन्टेक्स्ट में वो आता है। देखो, इन साहब को बाबू को क्या करते हैं, बाबू को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया जाता है। तो यहीं पर क्या होता है कि दो बार नहीं, इनका तो गिनती है नहीं, राजेंद्र प्रसाद साहब का ना, बहुत बार जेल गए हैं। बात समझ में आया। ये गांधी जी कौन बार जेल गए हुए हैं, काउंट कीजिएगा तो बहुत बार जेल गए, जेल आए। जेल का मतलब ये थोड़ी होता है खाली जेल जाना, तू अगर आपको नजरबंद रखता हूँ तो क्या कर जेले होता है ना। देखो, 5 जुलाई को क्या होता है, इनके जेल में जब बंद कर दिया जाता है, तो इनकी, अब देखो यहीं से क्या होता है, जब ये राजेंद्र बाबू जब जाते हैं, जो छात्र नेता होते हैं, युवा होते हैं, जो शिला होता है, तो इनकी मुलाकात हमारे बिहार के 2 सबसे प्रमुख व्यक्ति से होता है, जिनकी में पहला का नाम है राम वृक्ष बेनीपुरी। राम वृक्ष, नाम सुने हैं इनका, कहाँ खड़े राम वृक्ष बेनीपुरी का, सुषमा बेनीपुरी जी का कहाँ घर है, नहीं बोल रही हो। देखो, ये मुजफ्फरपुर के थे, मुजफ्फरपुर। हाँ, दूसरा आते हैं फूलन प्रसाद वर्मा, ये कहाँ के थे, तो बहुत बार मैं बताया है फूलन जी के बारे में, नहीं सर इनका बारे में, कहाँ के, इवान, इवान राम वृक्ष के बारे में असहयोग में पढ़ाया था। देखो, ये जो 2 महत्वपूर्ण व्यक्ति होते हैं, फूलन प्रसाद, राम वृक्ष बेनीपुरी और फूलन प्रसाद वर्मा, इनकी मुलाकात किससे होती है हमारे जेल में, राजेंद्र प्रसाद साहब से होती है। सबसे पहले इनसे वृक्ष बेनीपुरी से मुलाकात होता है। तो आपको पता है कि जो बेनीपुरी साहब थे ना, ये कवि होते हैं, पढ़े लिखे भी, इनका बस कविता भी आप लोग पढ़े हुए, वही बेनीपुरी साहब है। तो ये होते हैं स्वभाव से कवि, यानी जोशीला भाषण लिखते हैं ये लोग, ये जोशीला कविता लिखते हैं, कोई आर्टिकल लिख दिया, आई बात समझ में। तो जब इनकी यहाँ पर मुलाकात होती है, तो मुलाकात होने के क्रम में अब डिस्कस होता है आगे की घटना करने पर, आगे की घटना करने पर डिस्कस होता है। तो जब यह राम वृक्ष बेनीपुरी फूलन प्रसाद वर्मा से इनका मीटिंग होता है राजेंद्र प्रसाद साहब का, तो प्रसाद साहब को पता होता है कि भाई इस जेल में, तो हजारीबाग जेल में क्या है कि बिहार के बहुत अच्छे अच्छे क्रीम नेता सब, क्रीम मतलब कि बहुत नहीं होता कि टॉप क्लास का नेता सब, जो लीडर, जो लीड करते हैं किसी भीड़ को, वो सब नेता क्या है इसमें शामिल किए गए हैं। यहाँ ध्यान रखिएगा
राजेंद्र प्रसाद साहब जब उस जेल में रहते हैं तो जो भी नेता होता है सब नेताओं से क्या करते हैं, वो मीटिंग करते हैं, वार्तालाप करते हैं। और चूंकि ये तो नेता ये तो छात्र रहते हैं तो अब क्या करते हैं कि इनके दिमाग में कुछ खुरापाती आइडिया आता है, चूंकि युवा है तो इनको पता है बाकी सब नेताओं को भाई हम तो बस एज में बड़े हैं इनके तो हमसे ही सब काम ना हो पाएगा। लेकिन राजेंद्र प्रसाद को अगर हम कोई बात कहेंगे तो वह बात क्या हो सकता है कि जेल में जाने के जेल से बाहर जाने के बाद में यह अपने ऊंचे नेताओं को बोले, गांधी को बोले, नेहरू को बोले और क्या करे इसको देश में इम्प्लीमेंट करवाए तो हो सकता है कि हम पहले ही आजाद हो जाए, पहले ही को करे स्वराज को प्राप्त कर पाए। समझ में? तो इन दोनों से मुलाकात करने के बाद में इनकी मुलाकात दो तीन और व्यक्ति से होती है, उनका नाम है महामाया। नाम सुने हो महामाया का? महामाया प्रसाद सिंह, या किसी किसी किताब में सिन्हा भी लिखा होता है, महामाया प्रसाद सिंह या महामाया प्रसाद सिन्हा। और दूसरा और व्यक्ति से नाम होता है भवानी, भवानी दयाल शंकर का नाम सुने हैं आप लोग? भवानी, हाँ सर, भवानी दयाल सिंह ना सर, सन्यासी बोलते हैं इनको। देखो हमारे क्षेत्र के थे, बहुवारा के। हाँ बहुवारा के थे, बता। देखो तो अब इन दोनों की मुलाकात होती है। देखो नाम का तो सन्यासी होते हैं लेकिन बड़ा बदमाश होते हैं ये, बदमाश इन द सेंस इस मामले में ना कि यह जो होते हैं अंग्रेज के कट्टर दुश्मन होते हैं, है ना। अपने क्षेत्र में जब बोले ना रोहतास में थे तो क्या करते थे, रोहतास के पहाड़ में चल जाए, वहाँ तो पहाड़ी पठारी इलाका है, रोहतास के पहाड़ पर चले जाते थे। और देखो कि जैसे कि वहाँ पलटन या पलटन समझ में आता है कि जैसे कि पुलिस का टुकड़ी होता है घोड़ा पर जाता था तो पहाड़ पर चढ़ जाते थे और वहाँ पर क्या करते थे जो पत्थर था पत्थर ऊपर से गुलका देते थे। बहुत लोग मतलब ये किए हैं दयालु, नाम नाम पर मत जाना, दयालु दयालु नहीं होंगे ये, बड़ा खतरनाक प्रवृत्ति है ना जी मिलीव जी। हाँ छिप छिप के जैसे आदमी जा रहा है कि जैसे बुलेट मार दिया माथा पर, पूछ रहा है कि कौन मार दिया, पत्थर गिरा दिया, घोड़ा मर गया, आदमी मर गया, है ना। तो ये पहाड़ी इलाका में छुप करके वार करते थे। और जनरली इसको पकड़ा गया कब, सब देखो ये पहले से परेशान कर रहे थे, सरकार के हिट लिस्ट में थे, लेकिन अब सबने बताया जब लोगों का हुजूम आया ना उसी समय में ये पकड़ा गया बेचारा, जब नहीं पकड़ाते हाथ में। गोरिल्ला पद्धति से लड़ाई कर रहे, इस गोरिल्ला इसको जो कह लो बड़ा तेज होशियार आदमी थे बेचारे, मराठा समाज गोरिल्ला पद्धति इसी तरह से चलता था, छुप जाता था और ठीक है। अब देखो तो अब बात क्या आता है कि सब लोग तो कैदी वहां बंद है जेल में, है ना। तो अब जेल में जो बंद है तो उनको जोश कैसे लाया जाए कैदियों को ताकि कैदी वहां पर बोर ना हो, क्लियर है सब बात बच्चों को। तो उसके लिए क्या किया, उसके लिए एक रामकृष्ण देवीपुरी ने हाथ से लिखा हुआ एक न्यूज पेपर या पत्रिका चालू किया। उस पत्रिका का क्या नाम है, उस पत्रिका का नाम है कैदी। काफी महत्वपूर्ण है ये, यहाँ ध्यान देना कि हजारीबाग जेल से, सुन लो सारा स्टेटमेंट मेरा सुन लो, सुन लेना कि हजारीबाग जेल से ही राम वृक्ष बेनीपुरी ने अपने हाथ से लिखा हुआ, प्रिंटिंग प्रेस तो वहां था नहीं ना, तो अपने हाथ से पेपर पर लिख करके क्या करता था, कैदी नाम का क्या किया, एक पत्रिका जारी किया। और वही पत्रिका हाथ से लिखते थे और देते थे लोग। सोचो कि तुम लोग 10 लाइन लिखने में लगता है कि भाई साहब कितना हम लिख रहे हैं, पल्लवी को बोले लिखेंगे तो बोलते हैं सर पल्लवी हाथ दुखा रहा नहीं लिखेंगे। सोचिए कि उस समय में जब इतना स्मूथ कलम नहीं था, इतना स्मूथ पेज नहीं था, किस प्रकार लिखे होंगे वो, इंक में कलम डालते थे लिखते थे, जज्बे को सलाम करो उनको। तो क्या करते थे कि हाथ से, हाथ पर पत्रिका लिख कर जो जो कैदी थे सबको हाथ से पंपलेट की तरफ बांटते थे। काफी महत्वपूर्ण है ध्यान रखना कि कैदी पत्रिका की शुरुआत किसके द्वारा की जाती है, तो क्या बताएंगे सुषमा, राम वृक्ष बेनीपुरी के द्वारा किया जाता है। कहाँ पर किया जाता है, तो हजारीबाग जेल से किया जाता है। यह कैदी कैसा था, तो यह हाथ से लिखा हुआ था, प्रिंट नहीं था, हाथ से लेखनबद्ध किया हुआ था। मैं समझ में आया। अच्छा अब देखो तो ये जो था दोनों महामाया प्रसाद सिन्हा और भवानी दयाल सन्यासी, जब इनकी मुलाकात होती है दोनों को जेल में तब तो कहते हैं भाई कि अब हमको भी कुछ ना कुछ लिखना चाहिए, हमको भी क्या चाहिए, कुछ ना कुछ लिखना चाहिए। तो राम वृक्ष बेनीपुरी ने क्या किया, कैदी लिखा और इन दोनों ने मिलकर के एक और पत्रिका लिखा, उसका नाम है कारागार। अंग्रेजी में सही है ना, कुछ बहुत तो काम हो जाएगा, हिंदी में लिखना होता है कि भाई दिखे को दिखे रो दिखे। देखो तो ये दो पत्रिका काफी महत्वपूर्ण है, फिर से सुन लो मन्यू कि कारागार हस्तलिखित पत्रिका थी, कहाँ से शुरू किया गया था, हजारीबाग जेल से शुरू किया गया था। कौन शुरू किया था, तो दो व्यक्ति का नाम डालना, महामाया प्रसाद सिन्हा या सिंह और भवानी दयाल सन्यासी या सिंह। बात समझ में आया। अब देखो अब हमारे बच गए कौन, एक मिनट, यहाँ पर दो चीजें समझ में आ गई आप लोगों को,
ये कैदी है और ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको याद रखिएगा। बात समझ में आया? अब बचते क्या है हमारे, हमारे साथ बचते हैं पूरन बाबा। जरा दिमाग लगाओ तो, कुछ दिन पहले अगर आप लोगों ने हमारी बात सुनी होगी तो फूले प्रसाद वर्मा के बारे में कहा था। देखो वर्मा साहब क्या थे कि इन्होंने कहा राजेंद्र प्रसाद साहब को, देखिए साहब सब कुछ तो ठीक है लेकिन हम लोग अनुनय विनय से भीख मांग के हम काम नहीं करेंगे और सरकार हमको देगा भी नहीं। हमको क्या करना चाहिए, जब हम आजाद होंगे ना जेल से या जब हमको छुट्टी मिलता है यहाँ से, तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे कि सरकार को अब हिंसात्मक रूप से हम इसको डराने का धमकाने का प्रयास करेंगे। बात समझ में आया? तो आप लोग बीपीएससी मेंस में पढ़ते हुइएगा कि जय प्रकाश नारायण भारत छोड़ो आंदोलन के समय में चले गए थे नेपाल के राजविलास जंगल में, वहां से उन्होंने क्या किया, गोरिल्ला वार किया, ट्रेन की पटरिया उखाड़ी, उसके बाद तार टेलीफोन के तार को काट दिया, ये सब जो है ना। ऊपर जयप्रकाश साहब को अपने नहीं आया था सपना कि भाई हमको ये काम करना है, वास्तव में उसके पिताजी कौन थे, फूले प्रसाद वर्मा। यानी फूले प्रसाद वर्मा ने राजेंद्र प्रसाद साहब को कहा कि देखिए साहब कि हम क्या करेंगे, सपने बनाने के समय में रेल की पटरी को उखाड़ेंगे ताकि अंग्रेजी सेना को आने में समय लगे, हम क्या करेंगे, हम उसको करेंगे क्या कि तार टेलीफोन के तार को काट देंगे और जो तार हम भेजते हैं उस तार का कनेक्शन को काट देंगे, बिजली के तार को काट देंगे, ताकि कनेक्शन एक कनेक्शन का लिंक हो भी नहीं करेगा तो कैसे जल्दी कोई पहुंचेगा। तो प्रसाद साहब बोले कि नहीं, गांधी साहब ने हमको कहा है क्या कि हमको पूर्ण रूप से अहिंसात्मक रूप से इसको आगे बढ़ाना है। बात समझ में आया? हिंसा का इसमें कोई गुंजाइश नहीं हम करेंगे। तो उनकी बात को वहां दबा दी जाती है। लेकिन जब 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन होता है तो फूले प्रसाद द्वारा जो कंसेप्ट दिया जाता है पटरी उखाड़ने का, चाहे पेड़ के पेड़ों को काटने का, तार को काटने का, तो इन्हीं का कंसेप्ट था जो कौन यूज करते हैं, जयप्रकाश नारायण यूज करते हैं। बात समझ में आया? अब इस समय क्या होती है, इसके बाद में जब पूरे घटना हो जाती है, गांधी भी रिलीज हो जाते हैं, तो उसी समय की 5 मार्च 1931 को गांधी जी कहां जाते हैं, अब इस आंदोलन को खत्म होने के बाद में जाते हैं गांधी जी गोल मेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए, है ना। उसके बाद की घटना है तो खैर वो अब हिस्ट्री में पढ़िएगा, उसमें देख लीजिएगा, ध्यान दो यहाँ पे। तो अब ये घटनाएं होती हैं और समय देखो पूरा कुछ समय के बाद में ही सरकार क्या करता है, सबको रिलीज कर देता है, छोड़ देता है। बात समझ में आया? तो इसी बीच में क्या होता है, 1931 1932 इन 3 सालों में क्या होता है, गोल मेज सम्मेलन होता है। पहला में तो गांधी बाबा नहीं जा पाए, दूसरा में गांधी बाबा गए कहां पर, गोल मेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए कहां पर, ब्रिटेन जाते हैं। लेकिन वहां से क्या होते हैं, यह खाली हाथ वापस लौटते हैं। मतलब क्या कि वो जो नहीं होता कि ये क्या उसको बोलते हैं अंग्रेजी में, कास्ट के आधार पर कुछ का मामला फंस जाता है, नाम कर रहे हैं। तो वहां से जब वापस आते हैं तो फिर भी गांधी बोलते हैं कि हम वापस नहीं आए हैं बल्कि हम क्या लाए हैं, आपके लिए अधिकार लेकर के आए हैं। इस बीच में फिर क्या होता है, इस बीच में बहुत सारी घटनाएं होती हैं, पूना पैक्ट होता है अम्बेडकर के साथ में, तो धीरे धीरे क्या होता है, यह मामला बंद होता चला जाता है। अंततः क्या होता है, गांधी जी एक सभा का आयोजन करते हैं और 7 अप्रैल 1934 ईस्वी को गांधी जी पूर्ण रूप से यह अनाउंस करते हैं क्या कि अब हमारे भारत में सबने अवज्ञा आंदोलन को स्थगित किया जाता है। यहाँ ध्यान दीजिएगा कि जब यह आंदोलन स्थगित करते हैं तो बहुत सारे लोग, बहुत सारे नेता इनका विरोध करते हैं, लेकिन गांधी एक सम्माननीय पद होता है, एक सम्माननीय व्यक्तित्व होता है, इसलिए उनकी बात का आदर करने के लिए भारत के साथ साथ क्या होता है, पूरे बिहार में भी सबने अवज्ञा आंदोलन बंद कर लिया जाता है। हालांकि बाद में कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं कि दोबारा से एक सेकेंड टर्म में सबने अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की जाती है, जिसको कि इससे पहले 7 जुलाई को बंद किया, अप्रैल को बंद किया जाता है और 12 जुलाई 1934 ईस्वी को क्या किया जाता है, 12 जुलाई 1933 ईस्वी को क्या किया, एक साल पहले ही क्या किया जाता है, किसी बात पर फिर से क्या किया जाता है, सबने अवज्ञा शुरू किया जाता है दोबारा से। हालांकि वो महत्वपूर्ण हमारे यहाँ बिहार में उसका प्रभाव नहीं होता है, इसलिए इसको हमने डिस्कस नहीं किया हुआ है। इसको हम लोग नाम देते हैं क्या, व्यक्तिगत सत्याग्रह। इसमें क्या कहा जाता है कि भाई अब ग्रुप में हमको काम नहीं करना है, यानी आपके पास जो भी क्षमता है, जो भी आप कर सकते हैं, आप स्वतंत्र रूप से क्या करें, अपना भागीदारी सूचित करें, उसी को बोलते हैं व्यक्तिगत सत्याग्रह। तो यहाँ पर 33 ही है। होता क्या है ना कि जो व्यक्तिगत सत्याग्रह होता है, यह वह चीज नहीं है जिसे हम और आप समझ रहे हैं, है ना। इसमें क्या कहता है कि अब सबने अवज्ञा आंदोलन को ग्रुप में नहीं काम करना है, अब क्या करें, सबने अवज्ञा आंदोलन में पार्टिसिपेशन आप कीजिए लेकिन व्यक्तिगत रूप से जुड़िए, आप इंडिविजुअल होकर के तारीख में दुकान पर बैठिए या वस्तु का बहिष्कार कीजिए,
है ना, आपको सम्मोहित नहीं करा, चूंकि उनके पास एग्रीमेंट हुआ होता है किसी से, गांधी का और भारत सरकार के बीच में, वो ब्रिटेन की सरकार के बीच में, है ना। तो जब इनका स्टेटमेंट दिया जाता है कब, 5 जुलाई स्टेटमेंट दिया जाता है 7 अप्रैल 1934 ईस्वी को कि भाई हम क्या करेंगे, व्यक्तिगत सत्याग्रह बंद करते हैं, तो भारत के साथ साथ में क्या होता है, बिहार में भी व्यक्तिगत सत्याग्रह को बंद कर दिया जाता है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, इसके पीछे कुछ घटनाएं होती हैं, वह घटनाएं आपको बिहार के लिए महत्वपूर्ण है, वो इतिहास में पढ़ना है, वो पढ़िएगा जरूर। तो इस प्रकार उनके स्टेटमेंट के साथ में क्या होता है, बिहार में भी सबने बताया धीरे धीरे, एक एक समाप्त नहीं होता है, लेकिन धीरे धीरे वो घटनाएं क्या होती है, समाप्त होती चली जाती है। ठीक है, तो आपका क्या हुआ कि व्यक्तिगत सत्याग्रह